सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस वेरी ब्यूटीफुल सीरीज कंप्लीट बायोलॉजी इन 10 डेज सेगमेंट। माई सेल्फ सुशील कुमार मिश्रा एंड वेलकम टू दिस सेगमेंट। चलिए शुरू करते हैं 19th नंबर चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। बिल्कुल मजा आ जाएगा बच्चों, एकदम से समझ में पूरा चैप्टर बहुत क्लियरली आने वाला है। बने रहेंगे इस सेशन में और लाइक कर देंगे सेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चा, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता दूं ताकि आप लोगों का कुछ भी अपडेट्स ना छूटे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले कि अगर आपने टेलीग्राम में हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए, जुड़ जाइए फॉर रेगुलर अपडेट्स, फॉर रेगुलर नोट्स। ठीक है, टेलीग्राम में हमारा चैनल आपको मार्क्सअप के नाम से मिल जाएगा, आपको जाना है और उस पर जुड़ जाना है। दैट इज योर फर्स्ट प्राइम ड्यूटी। ठीक है, तभी सारे क्लासेस के अपडेट्स आपको मिल पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा लोग, कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया या बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, बिकॉज सारे क्लासेस अपडेट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे यूट्यूब के तरफ से। हमारा ऐप भी है, एप्लीकेशन भी है, जिसे आप क्या करो, ज्वाइन कर लो, एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लो। आपको प्ले स्टोर में हमारा ऐप मिल जाएगा मार्क्सअप के नाम से, जाइए वहां से आपको बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, आप वहां से आप जुड़ सकते हो, कोर्सेस को बाय कर सकते हो। तो ये हमारा मार्क्सअप के नाम से आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे भी। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर बच्चा लोग, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला, ये जो आपको पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चा, पहले हम लोग करते हैं फ्लो ऑफ चैप्टर। तो चैप्टर कैसे कैसे बहेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, टॉपिक क्या क्या लेंगे इस चैप्टर में वो हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग बात करेंगे, दैट इज कितने तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, एंड कितने तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला तो ये करेंगे। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, उसका जो आपका फंक्शनल यूनिट है जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन लेंगे। तीसरा आपको क्या करना है, तीसरा उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिटेल डिस्कशन लेंगे, एंड उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन के बारे में समझेंगे। देखो इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिसको आपको क्या करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है, क्योंकि आप उसे समझते नहीं हो। तो आज इस झंझट को एकदम खत्म कर देना है, मेमोराइज करने की जो ये प्रॉब्लम है, समस्या है, ये दिक्कत है, इसको एकदम से जड़ से आज क्या करेंगे हम लोग, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो सारे चीजों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिना किसी मेमोराइजेशन का। ठीक है, कोई भी तरह का मेमोराइजेशन करने का जरूरत नहीं है, समझते चलोगे एकदम से क्लियर होता चला जाएगा, यूरिन फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका रेगुलेशन करेंगे, रेगुलेशंस वगैरह पे हम लोग बात कर लेंगे थोड़ा। उसके बाद हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर लेंगे, जो कि बहुत ही छोटा सेगमेंट रहेगा। तो इस तरह से फ्लो ऑफ टॉपिक रहेगा। बच्चे कहाँ फंसते हैं, तो यूरिन फॉर्मेशन थोड़ा डाउटफुल लगता है उनको, रेगुलेशन से थोड़ा डाउट आ जाता है, एंड फिर काउंटर करंट मैकेनिज्म तो एकदम हवा नहीं लगता है कि नहीं। तो इन तीनों टॉपिक को आज हम लोग इतने अच्छे से करने वाले हैं, इतने अच्छे से करने वाले हैं कि आप कहोगे सर बिल्कुल सब कुछ समझ में आने लग जाएगा आपको। ठीक है, तो चलो फ्लो ऑफ चैप्टर में सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो यहाँ से हम लोग का नोट्स बहुत ही बढ़िया नोट्स है और यहाँ से हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। तो देखो लिखा गया कि ऑल द एनिमल्स नीड टू रेगुलेट वाटर एंड सॉल्ट्स इन देयर एनवायरमेंट एंड एलिमिनेट नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो जितने भी प्रकार के आपका एनिमल्स हैं, जितने भी प्रकार के एनिमल्स हैं, दे नीड टू रेगुलेट वाटर एंड सॉल्ट, है ना। बॉडी में अगर हम क्या करेंगे, बैलेंस नहीं बनाएंगे, ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करेंगे, तो फिर हमें होम्योस्टेसिस मेंटेन करना में क्या होगा, कठिनाई होगी। सो दे नीड टू एलिमिनेट दोज नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब ये नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या होता है और कितने तरह का होता है, ध्यान दीजिएगा, इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट आपका जनरली अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ तीन तरह से हम लोग पढ़ेंगे इसको। एक हो गया अमोनिया, एक हो गया आपको अमोनिया, दूसरा हो गया आपका क्या हो गया, दूसरा यूरिया, एंड तीसरा हो जाएगा आपको यूरिक एसिड, तीसरा हो जाएगा यूरिक एसिड, जिसके बारे में एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से तीनों के बारे में दिया हुआ है। अब इसको ध्यान देना, जैसे जैसे हमारा जो है लाइफ इवॉल्व हुआ था, एक्वेटिक फॉर्म में हम लोग का पहले लाइफ इवॉल्व हुआ है, देन इट विल बी गोज टू लैंड। तब हम क्या कर रहे थे, धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व करते हुए लैंड तक
आ रहे थे। तो एक्वेटिक में हमारे पास तो वाटर की एकदम कमी नहीं थी, बिल्कुल हमारे पास वाटर क्या था, एबंडेंट अमाउंट में था। तब उस समय हमें क्या करना था, वाटर उतना अधिक मात्रा में हमें कंजर्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, ठीक है। वाटर बहुत एबंडेंट था तो वाटर को हम कंजर्व भी नहीं करते, तो चल जा रहा था। तो ऐसे कंडीशन में देखो, कंडीशन वाइज हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन करेंगे उस प्रोडक्ट का जिस कंडीशन पे हम रहते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर आप एक्वेटिक लाइफ स्टाइल है आपका, एक्वेटिक हैबिटाट है कह सकते हो, तो उस कंडीशन में वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो हम टॉक्सिक टाइप ऑफ अमोनिया जो है, टॉक्सिक जो आपका बहुत टॉक्सिक होता है, तो इस अमोनिया को रिलीज कर सकते हैं इजिली, बिकॉज इट रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये हमारा जो है बहुत ईजिली क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम लैंड पर आना शुरू हुए, तो लैंड पे आने से हमारा वाटर क्या हो गया भाई, वाटर अब लिमिटेड हो गया, वाटर लिमिटेड हो गया, तो अब हम इस अमोनिया को तो एक्सक्रीट आउट डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो अमोनिया ही आपका क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है इन दैट ऑफ यूरिक एसिड, आप कह लो पहले यूरिया, फिर और पर्टिकुलर हमें वाटर मैनेजमेंट करना है तो हम यूरिक एसिड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, यूरिक एसिड की तरफ मूव करते हैं। तो ये एक तरह से क्या है, डिमांड ऑफ सिचुएशन है, जैसा सिचुएशन था वैसा वैसा आपका बॉडी ने अपने आप को क्या किया है, इवॉल्व किया है। तो एक्वेटिक से लैंड, लैंड से आपने जो है, जैसे कि मान लो बर्ड वगैरह, बर्ड वगैरह के पास तो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर है ना, मैक्सिमम टाइम वो अपने मान लो क्या कर सकते हो, फ्लाइंग में है, ठीक है। इवन आपका जो है उनमें वाटर का बहुत ही ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो उनमें आपका यूरिक एसिड सिक्रेट आउट हो रहा है एज ए यूरिक एसिड। अब देखना बच्चा, यहाँ नाम में आप कन्फ्यूज कर जाते हो, ठीक है, अमोनिया है तो अमोनोटेलिक बोलोगे, यूरिया है तो यूरियोटेलिक बोलोगे, और यूरिक एसिड है तो यूरिकोटेलिक बोलोगे। यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक में आप कन्फ्यूज कर जाते हो, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको कि यूरिया है तो यूरियोटेलिक बोलो, और यहाँ पे सी है ना बच्चा, यूरिक में देखो सी है, तो आप यूरिकोटेलिक बोलो, कोई दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं। एक एक पॉइंट, एक एक फेदर हम यहाँ पे निकाल निकाल के आपको समझाने वाले हैं, सो डोंट वरी, आपका ये पूरा चैप्टर बहुत ही इजीली कंप्लीट हो जाएगा। जिनको भी डिफिकल्ट लगता है, एकदम से आपको क्या करना है, चैप्टर को पूरा एक बार समझना है, ध्यान से सुनना है, एकदम इजी हो जाएगा, डोंट वरी बच्चा लोग। तो अब यहाँ पे हम लोग ये चीज़ समझ लिए कि हम क्या कर रहे हैं भाई, अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ ऑर्गेनिज्म, अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ इट्स हैबिटाट, हमारा क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली नाइट्रोजनस वेस्ट जो है आपको अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। देखो अमोनिया सब में बनेगा, अमोनिया क्या होगा, प्राइमरी टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट आप बोल सकते हो इसको, सभी ऑर्गेनिज्म में शुरू में तो अमोनिया ही बनेगा, लेटर ऑन उसको हम क्या कर सकते हैं, यूरिया, अगर यूरिकोटेलिक है तो यूरिक एसिड में, यूरियोटेलिक है तो यूरिया में कन्वर्ट होता है, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं बालक, कि रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड दिस सॉल्ट इज टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं इसको हम, ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं, ये सबको पता है। अब इसी नाइट्रोजनस वेस्ट के एलिमिनेशन को हम क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन कहेंगे, एक्सक्रीशन कहेंगे। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो निकल रहा है वो एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है। ऑन द टाइप ऑफ इट्स एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट अगर हम बात करें तो तीन तरह से इसको डिवाइड करेंगे, एक हो गया अमोनोटेलिक, एक हो गया यूरियोटेलिक, और एक हो गया यूरिकोटेलिक, ठीक है। तो ये तीन तरह से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक एक करके कि अमोनोटेलिक क्या होगा, जिस एनिमल में अमोनिया, यहाँ पे देखो साफ लिखा हुआ है बालक, कितना ध्यान से देखो, नोट्स प्रिपेयर किया गया है, मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म होता है अमोनिया, ठीक है, मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म होता है अमोनिया, जिसमें ये रिलीज आपका ये एक्सक्रीट होगा, आप कहोगे उसको अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इट इज जनरली एक्सक्रीटेड बाई डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सर्फेस और थ्रू द गिल्स सर्फेस एज एन अमोनियम आयन। अमोनियम आयन का फॉर्मूला बता दो बालक, केमिस्ट्री के एकदम होनहार विद्यार्थी हो आप लोग, तो NH4+ यही तो होता है ना शायद। चलो तो ये आपको अमोनोटेलिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गया। एग्जांपल्स, ये बहुत एग्जांपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा एग्जांपल्स तो एकदम करके रखो इसका। तो ये देखो एक्वेटिक हैबिटाट में रहने वाले बोनी फिश हो गए, ठीक है, आपका एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गया, एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गया, एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स में भी आपका अमोनोटेलिक मिलेगा। तो जो एक्वेटिक है आप उसमें देख सकते हो दिस काइंड ऑफ ए एक्सक्रीटरी एलिमिनेशंस आर बीइंग सीन, तो ये आपको अमोनोटेलिक हो गया, डन। अब आ जाते हैं यूरियोटेलिक में, तो यूरियोटेलिक में क्या एक्सक्रीट होगा बालक, यूरिया, बस यूरियोटेलिक मतलब यूरिया। अब ये अमोनिया जो हुआ क्या, देखो अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, मैंने आपको बोल दिया था पहले कि यूरिया आपका क्या होगा, अमोनिया से ही बनेगा, और ये कहाँ हो रहा होता है, दिस इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन लीवर,
लीवर में ये हो रहा होता है, कौन सा साइकिल हो रहा होता है बच्चा? लीवर में आपका यूरिया फॉर्मेशन, ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन, ऑर्निथिन साइकिल बोलते हो, या आप इसको क्रेव हैंसलेट साइकिल भी बोलते हो, क्रेव हैंसलेट साइकिल भी बोलते हो। तो ये थोड़ा आपको मेमोराइज रखना है इस बारे में, कहीं क्वेश्चन अगर पिकअप हो गया तो थोड़ा सा ध्यान देना इस पर। आगे बढ़ जाते हैं कि एक्सक्रीट आउट हो रहा है कहाँ से, ये किडनी से हो रहा है। मैमल्स में आपको मिल जाएगा ये, हमारे में भी यूरियोटेलिक टाइप ऑफ एक्सक्रीशंस होता है, यूरिया ही आपका बाहर रिलीज आउट होता है, राइट। अब यहाँ एम्फीबियंस में आपको देखो, दोनों में आपको मैच कर रहे होंगे, आपके अमोनोटेलिक में भी सर एम्फीबियंस आपने बोला, यूरियोटेलिक में भी एम्फीबियंस बोला, तो बच्चा एम्फीबियंस इसीलिए तो आपको पता है ना एम्फीबियंस क्या होता है, लैंड में भी एज वेल एज वाटर में भी रह सकता है। तो जो एक्वेटिक एम्फीबियंस है वो अमोनोटेलिक, और जो लैंड में यानी टेरेस्ट्रियल में रह सकता है वो यूरियोटेलिक। हो गया क्लियर, डन। और मैराइन फिशेस जो होते हैं उसमें भी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इस बारे में, थोड़ा क्लियर कर लीजिए कि जो मैराइन फिश है, आप लगेगा आपको कि एक्वेटिक है तो आपको डाल दोगे अमोनोटेलिक में, बट ये आपको यूरियोटेलिक होता है। इस बारे में थोड़ा ध्यान देना है, इस बारे में थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि वहां उन्हें ऑस्मोरेगुलेशन करना है जहां पे ऑलरेडी मैराइन टाइप ऑफ हैबिटाट है। तो मैराइन टाइप ऑफ हैबिटाट में दे विल नॉट यूज मच अमाउंट ऑफ वाटर, दे विल नॉट यूज मच अमाउंट ऑफ वाटर, इसलिए वो शिफ्ट होकर के यूरियोटेलिक में आ गए। अब आते हैं बहुत ही अलग टाइप ऑफ एक्सक्रीशन, यूरिक एसिड टाइप अगर निकाल रहा है तो वो कहलाएगा यूरिकोटेलिक, एंड दे एक्सक्रीट नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ पैलेट या पेस्ट। तो ये पैलेट के फॉर्म में या पेस्ट के फॉर्म में देखते होंगे आपका, ये आउट करता है विद दैट ऑफ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, एकदम कम से कम यहाँ पे लॉस हो रहा होता है पानी का, विद दैट मिनिमम लॉस ऑफ वाटर यू कैन सेव, ठीक है बच्चा। तो यहाँ एकदम से कम पानी का रिक्वायरमेंट होता है, आपको बहुत ही इजीली क्या हो जाएगा, आप वाटर मैनेजमेंट कर सकते हो। अगर पानी एक्सक्रीटरी आप क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट करना है, एकदम उच्चतम लेवल का वाटर मैनेजमेंट देखना है आपको, ठीक है। आप वाटर के स्कार्सिटी में अगर रह रहे हो तो यूरिक एसिड आपका क्या होगा, एक्सक्रीट आउट होगा, क्लियर है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स। अब यहाँ देखो एक चीज और, एक एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। इंसेक्ट्स आप यहाँ देखो यूरिकोटेलिक में मिल रहा है, एक और कॉलम में आपने इंसेक्ट्स पढ़ा था, यहाँ पे देखो एक्वेटिक इंसेक्ट्स अगर है तो वो अमोनोटेलिक में होगा, क्या हो जाएगा, वो अमोनोटेलिक में हो जाएगा। तो ये बातें पूरा क्लियर हो गई क्या? नाइट्रोजिनस वेस्ट बता दो मेरे साथ, वाई नाइट्रोजिनस वेस्ट तीन तरह के हो गए, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया है तो अमोनोटेलिक, यूरिया है तो यूरियोटेलिक, अगर यूरिक एसिड है तो यूरिक कोटेलिक, ठीक है, यूरिक कोटेलिक बोलेंगे बच्चा, ठीक है। अब एग्जांपल पे आ जाओ, तो अमोनोटेलिक में एग्जांपल क्या क्या हो गया, एक्वेटिक फिशेस या एक्वेटिक एम्फीबियंस बोलो, एक्वेटिक इंसेक्ट्स बोलो, बोनी फिश यहाँ मेनली लेंगे, क्या मैराइन फिश को यहाँ लेंगे हम लोग, नो, ठीक है। यूरियोटेलिक में आ जाएगा क्या क्या बच्चा, यूरियोटेलिक में आ जाएंगे हम, ठीक है, आप, मैमल्स, ठीक है, एंड मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस आ जाएंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में जो एम्फीबियंस रहते हैं, एंड आपको इसमें बहुत ही अच्छा एग्जांपल है मैराइन फिशेस, ठीक है, मैराइन फिशेस भी इसमें आ जाएंगे। यूरिकोटेलिक में कौन कौन आ जाएगा, यूरिकोटेलिक में रेप्टाइल्स आ जाएगा, ठीक है, जो कि एकदम डायरेक्ट सन सन के इम्पैक्ट में रहते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा वाटर मैनेजमेंट। बर्ड्स है, हवा में उड़ रहा है, वाटर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो आपको बर्ड्स, रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट्स, आपको ये यूरिकोटेलिक में आ जाएगा, ठीक है बच्चा। कुछ भी रटने का जरूरत नहीं पड़ा, सब कुछ याद हो जाएगा, एकदम से याद हो जाएगा। अब ये हमारा नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या तरह के ऑर्गेन होते हैं, ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गेन क्या क्या तरह के होते हैं। तो देखो, जैसे ही आपने एनिमल पूरा किंगडम पढ़ा था, याद करो एनिमल किंगडम पढ़ाते समय हर एक फाइलम में आपको मैंने डिटेल से बताया हुआ है किसमें क्या क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग पॉरीफेरा से, अगर हम लोग ले, ध्यान देना पूरा टेबल वो ऊपर वाला कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपको एनिमल किंगडम का रिव्यू करा दूं मैं तो पूरा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। तो पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, आपको ये पता है कि इनमें आपका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गेन क्या था, एक्सक्रीटरी ऑर्गेन क्या था बच्चा बताओ, इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गेन एज सच कोई स्पेसिफाइड था ही नहीं, कहाँ क्या सोचने लग गए आप, ठीक है। तो ये जनरल बॉडी से करता था, याद करो जनरल अपना जो है बॉडी सरफेस से, जनरल बॉडी सरफेस से अपना एलिमिनेट कर देता था वेस्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट हो गया आपको ये, दूसरा अगर हम बात करें आगे बढ़े तो अब आते हैं प्लैटी हेलमिंस पर। तो प्लैटी हेलमिंस का बालक आपको याद होगा, यहीं से शुरू हुआ था ना, यहीं से आपको देखने मिला था एक्सक्रीटरी ऑर्गेन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, को यहाँ देखो टेबल में लिखा भी हुआ है, फ्लेम सेल्स, क्या हो गया ये, फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स यहाँ आपको मिल जाएगा किसमें, किसमें बालक, प्लैटी हेलमिंस में।
और क्या बोलोगे इसको, सोलेनोसाइट्स, तो इसी को बोलते थे ना सोलेनोसाइट्स, याद है। और क्या बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोनेफ्रिडिया भी शायद इसी को बोलते हो ना, याद आ रहा है क्या? शायद, क्या सर एकदम कंफर्म है? तो प्रोटोनेफ्रिडिया भी इसी को बोलते हैं, क्लियर है। आगे जब बढ़ोगे प्लैटीहेलमिन से, जब आगे बढ़ोगे तो एस्कलमेंथिस आएगा आपको। एस्कलमेंथिस में क्या था याद करो, एस्कलमेंथिस में क्या था, एस्कलमेंथिस में आपको था रेनेट सेल्स, रेनेट सेल्स, ठीक है, रेनेट सेल्स था एस्कलमेंथिस में। और उसके बाद आगे बढ़ोगे अगर, तो यहाँ पे आप एस्कलमेंथिस के बाद एनालिडा पे आओगे। एनालिडा में आपको क्या था बच्चा, एनालिडा में नेफ्रिडिया था, जो कि यहाँ लिखा हुआ है अर्थवाम का, देखो अर्थवाम का लिखा हुआ है नेफ्रिडिया। अच्छा ये भी बता दो, चलो जल्दी जल्दी लगे हाथ, ये भी बता दो कि अर्थवाम में नेफ्रिडिया कितने टाइप का था, नेफ्रिडिया कितने टाइप का था। तो नेफ्रिडिया आपको अर्थवाम में याद करना, अगर नहीं पढ़े अर्थवाम तो थोड़ा सा एक बार पढ़ना चाहिए था बालक। नेफ्रिडिया जो है वहां पे आपको याद कराए थे SIP, SIP यानी कि सेप्टल, इंटोगोमेट्री और फेरेंजियल टाइप ऑफ नेफ्रिडिया, यही तीन टाइप के नेफ्रिडिया थे। डन, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर याद ना हो तो कोई बात भी नहीं है। चलो एनालिडा के बाद अर्थ्रोपोडा पे जब हम लोग आते हैं, तो अर्थ्रोपोडा पे कदम रखते ही हमारा जो है कदम पड़ जाता है किस पे, मालफिजियन ट्यूब्यूल पर, क्योंकि ये मालफिजियन ट्यूब्यूल आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गेन होता है, इसका याद रखिएगा। मालफिजियन ट्यूब्यूल काफी बार क्वेश्चन आया हुआ इस पर, तो ये मालफिजियन ट्यूब्यूल हो गया इन दैट ऑफ अर्थ्रोपोडा। अब इसके बाद हम बात करें अगर, ठीक है, तो चार्ट यहाँ पे हम लोग यही बना देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें अगर एकाइनोडर्माटा की, तो एकाइनोडर्माटा में याद रखना बच्चा, एकाइनोडर्माटा। अच्छा मोलस्का छूट गया ना, तो यहाँ मोलस्का, अच्छा यहाँ पे कहाँ लिख दूँ, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे चल जाते हैं, थोड़ा एक वैकेंट स्लाइड लेते हैं, ठीक है, तो और मजा आएगा। चलो यहाँ पे आ जाओ, देखो अब यहाँ देखो, हमने मोलस्का की बात की, तो मोलस्का में आपको याद आ रहा है कुछ, आपको मोलस्का में कुछ याद आ रहा है, मोलस्क में क्या था, मोलस्का में आपको पास ऑर्गेन ऑफ बोजाइनस नहीं था, ऑर्गेन ऑफ बोजाइनस नहीं था क्या, ऑर्गेन ऑफ बोजाइनस पर्टिकुलरली इट इज एक्सक्रीटरी ऑर्गेन, है कि नहीं। फिर एकाइनोडर्माटा में आ जाते हैं, तो एकाइनोडर्माटा में आपके पास एज सच कोई टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गेन था ही नहीं, एक्सक्रीटरी ऑर्गेन था ही नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, डर्मल सेल्स या बॉडी टिश्यूज के मदद से डायरेक्ट क्या कर सकते थे, एक्सक्रीट आउट कर सकते थे, तो डर्मल सेल्स या डर्मल टिश्यूज आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हो गया एकाइनोडर्माटा के बाद हेमिकोडेटा, अब आ जाओ हेमिकोडेटा में आप, तो हेमिकोडेटा में तो बहुत ही यूनिक टाइप ऑफ ऑर्गेन है, क्या नाम था उसका, प्रोबोसिस ग्लैंड, क्या नाम था, प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है, प्रोबोसिस ग्लैंड। इसके बाद जैसे ही वर्टिब्रेट वगैरह में आओगे, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, किडनी मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया, किडनी मिल जाएगा। तो ये एक तरह से आपके पास पूरा एक चार्ट मैंने फॉलो करा दिया आपको, अब कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, डन। अब यहाँ पे देख लीजिए जो टेबल हमारे पास है, उसमें आपके पास एक और यूनिक नेम है, एक और यूनिक नेम आप देख पा रहे होंगे, ये याद रखना, एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड जिसको बोलते हो, ठीक है। यहाँ पर ये किस में पाया जाएगा, कुछ प्राउन्स हैं, क्रस्टेशियंस लाइक प्राउन्स, ठीक है, उनमें ये पाए जाएंगे, है तो ये आर्थ्रोपोड से ही, बट ये तरह से अलग टाइप ऑफ यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं इसको। तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन का पूरा पोर्शन क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट, नहीं होगा, आई बेट कोई डाउट नहीं होगा। चलो जब कोई डाउट नहीं है बच्चा, तो चलो जरा देख लेते हैं क्वेश्चन के ऊपर, नजर दौड़ा लेते हैं, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आप लोगों ने कितने अच्छे से सुना मुझे और कितने अच्छे से इस बात को फॉलो किया। क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जल्दी से करके मुझे बताओ सही क्या है इसमें। तो देखो लिखा है सेलेक्ट द ऑप्शन विच शोज करेक्ट मैचिंग ऑफ द एनिमल विथ इट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गेन, और ये आया हुआ है नीट 2013 में। देखो यहाँ पे आपको लेबियो जो है रोहू, या आपको नेफ्रिडियल ट्यूब्स बोल दिया, क्या ये सही है, पहले तो आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गेन ही गलत हो गया, किडनी होगा, वर्टिब्रेट्स किडनी, ठीक है, तो ये अमोनिया वगैरह, तो ये आपका अमोनिया ठीक था, बट ये आपको गलत हो गया, तो ओवरऑल ए ऑप्शन को कट कर दो। सालमेंडर में किडनी है, बिल्कुल ठीक है, यूरिया एकदम सही है, पीकॉक में बोला किडनी भैया, लेकिन यहाँ बोल दिया यूरिया, तो होना चाहिए यूरिक एसिड, क्योंकि ये बर्ड है ना, बर्ड में आपको यूरिक एसिड मिलता है, गलत हो गया। हाउस फ्लाई रीनल ट्यूब्यूल्स, तो हाउस फ्लाई में मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होता है बच्चा, तो ये आपको यहाँ पे गलत कर दिया, ऑप्शन नंबर बी चला गया, क्या चला गया, ऑप्शन नंबर बी चला गया, डन।
जैसे ही आप पढ़ रहे हो, देखो मैंने क्वेश्चंस आपके सामने इसलिए पेश किए हैं ताकि दिमाग की बत्ती आपकी जल रही है या नहीं जल रही है वो अभी टेस्ट हो जाएगा। अगर नहीं जल रही है तो अभी भी बच्चा आपके पास टाइम है, कर लो फिर आगे पछताना नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, बार बार इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको मेन्स, आपको यहाँ 2012 का ये सवाल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑप्शंस गिव्स द करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ सिक्स एनिमल एंड द टाइप ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट दे गिव आउट। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अमोनोटेलिक में लिख दिया, हमारे ह्यूमन को भैया आपने अमोनोटेलिक में कैसे डाल दिया, आप गलत कर दो इसको, क्या कर दो गलत। फ्रॉग एंड लिजार्ड को इसने अमोनोटेलिक में डाल दिया, फ्रॉग एंड लिजार्ड को इसने क्या कर दिया अमोनोटेलिक में पुट कर दिया। तो ये फ्रॉग क्या अमोनोटेलिक होगा, क्या होगा एक्वेटिक एम्फीबियंस अगर होगा तो अमोनोटेलिक, लेकिन फ्रॉग जनरली बच्चा आपको यूरियोटेलिक में आप रखोगे इसको, ये गलत हो गया। एक्वेटिक एम्फीबिया ये ठीक है, फ्रॉग ठीक है, ह्यूमन ठीक है, पीजन है यहाँ पे, लिजार्ड है, कॉकरोच है, पीजन है, लिजार्ड है एंड कॉकरोच है। तो ये आपको 100% सही हो गया कि नहीं हो गया, 100% सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे। आगे देखो अगला वाला ऑप्शन भी गलत ही है, कॉकरोच को इसमें यूरियोटेलिक में डाल दिया इसलिए गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन करते हैं बच्चा, इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। एक बार और देखते हैं, एक और क्वेश्चन, एक और मौका आपके पास, अभी आप कर लो इसको, एकदम टेस्टिंग आपका हो जा रहा है, ठीक है। रॉकेट लॉन्च होने से पहले ही टेस्ट कर ले रहे हैं हम लोग। यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजिनस कंपोनेंट ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ, यूरिक एसिड किसमें था, यूरिक एसिड आपको बताओ जल्दी से, फ्रॉग होगा या मैन होगा, तो ये दोनों तो आपको कट कर दो, ठीक है। अर्थवाम यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको कॉकरोच, तो कॉकरोच आपका क्या करेगा यूरिक एसिड टाइप ऑफ, यहाँ पे आपको पीछे मैचिंग में भी आप देखे थे कॉकरोच को आप यूरिक एसिड में रखे थे। तो अगर एक क्वेश्चन करके भी अगर आपके दिमाग में भी आ जाता दूसरा क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन से बन जा रहा है, और क्या चाहिए फिर, और अपन को क्या चाहिए भैया, एक क्वेश्चन बनाने से दो क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो और क्या चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन किया और आगे बढ़ जाओ, इसको आप करो। टू एग्जाम्पल इन विच नाइट्रोजिनस वेस्ट जो कि एक्सक्रीट आउट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, तो बताओ यूरिक एसिड के फॉर्म में ही आप एक्सक्रीट आउट करो, तो बताओ कार्टिलेजिनस फिश आपको क्या होता है, यही तो मेराइन फिश है, और मेराइन है तो यूरिया, यूरिया हो गया, तो गलत हो गया ऑप्शन। बोनी फिश ठीक है, इंसेक्ट आपका बोनी फिश, तो यहाँ अमोनिया होगा ना बच्चा, तो ये गलत हो गया। मैमल्स हम लोग यूरिया सिक्रीट आउट करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते थे, ये भी गलत आउट हो गया, तो क्या हो गया फिर, लिजार्ड एंड बर्ड्स, सर मारे तो मारे क्या, पहला ही ऑप्शन था बच्चा, पहला ही ऑप्शन था, मैं तो बी से शुरू करके आपको बस डिस्टर्ब कर रहा था, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 1991, बाबा रे इतने में तो हम लोग सर पैदा भी नहीं हुए थे, बिल्कुल मैं भी नहीं पैदा हुआ था। नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड मेनली एज, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑप्शन देखो पढ़ के, यूरिया इन टेडपोल एंड अमोनिया इन दैट ऑफ एडल्ट फ्रॉग, ये लिखा हुआ है। फिर आप नेक्स्ट लिखा हुआ है अमोनिया इन टेडपोल एंड यूरिया इन दैट ऑफ एडल्ट फ्रॉग, तो बच्चा आप जानते हो कि टेडपोल जो होता है इनिशियल फेज है ना, आप पूरा का पूरा पढ़े होंगे मेटामॉर्फोसिस, तो टेडपोल आपका वाटर में ज्यादातर क्या होता है उसका लाइफ स्पैन बीतता है, फिर यूरिया जब फ्रॉग जब आएगा लैंड पे तो वहां यूरिया हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन, मजा आ गया, अमोनिया इन द टेडपोल एंड द यूरिया इन द एडल्ट फ्रॉग, है कि नहीं, चल रहे हो, समझ में आ रहा है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। वाटर में था टेडपोल तो अमोनिया, एंड एडल्ट फ्रॉग जो है लैंड पे था तो यूरिया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स हम लोगों ने पढ़ लिया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पढ़ लिया, अब आते हैं हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमन का एक्सक्रीटरी और सिस्टम्स के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे बच्चा। यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन का हम अच्छे से समझने वाले हैं, सो डील करेंगे इसके बारे में हम लोग, कोई दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं है। आइए, किडनी हमारा जो होता है मेन पार्ट कह सकते हो एक्सक्रीटरी सिस्टम का। किडनी क्या है, तो किडनी को हम बात करें तो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लास्ट थोरैकिक, कहाँ से, लास्ट थोरैकिक थर्ड लंबर तक, कहाँ से, लास्ट थोरैकिक से थर्ड लंबर, इसका मतलब क्या है सर, मुझे चमका नहीं। तो देखो याद करो, आपको मैंने जो पूरा का पूरा वर्टिब्रल फॉर्मूला आपको याद करो बताया था, तो क्या था, C7 T12 L5 है ना, S आपका जो है फ्यूज्ड होता है 5 कह लो, है ना, एंड कॉक्सीजियर आपको जो हो गया ये भी आपका ऐसे फ्यूज्ड ही मान लो, ठीक है। तो ये आपका 4 जो लिखा मैंने फ्यूज लिखा है। अब ये देखो क्या बोल रहा है कि लास्ट थोरैकिक मतलब एकदम T12 से शुरू करो और थर्ड लंबर तक मतलब लंबर 3 तक, तो लोकेशन ऐसे भी लिख सकते हो,
आप लोकेशन ऐसे भी लिख सकते हो, यानी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है और ऑप्शंस अगर ऐसे दे दिए हैं तो आपको चमकना चाहिए, आपको क्या बोला है क्वेश्चंस ये समझ में आना चाहिए। ठीक है डन। चलो ये आपको क्लोज टू डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, एकदम चिपका होता है बच्चा एब्डोमिनल कैविटी से, आपको ये जानना चाहिए कि हमारा जो किडनी है वो आपको रेट्रोपेरिटोनियल होता है। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या हो गया सर, इतना भारी भरकम आप यूज कर रहे हो वर्ड्स रेट्रोपेरिटोनियल, तो रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब जो हमारा पेरिटोनियम कैविटी होता है उसके ये बाहर में ऐसे किडनी जो हमारा सिचुएटेड होता है। रेट्रोपेरिटोनियल मतलब यही हो गया कि आपका किडनी जो है वो क्या है, पेरिटोनियम कैविटी के बाहर है। ठीक है चलो अब आते हैं कि किडनी की साइज और शेप देख लेते हैं, कितनी कितनी लंबाई और कितनी कितनी चौड़ाई होती है। तो एडल्ट ह्यूमन की अगर हम बात करें किडनी की, तो 10 से 12 सेंटीमीटर होता है उसका लेंथ, 5 से 7 सेंटीमीटर होता है उसका विड्थ और 2 से 3 सेंटीमीटर होता है उसका थिकनेस। क्या बोलोगे मेरे साथ, आप याद करो कम से कम मैथ्स तो पढ़े होंगे ना, मेंसुरेशन वगैरह, तो क्या बोलते थे लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट बोलते थे। तो लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ये तो पूरा एक सीरीज में हम लोग बोलते ही है, कभी भी बोलते हैं, तो लेंथ इसलिए सबसे ज़्यादा शुरू में सबसे ज़्यादा कर दो 10 कर दो, फिर उसके बाद ब्रेड्थ 5 कर दो, उसके बाद हाइट क्या कर दो 2 कर दो, क्या कर दो 2 कर दो, ऐसे सेंटीमीटर्स में आप लिख देना। ठीक है ऐसे कर देना, बात खत्म, बात खत्म भैया। और दो दो का रेंज ले लो, 10 से 12, 5 का 7 और 2 का 3 कर दो, हो गया ना, रटने की जरूरत ही नहीं है भाई, अपने आप में हम एकदम से ऐसे ऐसे नया तरीके निकालेंगे एकदम ना, आपके लिए रटने का आज समस्या ही खत्म कर देंगे। ठीक है एवरेज वेट कितना होता है इसका, 120 से 170 ग्राम का भैया, एकदम मामूली सा, बिना एकदम का लोड वोड आपको नहीं देंगे, हल्का है एकदम। ठीक है अब आइए यूरिया ट्रांसपोर्ट पे बात करते हैं। यूरिया ट्रांसपोर्ट, तो ब्लड इन दी हेपेटिक वेन, हमारा जो हेपेटिक वेन है वो कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया, ये क्वेश्चन कितनी बार मैंने कराया है ना जाने पता नहीं कितने बार। अब यहाँ क्वेश्चन आता है सर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया आप हेपेटिक वेन में क्यों बोल देते हो, यूरिया तो एकदम होना चाहिए वहां पर जहां पर आपका एक्सक्रीट आउट हो रहा है बच्चा, जहां बन रहा है वहां ना होगा, बन कहां रहा है आपका लीवर में, अब लीवर में बन रहा है तो हेपेटिक वेन जो आपका लीवर का वेन है वहां पर ही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया होगा। एंड आपको जानकर ये बहुत ही खुशी होगी कि आपके रीनल वेन में एक्चुअली अमाउंट जो होता है मिनिमम होता है भाई, तो बहुत सारे बच्चों को मैंने इस तरह के एमसीक्यू जब कराए हैं तो वो कंफ्यूज होते रहते हैं खाली फोकट, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, हेपेटिक वेन विल बी हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया एंड रीनल वेन विल बी हैविंग मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन के यहाँ से आता है, एंड इवन पीवाईक्यूज भी आप लगाए होंगे तो देखे होंगे। आगे स्ट्रक्चर की बात करें तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नोच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइलम, ये आप जैसे किडनी बनाओगे ऐसे किडनी जब बनाओगे तो यहाँ पे एक नोच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को आप क्या कह रहे हो हाइलम कह रहे हो, इसी को क्या कह रहे हो हाइलम कह रहे हो। इसी से आपका क्या करता है एंटर करता है यूरेटर, एंटर करता है ब्लड वेसल्स, एंटर करेगा आपको नर्व्स, सब इसी से एंटर करेगा, एंट्री पॉइंट एक तरह से ये हाइलम। ठीक है तो ये आपका ओवर ऊपर ऊपर मैंने आपको क्या कर दिया पूरा क्लियर कर दिया है, किडनी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, एक बार आपको ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम एनसीईआरटी का जो फिगर है उसका दर्शन करा दें। तो ध्यान दीजिएगा हमारा ये रहा किडनी, ये रहा आपको किडनी, ठीक है किडनी आप देख रहे हो, ये आपको हाइलम पोर्शन हो गया जो अभी आप पढ़े हो, जो जो आप पढ़े हो अभी वो मैं दिखा देता हूँ आपको। अब ये ध्यान दीजिए उसके बाद यहाँ से एंट्री कौन कौन सा हो रहा है, यहाँ देखो ये बाहर आ रहा है ना, ये आपको क्या है यूरेटर है, यहाँ पे आप यूरेटर के बाद यहाँ देख रहे हो यूरिनरी ब्लैडर है, ये आपको क्या हो गया यूरेथ्रा, ये पोर्शन क्या हो गया यूरेथ्रा हो गया। अब इस चीज को फिगर से देख के समझो कि किडनी जो यहाँ आपको दिख रहा है क्या ये नहीं लगता कि आपको राइट वाला थोड़ा नीचे और लेफ्ट वाला थोड़ा ऊपर है, राइट वाला क्या है थोड़ा, राइट वाला थोड़ा नीचे है और लेफ्ट वाला थोड़ा ऊपर, नहीं लग रहा है। अब ये ऐसा क्यों हो गया सर, ऐसा ऊपर नीचे क्यों हो गया, बराबर बराबर बैलेंस क्यों नहीं था, तो भाई राइट वाले को थोड़ा ऊपर से दबाया गया है, किसने लीवर ने दबाया, इसे लीवर ने इसको दबाया है, इस वजह से थोड़ा ये जगह बनाते हुए, जैसे ट्रेन में हम लोग नहीं खिसकते खिसकते एकदम जगह बना के बैठते हैं, वैसे ही थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है बालक। ठीक है राइट वाले ने बोला लीवर भैया को कि लीवर आप थोड़ा सा जगह ले लो लेकिन भैया मुझे भी बैठने दो यहाँ पे, है ना, तो ये इस तरह से आपको समझ में आ गया कि राइट थोड़ा लोअर है, राइट क्या है थोड़ा लोअर है। अब ये देखो यहाँ पे इन्फेरियर वेना क्या हुआ, एड्रिनल ग्लैंड ऊपर ही रह रहा है, एकदम समझ में आ जाएगा ये जब हम लोग पढ़ेंगे पूरा केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, तो वहां पे आपका इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चा, याद है ना। चलो ये आपको रीनल आर्टरी रीनल वेन सब जो है हाइलम से एकदम नेटवर्क बना के घुस रहा है निकल रहा है, ठीक है रीनल आर्टरी रीनल वेन, ठीक है बच्चा।
उसके बाद ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, किडनी है ये तो सब जानते हो। फिर आ जाते हैं डॉर्सल ऑर्टा, ये क्या हो जाएगा, डॉर्सल ऑर्टा हो जाएगा, ये आपका यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा बता चुके हैं। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि पेल्विस क्या होता है, मेडुला क्या होता है, कॉर्टेक्स क्या होता है। पेल्विस क्या होता है आपका, मेडुला क्या होता है एंड कॉर्टेक्स क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये आपके किडनी में कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, ये आपका जो प्रोजेक्शंस है, प्रोजेक्शंस आपका लगभग 8 से 12 प्रोजेक्शंस आपको ये देखने मिल जाएंगे। तो ये जो आपको प्रोजेक्शंस देख रहे हो ना, ये पर्टिकुलर ये रीजन, ये आपको कहलाता है पिरामिड, रीनल पिरामिड कह लेते हैं, रीनल पिरामिड, ठीक है, रीनल पिरामिड। अब ये समझना कि कॉर्टेक्स जो हो गया वो आपका आउटर रीजन हो गया किडनी का, मेडुला क्या हो गया इनर रीजन हो गया, मेडुला क्या हो गया इनर रीजन हो गया। तो ये एक तरह से आपका यूरिनरी सिस्टम पूरा क्लियर है, यूरिनरी सिस्टम क्लियर है, ओके। अब यहाँ हम लोग और थोड़ा अंदर में जाके जूम करते हैं, किडनी के अंदर जाके घुस जाते हैं और समझते हैं क्या होता है। तो रीनल पिरामिड आपको बता दिया मैंने, मेडुलरी पिरामिड, ठीक है, रीनल कॉलम क्या होता है, कॉर्टेक्स क्या होता है, कैप्सूल जो होता है उसका कवरिंग होता है, कैलिक्स क्या है भैया, ये सब कुछ आपको अभी इतने समझदारी से आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको समझा दूंगा। ये मेरे हाथ को आप देखो, देख लिया, ये आप देख रहे हो, आप अपना भी निकाल करके हाथ को एक बार विजुअलाइज करो। तो सर ये क्या है, मैं तो डेली देख रहा हूँ इसको, मेरे साथ ही रहता है, बट आप एक बार अलग तरह से विजुअलाइज करो इसको, बच्चा एक बार अलग तरह से विजुअलाइज करो। ये जितने भी फिंगर्स आपको हैं, ये आप इमेजिन करो वहां फिगर देख करके कि ये रीनल पिरामिड है, क्या है रीनल पिरामिड, ये रीनल पिरामिड हो गया, देख रहे हो बिल्कुल रीनल पिरामिड ऐसे है। अब ये जो मिल रहा है ना, देखो ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे ऐसे ऐसे मिल रहा है, ये यहाँ यहाँ मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो है ज्वाइन आउट कर रहे होंगे, ठीक है, दो मिल रहे होंगे, तीन मिल रहे होंगे, फिर ऐसे ज्वाइन आउट करके एक पूरा कवर करके कॉमन यहाँ पर जाके जुड़ा, ठीक है, कॉमन यहाँ पे जाकर क्या हुआ, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना, ठीक है। तो ये आप समझना, ये हो गया आपको क्या हो गया, माइनर कैलिक्स। फिर यहाँ पे आगे आते हैं मेजर कैलिक्स, ठीक है, जहां पे पूरा एक पर्टिकुलर बड़ा स्पेस है। उसके बाद आपका ये पर्टिकुलर रीजन पेल्विस जो कि तुरंत ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये एक हैंड आपको पूरा विजुअलाइज करा दे रहा है, कितना अच्छा है, कभी आप इस तरह से सोचे थे, आज विजुअलाइज कर लेना, तो ये बहुत ही मजा आएगा आपको जब इस तरह से चीजों को विजुअलाइज करते हुए चीजों को पढ़ोगे। तो देखो हमारा जो रीन आपका मेडुलरी पिरामिड है, उसी के ऊपर आपका क्या होता है, हमारा नेफ्रॉन यहाँ पर होता है, नेफ्रॉन यहीं पे है, ठीक है, ये आपको कलेक्टिंग डक्ट हमने बना दिया। अब ये ध्यान दो बच्चा कि जब हमारा यूरिन फॉर्मेशन हो रहा होगा, यूरिन फॉर्मेशन हो रहा होगा ना, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, मान लो पूरा पाथवे आपको समझा रहा हूँ मैं, यहाँ से मेडुलरी पिरामिड से हम लोग शुरू कर दिए, मेडुलरी पिरामिड से कहाँ जाएगा फिर ये बताओ, मेडुलरी पिरामिड से कहाँ जाएगा। तो अगर हम डिटेल पे बात करें तो देखो, अगर हम डिटेल में बात करें तो अगर एक एक चीज़ों को एनसीईआरटी से लेके चलोगे तो मेजर यहाँ पे आपको माइनर कैलिक्स हो गया, ठीक है, माइनर कैलिक्स हो गया, ये आपको क्या हो गया मेजर कैलिक्स हो गया, फिर आपका क्या हो जाएगा बालक, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पे, हाँ मेजर कैलिक्स, उसके बाद क्या हो जाएगा, मेजर कैलिक्स के बाद पेल्विस है ना, पेल्विस, रीनल पेल्विस लिख दो बालक, रीनल पेल्विस लिख दो। उसके बाद रीनल पेल्विस से आ जाते हैं आपको डायरेक्ट, अगर हम ले चलें तो यूरेटर तक पहुंच जाएंगे, और यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा, ये एक हो गया आपको पर्टिकुलर पूरा का पूरा पाथवे, किसका पाथवे है ये, यूरिन का सर, किसका पाथवे है ये, यूरिन का है। डन बच्चा, क्लियर है यहां तक, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है पाथवे, क्लियर है कैसे बन रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि नेफ्रॉन आपको यहीं सिचुएटेड है पिरामिड पर, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या पाथवे होगा पिरामिड से आपको कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ बोल दो आप, यहाँ पे लिख दो कलेक्टिंग डक्ट, तब समझ में आ जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट ने यहाँ पे क्या किया होगा, पर्टिकुलरली यहाँ पे रिलीज किया होगा, माइनर कैलिक्स में गया होगा, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स से फिर रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस से फिर यूरेटर में, यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा। डन, आ जाओ अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कुछ बात कर लेते हैं नोट्स में, हमारा जो क्या क्या लिखा हुआ है।
तो इट इज इनर टू दैट हाइलम, इनर टू दैट ऑफ हाइलम देयर इज अ ब्रॉड फनल लाइक शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड रीनल पेल्विस। यही ब्रॉड पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है जो कि विथ प्रोजेक्शंस कॉल कैलिसेस, ये प्रोजेक्शंस हमारा कैलिसेस कहला रहा है। इनसाइड द लिवर देयर आर टू जोन, मैंने बताया आपको आउटर कॉर्टेक्स इनर मेडुला, द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस दैट इज मेडुलरी पिरामिड, ये रहा हमारा मेडुलरी पिरामिड भाई, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेस, ये प्रोजेक्ट इनटू दैट ऑफ कैलिक्स, ये कैलिक्स प्रोडक्ट आउट हो रहा है कि नहीं। अब ये ध्यान दो कि जो पर्टिकुलर स्पेस आप यहाँ देख रहे हो, ये रीजन आप जो देख रहे हो बाहर बाहर की तरफ, ये आपको क्या हो जाएगा, ये बाहर वाला रीजन कॉर्टेक्स हो जाएगा। तो बताओ ये वाला रीजन भी आप कॉर्टेक्स बोलोगे कि नहीं, तो कॉर्टेक्स का वो रीजन जो मेडुला के बीच में, मेडुलरी पिरामिड के बीच में धंसा हुआ है, मतलब जैसे ये हमारा मेडुलरी पिरामिड हुआ, इसके बीच का स्पेस, ये वाला स्पेस जो है, दिस स्पेस यू नो दैट इज कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, यही स्पेस को हम क्या कह रहे हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी कह रहे हैं। तो दैट इज द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज अ रीनल कॉलम दैट इज कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। बात समझ में आ गई, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी विजुअलाइज करो बच्चा लोग, क्या रटना क्या है भाई, विजुअलाइज करो ना। यहाँ पे आप देख रहे हो मेडुलरी पिरामिड एकदम साफ क्लियर दिखाई पड़ रहा है, इसको मेडुलरी पिरामिड मान लो ना मेरे, ठीक है, आप इसको फिंगर मत मानो, मेडुलरी पिरामिड मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे इस दोनों के बीच का जो स्पेस है ये क्या हो गया, ये कॉर्टेक्स ही है ना, क्योंकि यहाँ पे तो ये हमारा इनर है नहीं, यहाँ पे तो कुछ हमारा जो है मास है नहीं, मसल्स है नहीं, मसल्स वाले को मानो आप क्या, मेडुला, ठीक है, इनर वाले जो मेडुला होता है आप मसल्स वाले को मेडुला मानो, और जो हवा आपको दिख रहा है ना इनके बीच में उसको आप मान लो कॉर्टेक्स, ये पूरा कॉर्टेक्स हो गया, इसका ये पोर्शन भी कॉर्टेक्स हो गया, हवा वाला रीजन, एयर वाला रीजन। अब ये देखो कॉर्टेक्स इधर भी है, ये पर्टिकुलर रीजन भी कॉर्टेक्स है कि नहीं, तो ये दोनों देखो क्या है, दो मेडुला के बीच में जो रीजन है ना इट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, और इसका एक बहुत ही अच्छा नाम है कॉलम ऑफ बर्टिनी। क्या नाम है, कॉलम ऑफ बर्टिनी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा, आई थिंक इट इज मच क्लियर बच्चा, यहाँ तक मेरे तरफ से जितना क्लियर हो जाना चाहिए था मैंने आपको किया। और यहाँ हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेफ्रॉन्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन लेंगे, तो नेफ्रॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, कितने हैं, 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसको आप नेफ्रॉन बोलते हो। क्या है ये, फंक्शनल यूनिट है, क्या है बच्चा, फंक्शनल यूनिट। आप इसका दूसरा नाम भी जानते हो, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी बोलते हैं, तो कन्फ्यूज मत होना, अगर आपको यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल बोल दिया तो आप ये मत सोचने लगना ये कौन सा नया है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो पढ़ा था, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल तो नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो ये बात समझना कि यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल ही इसको बोलते हैं, ठीक है, डन, नेफ्रॉन्स को ही बोलते हैं। नेफ्रॉन्स के दो पार्ट हो गए मेनली, अगर हम बात करें तो ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल्स, देखो ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल्स, इसके दो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर दे रहे हैं दो पार्ट में। देखो नेफ्रॉन्स हम यहाँ पे बहुत ही अच्छा तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक हम अपने स्तर पे बनाने की कोशिश करते हैं, डायग्राम उतना मेरा बहुत बेटर नहीं है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग देखोगे जैसे जैसे आपको क्लास आगे बढ़ेगा तो आप कहोगे सर रहने दो, बाद में डायग्राम भी बनाने लग जाऊंगा तो आप कहोगे सर रहने दो, हम लोग आपसे अच्छा बना लेंगे, और बहुत ही अच्छा आप बना भी सकते हो मेरे से, आप क्या मेरे से बहुत ही अच्छा आप बना सकते हो, आई एम बहुत बढ़िया बच्चा आप लोग बना सकते हो मेरे से, बहुत श्योर है कि आप लोग बना लोगे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा श्योर है कि आप लोग बना लोगे। तो ये आपका कोशिश तो है, देखो क्या होता है, अब क्वेश्चन तो करा दूंगा, डायग्राम पर थोड़ा सा आपको मेरा शिकायत नहीं करना होगा, ठीक है, डायग्राम्स आपको चलाने होंगे, काम चलाने होंगे, ठीक है, डायग्राम्स का मेरा ऐसे ही काम चलता है, थोड़ा सा स्केचिंग मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, लाइंस वगैरह बना दिया है, ये हमारा जो है कलेक्टिंग डक्ट है। अब ये पोर्शन को समझना, ये ऐसे यहाँ से एफरेंट आ गया, ये आपको हो गया ग्लोमेरुलस, ये इफरेंट चला गया, एफरेंट थोड़ा मोटा दिखाना, ए जो होता है ना एफरेंट वो मोटा दिखाना और इफरेंट को थोड़ा पतला दिखा देना, ठीक है, कोशिश किया है, देखो अब कैसा लग रहा है आपका जो है वो व्यूज, हो सकता है कि कैसा हो नहीं हो, और बहुत अच्छा भी हो सकता है आपकी तरफ से, है कि नहीं, डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा बनाते हो। तो ये आपको क्या हो गया यहाँ पर ग्लोमेरुलस का, हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैपिलरीज बना दे रहे हैं, ठीक है, कैपिलरीज ही इसको मान लेना, ठीक है। अब ये हो गया एफरेंट आर्ट्रियोल, ये हो गया इफरेंट आर्ट्रियोल, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं, ये तो पता होगा आपको बेसिक, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो देख रहे हो ना ये आपको ग्लोमेरुलस कहलाता है, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस, ये आपको हो गया पीसीटी, ये आपको हो गया लूप ऑफ हेनले, ठीक है, लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ये डन, ये भी लूप ऑफ हेनले में ही लिख लो। यहाँ पे आपको हो गया डीसीटी,
और ये आपको हो गया कलेक्टिंग डक्ट। आई होप आपको मैंने अपने डायग्राम से विजुअलाइज करा पाया होगा, ठीक है। इसके बाद भी आपको डायग्राम अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, सो डोंट वरी। तो ये आपको क्या हो गया, इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, नेफ्रॉन्स को डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस को हम लोग लेके चलेंगे शुरू में, ठीक है। पहले क्या करेंगे, ग्लोमेरुलस पढ़ेंगे फिर रीनल ट्यूब्यूल्स को पढ़ लेंगे। तो ग्लोमेरुलस क्या है वाला, ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज या नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जो कि फॉर्म्ड बाय क्या, किससे बना, एफरेंट आर्ट्रियोल, फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्ट्रियोल। जो एफरेंट आर्ट्रियोल है वो खुद क्या है, आर्टेरियोल है। आर्टेरियोल तो खुद ही क्या है, फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, एंड वो और भी फाइन ब्रांच को बना रहा है। सोच सकते हो कितना फाइन हो गया होगा आर्टेरियोल, अगर कैपिलरीज बना रहा होगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कितना फाइन है ये, है ना, बिल्कुल छनने वाला है यहाँ पे। आप हैव यू सीन दैट ऑफ चाय छकनी, तो बिल्कुल यहाँ पे वैसा ही मैकेनिज्म तैयार करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। ब्लड फ्रॉम दी ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय इफरेंट आर्टेरियोल, मैंने आपको बोल दिया ब्लड लेके जाएगा इफरेंट, लेके आएगा एफरेंट। देन द रीनल ट्यूब्यूल बिगिन विद दैट ऑफ डबल वॉल्ड, देखो रीनल ट्यूब्यूल शुरू कहाँ से होगा, रीनल ट्यूब्यूल विल स्टार्ट फ्रॉम दैट ऑफ डबल वॉल्ड, है कि नहीं, ये डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि नहीं, ये पोर्शन आपको डबल वॉल्ड यहाँ पे दिख रहा है, ये पोर्शन, ये जो मैंने कलर किया ना अभी, ये आपको ग्लोमेरुलस पोर्शन है, ये क्या हो गया, ग्लोमेरुलस पोर्शन हो गया। दैट विल स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे एक, सॉरी ग्लोमेरुलस आपको क्या हो गया बच्चा, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, एक बार इसको सुधार लेते हैं। लेबलिंग मैंने यहाँ पे शायद ऊपर की तरफ वाला ग्लोमेरुलस होना चाहिए, गलत कर दिया ना लेबलिंग, ये आपको ग्लोमेरुलस है, ये आपको क्या है, ये जो पर्टिकुलर कप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये बोमेंस कैप्सूल है, ये बोमेंस कैप्सूल हो गया। तो आप इसको थोड़ा सा डायग्राम में सुधार लेना, ऊपर जो आप देख रहे हो तो वो आपको ग्लोमेरुलस था, एरो यहीं तक रह गया था, सो इसको आप कर लेना, एरो थोड़ा बढ़ा लेना आगे, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो यार, एरो को बढ़ाने में क्या दिक्कत है सर, ज़्यादा रिफिल खर्च हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ज़्यादा रिफिल नहीं खर्च होगा, आप डोंट वरी। तो यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल क्या हो गया बच्चा, जो आपका कप लाइक स्ट्रक्चर है, देख रहे हो तुम, कप की तरह है, डन, जो कि डबल वॉल्ड है, ये क्वेश्चन आता है। और इसका क्या है, देखो इनक्लोज कर रहा है ये ग्लोमेरुलस को, इनक्लोज कर रहा है कि नहीं, एकदम फिट बैठ गया है कि नहीं, तो ये इनक्लोज दैट ग्लोमेरुलस, ये क्या करेगा, ग्लोमेरुलस को इनक्लोज करता है। नेक्स्ट इज ग्लोमेरुलस अलोंग विद दैट ऑफ बोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड एज माल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल्स। यहाँ ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या बोला गया है कि ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल दोनों को अगर आप मिला दो तो आप इसको क्या कहोगे, रीनल कॉर्पसल, या आप इसको माल्फिजियन बॉडी भी कह सकते हो। सो इट इज डन, ओवरव्यू आपको मिल गया नेफ्रॉन का, दो पार्ट में इसको हम बांट रहे हैं, एक तो आपको ग्लोमेरुलस लेके चला गया उधर अपना अपना एफरेंट डिफरेंट आर्टरियोल, ठीक है, कैपिलरीज टॉप्ड ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस, फिर यहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं ट्यूब्यूल, जो कि आपको शुरू हो रहा है कहाँ से, बोमेंस कैप्सूल से, ठीक है, जो क्या है डबल्ड वॉल्ड, जो क्या है इनक्लोज करता है ग्लोमेरुलस को, और क्या बोल सकते हो इसके बारे में, कप लाइक शेप्ड स्ट्रक्चर, कप लाइक शेप्ड स्ट्रक्चर, इतनी बातें समझ में आ रही है। माल्फिजियन बॉडी क्या है सर, तो माल्फिजियन बॉडी क्या है बच्चा, माल्फिजियन बॉडी जल्दी बताओ, अभी बताया, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को मिला दो, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को मिला दो, डन, कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं ट्यूब्यूल रीजन में, जो हमने बात किया था पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, वो सब हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो ट्यूब्यूल पर्टिकुलर रीजन पे हम लोग बात करेंगे, ट्यूब्यूल रीजन हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क, जो कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी होता है, हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क होता है, हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क होता है ये, ठीक है। अभी फिर से डायग्राम मुझे यहाँ बनाना चाहिए क्या, चलो एक बार मैं ओवरव्यू ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे और यहाँ ऐसे ऐसे, ये आपको नेफ्रॉन हो गया। तो यहाँ पे आप ये जो रीजन देख रहे हो ना, ये रीजन आपको हाईली क्वाइल्ड है, ये पीसीटी हो गया, ये हाईली क्वाइल्ड हो गया, ठीक है। और अगला देखो, हेयर पिन शेप टाइप ऑफ हेयर पिन हेनलेज लूप कहलाता है, हेयर पिन शेप्ड है कि नहीं है, ये वाला देखो हेयर पिन टाइप का शेप दिख रहा है कि नहीं, हेयर पिन टाइप ऑफ शेप दिख रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे हेयर पिन आपने देखा होगा, ये पर्टिकुलर हेयर पिन है, ये यहाँ पे इस तरह का दिखाई पड़ रहा है, यानी दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल विजुअलाइज करो चीज़ों को बच्चा, ये देखो ये लूप ऑफ हेनले एकदम से क्लियर है, समझ आ रहा है। तो ये इसका दो रीजन हो गया,
इसमें आपको असेंडिंग लिंब और डिसेंडिंग लिंब मिल जाएगा, असेंडिंग लिंब एंड डिसेंडिंग लिंब मिल जाएगा, ठीक है। असेंडिंग लिंब कंटिन्यूज एज अनदर हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड डीसीटी। देखो ये आपको तो ऐसे डिसेंडिंग मतलब क्या देता है, नीचे, असेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ना, तो जैसे ही आप यहाँ से ऐसे आ रहे हो तो नीचे जा रहे हो, तो ये आपको हो गया डिसेंडिंग, ये हो गया आपको असेंडिंग। और असेंडिंग वाला फिर क्या होता है, धीरे धीरे असेंडिंग वाला चढ़ते जाता है तो वहां एक और स्ट्रक्चर आपको मिलता है, वो हो गया डीसीटी। किसका स्ट्रक्चर है वो, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जैसे ही आगे एक्सटेंड करते हैं वो आपका रीजन क्या कहलाता है, डीसीटी रीजन कहलाता है, डन। वो भी हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर रीजन है। डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल कलेक्टिंग डक्ट। इस कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर में आपका केवल एक नेफ्रॉन नहीं, बहुत सारे नेफ्रॉन, ऐसे ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन यहाँ से खुल रहे होते हैं, ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है, अपने बहुत सारे नेफ्रॉन यहाँ पे आके खुलते हैं। ये देखो एक नेफ्रॉन, दो नेफ्रॉन ऐसे खुल रहे हैं, ठीक है। विच मेनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इन टू दैट ऑफ रीनल पेल्विस थ्रू द मेडुलरी पिरामिड इन द कैलिक्स। कहाँ से ओपन हो रहा था, आप याद करो, मेडुलरी पिरामिड ऐसे मैंने आपको बनाया था, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मैंने आपको बनाया था, ऐसे बनाया था कि नहीं, तो यहाँ पे मेडुलरी पिरामिड तक यहाँ कलेक्टिंग डक्ट यहीं से तो शुरू किए थे पाथवे, अब समझ रहा आ रहा चमका, कलेक्टिंग डक्ट इसीलिए आपको कहाँ घुस रहा है, मेडुलरी पिरामिड में घुस रहा है, फिर यही कैलिसिस वगैरह से होते हुए गया था, याद करना, यूरेटर में फिर पहुंचा, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर आपका यूरेथ्रा से निकल आया। तो ये पूरा का पूरा इमेज क्लियर हो गया होगा आपको अब। तो ये माल्फिजियन कॉर्पसल्स पीसीटी डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन। देखो अब ये देखो थोड़ा समझना, ये जो आप देख रहे हो रीजन, ये आप मेडुलरी पिरामिड तो आपको ये है, ये हो गया मेडुलरी पिरामिड, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेडुला रीजन, और ऊपर वाला रीजन, हवा वाला रीजन को क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स, समझो चीजों को। तो कॉर्टेक्स रीजन में कौन कौन सा पार्ट है, आप देखो कॉर्टेक्स रीजन में आपको क्या क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, ग्लोमेरुलस भी उसी में मिल जाएगा, दोनों को बोल देंगे तो माल्फिजियन बॉडी बोल दिया, इसलिए माल्फिजियन कॉर्पसल्स। फिर पीसीटी भी आपको ऊपर ही मिल रहा है, लूप ऑफ हेनले आपको नहीं मिल रहा है, लूप ऑफ हेनले एकदम नीचे आ गया, यानी मेडुला में आ गया, इसलिए यहाँ लिखा हुआ लूप ऑफ हेनले डिप्स इनटू द मेडुला। देखो ये लूप ऑफ हेनले आपको कहाँ मिल रहा है, मेडुला रीजन मिल रहा है। फिर डीसीटी आपको कहाँ मिल रहा है, कॉर्टेक्स में मिल रहा है, ठीक है, डीसीटी कहाँ मिल रहा है, कॉर्टेक्स में ही मिल रहा है। तो कौन सा रीजन कॉर्टेक्स में मिलेगा, कौन सा रीजन मेडुला में मिलेगा, पिक्चर एकदम क्लियर है, पिक्चर एकदम क्लियर है, डन। इस फिगर को थोड़ा सा समझना, यहां से आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये आपका एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, ये इफरेंट आर्टेरियोल, तो क्या इतने आसानी से यहाँ से आया और यहाँ से निकल गया भैया, ये फिर आपको जो है एकदम नेटवर्क बना रहा है, जिसको आप क्या कहते हो, दिस नेटवर्क इज कॉल्ड, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे, वासा रेक्टा, यहाँ पे तब बोलेंगे जब हमारा लूप, जो आपका हेनलेज लूप है ना, वेट, तो जो हेनलेज लूप है उसके अराउंड में ये जो पेरिटिबुलर कैपिलरीज का बहुत ज्यादा हेवी नेटवर्क है उसको हम वासा रेक्टा बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, पेरिटिबुलर कैपिलरीज, पेरिटिबुलर कैपिलरीज, ठीक है। ये पीसीटी रीजन हो गया, ये आपको डीसीटी रीजन हो गया, डीसीटी यहां देख रहे हो, है ना, और ये आपको हो गया डिसेंडिंग, और ये हो गया असेंडिंग लिंब, ये आपको असेंडिंग हो गया, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया डिसेंडिंग लिंब। क्लियर है, बातों को समझ में आ रहा है, हेनलेज लूप का ही ये पार्ट है कि नहीं है, कलेक्टिंग डक्ट हो गया, ठीक है। तो ये आप पूरा का पूरा नेफ्रॉन समझ गए हो, नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ नेफ्रॉन में बालक, तो अभी अभी आपको मैंने बताया भी है, बहुत सारे रीजन वाइज क्लियर किया है। कुछ एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन मतलब जिसका पूरा का पूरा मैक्सिमम हिस्सा क्या होता है, कॉर्टेक्स में होता है, ऐसे ऐसे, जिसका मैक्सिमम हिस्सा क्या देख रहे हो, मैक्सिमम पोर्शन क्या देख रहे हो, कॉर्टेक्स में देख रहे हो कि नहीं, इसको मैं फिर से आपको बना देता हूँ, इसको मैं फिर से बना देता हूँ, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको फिर से बना देते हैं, यहाँ पे इरेज कर देते हैं, ठीक है, तो इसको आपको विजुअलाइज कराते हैं अच्छे से। देखो ये हमारे पास रीनल पिरामिड हो गया, ये आपका नेफ्रॉन, ये आपको पीसीटी, ये आपका हेनलेज लूप, और ये आपको डीसीटी, और ये आपको क्या हो गया, कलेक्टिंग डक्ट। तो इसका देखो मैक्सिमम हिस्सा आपको मिल जाएगा कॉर्टेक्स रीजन में, मेडुला रीजन में आपको कम मिल रहा है। यहाँ पे आप देखो ये पोर्शन का क्या होता है,
ये पोर्शन का भी आपको मैक्सिमम रीजन आपको ऊपर ही मिलेगा, बट रीजन में अंतर क्या है कि इसका लूप ऑफ हेनले बहुत ही लंबा होता है, लूप ऑफ हेनले एकदम बहुत ही लंबा होता है भाई। आप क्लियर है, दोनों को विजुअलाइज करो, पिक्चर को, दोनों पिक्चर को विजुअलाइज करो, एकदम से क्लियर हो जाएगा बच्चा, दोनों पिक्चर को क्लियर आपको देखो। अब यहाँ देखो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लिखा है क्या कि लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट, बहुत छोटा होता है, क्या गलत लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है, क्या लूप ऑफ हेनले एकदम छोटा है, यहाँ बहुत ही लंबा आपको मिल रहा है, देख रहे हो। एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटिल इन टू द मेडुला, मेडुला में बहुत ही कम जाएगा, ये मेडुला में बहुत ही कम जाएगा, आप यहाँ देखो मेडुला में एकदम पूरा धसा पड़ा हुआ है, डीप इन टू दैट मेडुला। 85% ऑफ नेफ्रॉन आपका जो है कि हमारे ह्यूमन किडनी में इसी टाइप के होते हैं, यानी कॉर्टिकल नेफ्रॉन की अबंडेंसी होती है बहुत ज़्यादा, ये 15% अबाउट ही हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं, लेकिन इस 15% का भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चा। जब हमें वाटर की स्कार्सिटी होती है, जब हमें पानी को बचाना होता है, या कह लो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्स कंडीशन में, ये मेडुलरी आपका जो नेफ्रॉन है, जिसको आप जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन भी कह रहे हो, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन भी कह रहे हो, ये काफ़ी काम होता कारगर है। कैसे कैसे सर? तो जितना लंबा लूप ऑफ हेनले होगा उतना ही कॉन्सेंट्रेटेड आपका यूरिन होगा। अब जब पानी बचाना है तो भैया कॉन्सेंट्रेट तो करेंगे ही हम, तो लूप ऑफ हेनले इसका बहुत लंबा है, तो फिर इसको बुलाया जाता है भैया, इसको एक्टिव किया जाता है, 15% ही है लेकिन बहुत मददगार है। बेयर गिल्स आपने देखा होगा मैन वर्सेस वाइल्ड, भैया वो एकदम डेजर्ट वगैरह में रह रहा होता है ना, जैसे पानी वगैरह की उसको बचाव करनी होती है, तो वहां पे उसकी मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो है बहुत ही मदद कर रही होती है। ठीक है, एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो वासा रेक्टा है ये आपको हेनलेज लूप के अराउंड आपको जो है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का, ठीक है, नेटवर्क है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में आपको वासा रेक्टा जो होता है ना, इस चीज को भी नोट कर लेना, इस डिफरेंस बिटवीन में नहीं है, तो वासा रेक्टा आपको कॉर्टिकल नेफ्रॉन में एब्सेंट मिलेगा या कम मिलेगा कह सकते हो, और यहाँ आपको प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ आपको क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये इस चीज को आप थोड़ा ध्यान देना, ये आपको यहाँ पे नोट नहीं था। सो यहाँ पे आपका पूरा क्लियर हो गया है, नेफ्रॉन को हमने पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। एक बार यहां पे आपको वापस से बना के मैं दिखाता हूं नेफ्रॉन, कौन कह रहा रहने दो जी, अच्छा बनाते हैं, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं, अच्छा ही बनेगा, डोंट वरी। कोई बच्चा कह रहा है कि रहने दीजिए सर आपसे अच्छा तो हम बना लेते हैं, भाई अजीब हो एकदम, डायग्राम भी मुझे नहीं बना देते आप, डायग्राम भी आप लोग नहीं बनाने देते यार, ऐसा क्या, इतना खराब तो नहीं बनाता हूं मैं, आप लोग भी इसको बनाओ, बनाओ सब लोग, मैं चाहता हूं सब लोग इसको एक बार बना लो। ये हमारा आया एफरेंट, यहां पे हुआ नेटवर्क, ये गया इफरेंट, ये हमारा हो गया टफ्ट ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस। अब इसको आपको बन गया, लेवलिंग कर लो बढ़िया से शानदार, तभी चमकेगा यार जब आप कुछ करोगे, कॉपी लेकर के आप कुछ करो, ठीक है, मेरे को मत देखो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, कॉपी को साथ में रखो, कुछ करो। लेवलिंग करो बालक, एफरेंट आर्ट्रियोल, ये हो गया ग्लोमेरुलस, ये हो गया इफरेंट आर्ट्रियोल, ये हो गया आपको बोमेंस कैप्सूल, ये हो गया आपको पीसीटी, ये हो गया आपको डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये हो गया असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये हो गया आपको डीसीटी, ये हो गया आपको कलेक्टिंग डक्ट। बोलो क्लियर है, चीजों को समझ में आ रहा है, एकदम समझ में आ गया, चमक गया होगा। इतना ही चमक गया तो इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, अगर आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो इस क्वेश्चन को करके देखिए जरा जल्दी से, मुझे क्या हो गया। फिगर शोज दैट ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम विद द स्ट्रक्चर ए टू डी, सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाई,
देखो यहाँ पे आपको फिगर थोड़ा सा जूम आउट करना चाहिए था, थोड़ा दिमाग में एकदम से दिख नहीं रहा है। अच्छा देखते हैं, ए तो दिख रहा है, ए आपको क्या हो गया, एड्रिनल ग्लैंड लिख रहा है। चलो, लोकेटेड ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी एंड सिक्रेट कैटाकोलामाइन विच स्टिमुलेट द ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। अगला है क्या कि सी को बोल रहा है मेडुला। भैया आप उतना अंदर कैसे देखें, हम तो सी को बोल रहा है मेडुला। इनर जोन ऑफ द किडनी कंटेन्स कॉम्प्लीट नेफ्रॉन्स, कॉम्प्लीट नेफ्रॉन्स इसलिए गलत हो गया। फिर कॉर्टेक्स को बोल रहा है आउटर पार्ट ऑफ द किडनी डू नॉट कंटेन एनी पार्ट, ये भी गलत हो गया। अभी आप पूरा विजुअलाइज कराया भाई, कॉर्टेक्स में भी तो रहता ही है, मैक्सिमम बोलो तो कॉर्टेक्स में ही रहता है। अच्छा बी को बोल रहा है पेल्विस, तो दिख नहीं रहा मुझे क्या बोल रहा है, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ। पेल्विस को बोल रहा है ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस इनर टू दैट ऑफ हाइलम डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लूप ऑफ फिनले। नो बालक, लूप ऑफ फिनले से क्या कुछ बोल दे रहा है, बकवास। ऑप्शन नंबर सी। देखो मुझे दिखा नहीं अंदर क्या क्या, फिर भी मैंने कर लिया है ना, फिर भी कर लिया क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ पढ़ के हो गया। आगे समझते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो आप खुद करो, ये क्वेश्चन आप खुद करो। देखो विजुअलाइज करा रहा हूँ, क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड, इसमें से रीनल पिरामिड का पार्ट कौन सा नहीं है, रीनल पिरामिड का पार्ट कौन सा नहीं है, जल्दी से कर लो। सो ये क्वेश्चन हो गया होगा, बहुत ही इजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड, तो रीनल पिरामिड का पार्ट इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा है, क्या होगा आंसर। तो रीनल पिरामिड आपको बना के भी दिखाया था। ये रहा रीनल पिरामिड, इसमें से आप देखो कौन सा पार्ट नहीं है ये पूछा है। तो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज ठीक है कलेक्ट कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स यानी पीसीटी डीसीटी, क्या ये पार्ट होता है, तो यही आंसर जाएगा, ये नहीं होता है। कलेक्टिंग डक्ट्स भी होते हैं, लूप ऑफ एनले भी होते हैं, तो ये ऑप्शन चला गया बी। किसने किसने भी लगाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन दुनिया भर में आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन किडनी, देखो आंसर भी तुरंत आ जा रहा है मेरे पास, नेफ्रॉन क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन देखो 1994, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर विच वन ऑफ द फोर पार्ट्स मेंशन्ड बिलो डज नॉट कंस्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ सिंगल यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, मतलब सिंगल एक आपका एक यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का पार्ट नहीं है, ऐसा बोलना चाह रहा है, एक आपका यूरिनिफेरस पार्ट का नहीं है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल किसी एक का नहीं है। तो डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल एक का होता है, कलेक्टिंग डक्ट एक का नहीं होता है। कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वहां पे आके जमा हो जाते हैं ना, पोर करते हैं अपना अपना सीक्रेशन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन एकदम तड़ 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 बहुत जल्दी जल्दी बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली एक्सप्लेन्स द फंक्शंस ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ दिट ह्यूमन नेफ्रॉन, तो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ह्यूमन नेफ्रॉन का फंक्शन कौन यहाँ पे है। देखो पोडोसाइट्स आपको नहीं बताया ना, पोडोसाइट्स बता देना चाहिए था। पोडोसाइट्स एक्चुअली एक तरह से क्या कर रहा है, पोर बनाने वाला सेल्स है, ठीक है, माइन्यूट पोर्स, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जब पढ़ाऊंगा मैं, तो वहां पे आप देखोगे कि वो पूरा का पूरा जो है ब्लड जो छनता है ना, तो वो पर्टिकुलरली माइन्यूट स्पेसेस इससे स्लिट पोर्स फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू द बोमेंस कैप्सूल। ये एकदम सही है भाई, फिल्ट्रेशन होता है। देखो यहाँ पे जो आपने टफ्ट ऑफ कैपिलरीज देखा था, ग्लोमेरुलस याद है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ये आपको एफरेंट गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो है ये जो आपको है पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पे आपको पोडोसाइट सेल्स देखने मिलेगा, ठीक है। पोडोसाइट सेल्स अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ पोडोसाइट सेल्स होता है, पोडोसाइट सेल्स अगर देखोगे बच्चा तो कुछ ऐसा आपको पोडोसाइट सेल्स मिलेगा। कुछ ऐसा पोडोसाइट सेल्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर स्पेस जो बना रहा है ना, दैट इज स्पेस कॉल्ड एज सिल्ट पोर, स्लिट पोर्स, ठीक है। तो ये तो सही लग रहा है ऑप्शन नंबर ए, हेनलेज लूप मोस्ट रीअब्जॉर्प्शंस। तो यहाँ पे आप अभी पढ़े नहीं हो रीअब्जॉर्प्शंस, लेकिन आपको अगर आइडिया है तो रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा पीसीटी से होता है, तो ये आपको गलत है। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटासियम आयंस इनटू द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटासियम आयन, तो ये भी आपको क्या है अभी पढ़े गए तो बता दूंगा मैं, वो गलत है। एफरेंट आर्टेरियोल कैरीज ब्लड अवे अवे लेके जाता है, सो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट वन। अब आते हैं यूरिन फॉर्मेशन, यहाँ से आपको पूरा अब यहाँ चीजों को समझना है, दिमाग से एकदम क्लियर हो जाएगा चीजों को, आप यहाँ समझिए अच्छे से, एकदम से पूरा 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 मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो यूरिन फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे, टिल दैट अभी तक जो कुछ भी आपको पढ़ाया है क्लियर है एकदम,
विजुअलाइज तरीकों से समझाया है, बहुत ही ज़्यादा आपको जो है क्लियर कट समझाने की कोशिश है, तो आपको ये पूरा समझ आ गया होगा अभी तक जितने चीज़ों को समझाया। अब आते हैं यूरिन की फॉर्मेशन को। यूरिन का फॉर्मेशन देखो क्या है बच्चा, ध्यान देना कैसे बॉडी बनाया भगवान ने, बहुत ही नयाब तरीके से हमारे शरीर की संरचना हुई है, जो कि भगवान ने हमारे लिए एकदम से क्या कह सकते हो, गॉड गिफ्ट एक तरह से। देखो पूरे बॉडी में आपको क्या होता है, बहुत सारे ऐसे वेस्ट होते हैं जिसे आपको क्या होता है, पर्टिकुलरली ब्लड में आपको पोर्ड आउट रहता है, ब्लड में आ जाता है। तो ब्लड को हमें क्या करना है भैया, ब्लड से हमें क्या करना है, उस वेस्ट को निकालना है। इस ब्लड में अगर आ गया है तो ब्लड से हमें क्या करना होगा, उस सारे वेस्ट को निकालना होगा, ठीक है। और जैसे हमारा यहाँ पे जो आप देख रहे थे आपका जो किडनी है, किडनी का नेफ्रॉन की अगर हम बात करें, तो यहाँ जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान आप देखोगे कि आपका जो है अंदर जाता है कौन सा, अंदर आपको पर्टिकुलरली प्लाज्मा जाता है, ब्लड का 55% रीजन ही केवल अंदर जाता है, बाकी जो आपके RBC हैं WBC हैं वो सब अंदर नहीं जा पाते, ठीक है, सेल्स वगैरह अंदर नहीं जा पाते। तो जब प्लाज्मा अंदर गया बच्चा, ध्यान देना, अब यहाँ जब प्लाज्मा फिल्टर आउट हो रहा है ना, प्लाज्मा ही केवल फिल्टर आउट होगा, इस तरह से बना लो, ये आपको नेफ्रॉन में अंदर कौन गया, प्लाज्मा गया। तो इस प्लाज्मा को हम लोग बोलते हैं कि सर अगर आप देखो ऐसा करो, जो कुछ भी आप लेके गए हो यूजफुल चीज़ें, जो कुछ भी आप यूजफुल चीज़ें लेके गए हो वो लौटा भी दो, जो चीज़ें आप यूजफुल ऐसा कुछ लेके अगर गए हो जो कि यूजफुल था शरीर के लिए, आप ले गए गलती से ले गए, तो उसे आप लौटा भी दो ना, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे चीजें होते रहती है, आपको क्या करना है कि ब्लड से कुछ चीजों को आपको वापस प्लाज्मा में देना है, और कुछ चीज आपको प्लाज्मा भी देगा। तो जो ब्लैक कलर का एरो है ब्लड से जा रहा है, ठीक है, आप वापस नेफ्रॉन में डाल रहे हो, उसे आप कहते हो सिक्रीशन। एंड रेड कलर का जो एरो दिख रहा है वो आपको हो गया रीअब्सॉर्प्शन। क्या हो गया, रीअब्सॉर्प्शन। और ब्लैक कलर का जो एरो दिख रहा है, यानी कि ब्लड से जो आप घुसा रहे हो अंदर नेफ्रॉन में, वो आपको हो गया सिक्रीशन। अब चमका होगा, देखो यहां ध्यान देना, इस बात को समझ लो एरो को, नहीं तो आप पूरा चैप्टर कंफ्यूज होते रहोगे, भटकते रहोगे। ये जो सिक्रीशन है और रीअब्सॉर्प्शन है, हम ब्लड के टर्म में बोलते हैं। जब डायग्राम में केवल और केवल नेफ्रॉन डाल करके आपको एरो दिखाने लग जाएगा ना, अच्छे अच्छे की बत्ती गुल हो जाती है कि एरो आपको दिखा रहा है बाहर की तरफ और आप कह रहे हो रीअब्सॉर्प्शन, ये तो एक्सक्रीशन। आपको जब किसी एरो को मैं ऐसे बाहर दिखा रहा हूं, इसका मतलब आप क्या समझोगे, इसका मतलब आप समझोगे कि बाहर यानी कि भैया इसने सेक्रेट किया होगा, लेकिन ये सेक्रेट नहीं है, ये ब्लड के एस्पेक्ट से समझना होगा आपको, ब्लड के एस्पेक्ट में समझना होगा, दिस इज रीअब्सॉर्प्शन। अब बात समझ में आ रही है, तो कभी भी सोचोगे तो किसके एस्पेक्ट में सोचोगे, ब्लड के एस्पेक्ट में सोचोगे, तब एरो एकदम से आपको क्लियर हो जाएगा, एरो का कंफर्म यहाँ पे आपको जो है डाउट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे एरो का जो डाउट है वो आपको खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टेप वाइज पढ़ते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड सेक्रीशंस को, चलिए वन बाय वन लेते हैं इसको डिटेल से। पहला ही आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में हम लोग आपको थोड़ा बहुत अभी तक समझा चुके हैं क्या है। देखो तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू थ्री लेयर्स, यहाँ पे तीन लेयर है। तो पहला क्या है कि एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये आपको जो हो गया एंडोथीलियम ऑफ एंडो, तीन लेयर कैसे कैसे होंगे देखो फिगर से आपको विजुअलाइज हो गया, आपको क्लियर हो जाएगा फिगर से। ये जो आपका बोमेंस कैप्सूल था, ये आपका बोमेंस कैप्सूल था, तो ये बोमेंस कैप्सूल का क्या हो गया जी, बार बार इरेज क्यों हो जा रहा है, बना रहा हो इतने मेहनत से और इरेज हो जा रहा है, एक मिनट, ठीक है चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये आपका वोमेंस फिर से इरेज हो जा रहा है यार, ये तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, ये तो भूत आ गया लग रहा है, गायब हो जा रहा है पटाप, जैसे बना रहा हूँ वैसे लाइन गायब हो जा रही है, तो इतनी मेहनत करके बनाता हूँ मैं, ऊपर से डायग्राम से गायब हो जा रहे हैं। इस बार फिर गायब हो गया, क्या हो गया सेटिंग में, एक मिनट देना मुझे,
एक मिनट देना मुझे, ठीक है, एक मिनट। चलो डन। अब यहां देखो कैसे तीन लेयर फॉर्म होगा, ये समझना कैसे तीन लेयर फॉर्म होगा। ये आपका जो हो गया, ये आपका क्या हो गया बालक, ये आपका एफरेंट आर्ट्रियोल हो गया, ये आपको क्या हो गया एफरेंट आर्ट्रियोल हो गया। एफरेंट आर्ट्रियोल का जो आप कैपिलरीज बनाए थे, ये कैपिलरीज हो गया और ये आपको इफरेंट आर्ट्रियोल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बोमेंस कैप्सूल बना रहे हो, ये आपके बोमेंस कैप्सूल हो गए, ये आपके बोमेंस कैप्सूल हो गए। अब ये ध्यान देना, तो ये एक लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया, तो ये आपको क्या हो गया एंडोथिलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, एपिथिलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन द टू लेयर। इनके बीच में क्या होगा, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन पर्टिकुलर प्रेजेंट होगा, पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये तीन लेयर हो गया, ये तीन लेयर आपको यहाँ मिल जा रहा है। इस तरह से ग्लोमेर फिल्ट्रेशन में कितने लेयर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तीन लेयर। इसी तीन लेयर से आपको क्या होगा, दैट विल फिल्टर आउट ब्लड, यहाँ से तीन लेयर आपका फिल्टर आउट करेगा। तो इमेजिन कीजिए कितना फाइन आपको फिल्ट्रेशन होगा, इसलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दिस वर्ड इज एक्चुअली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसीलिए आपको कहा जाता है। अब ये देखिएगा आगे कि जो एपिथेलियल सेल्स है बोमेंस, आपको पोडोसाइट्स का यहाँ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल का जो एपिथेलियल सेल्स है, ये जो एपिथेलियल सेल्स है कॉल्ड एज पोडोसाइट्स आर अरेंज्ड इन एन इंट्रिकेट मैनर सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेसेस एंड कॉल्ड स्लिट स्पोर्स। देखो ये जो आपको अरेंजमेंट है इसका कैसा होता है, ध्यान देना, ऐसे कुछ अरेंजमेंट इसका होता है, यहाँ पे आपको पर्टिकुलर स्पेस ऐसे जो होता है खाली बच जाता है, ये आपको जो है प्रोजेक्शन है, पोडोसाइट सेल्स में प्रोजेक्शन ऐसे होते हैं एंड ऐसा कुछ अरेंजमेंट इसमें आपको मिलता है, ऐसे कुछ अरेंजमेंट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो इसको विजुअलाइज करोगे जब ऐसा, तो ये पर्टिकुलर स्पेस यहाँ जो छूट रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज स्लिट पोर्स, इसी को हम लोग स्लिट पोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना फाइन टाइप ऑफ प्यूरिफिकेशन होगा आप समझ सकते हो। द डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल दैट इज ब्रिंगिंग ब्लड आउट ऑफ द कैपिलरी ग्लोमेरुलस इज लेस देन दैट ऑफ डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल। तो बता दिया आपको कि एफरेंट आर्ट्रियोल का जो होता है डायमीटर डैट ऑफ इफरेंट से ज्यादा होता है, यानी कि एफरेंट जो होता है वो ज्यादा आपको थिकर होगा, ऐसा कह सकते हो, दैट इज थिकर। तो ये एक पोर्शन हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, आप बताओ तीन लेयर हो गया, एंडोथिलियम ऑफ द टॉप ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स ऊपर का, फिर बेसमेंट में आ जाओ, फिर बेसमेंट में आने के बाद आप फिर बोमेंस कैप्सूल में आ जाओ, ये तीन हो गया। और फिर बोमेंस कैप्सूल में एक बहुत ही बढ़िया नायाब तरीके से एकदम अरेंजमेंट है वहाँ पे पोडोसाइट सेल्स का, जो कि स्लिट पोर्स बनाता है, ये चीज़ें क्लियर है। तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशंस के बारे में आपको डिटेल थोड़ा सा डिस्कशन हुआ। अब यहाँ पे देखो ये आपको क्या हो गया इस डायग्राम में, कि एफरेंट आर्ट्रियोल को देखो और इधर इफरेंट आर्ट्रियोल को देखो, ये बोमेंस कैप्सूल हो गया, ठीक है। और क्या बना रहा है नेटवर्क, देखो कितने मस्त एकदम आपको जाली की तरह दिखाई पड़ रहा है ये नेटवर्क, टफ्ट्स ऑफ कैपिलरीज, पोरिंग यहाँ पे हो रहा है ब्लड का और यहीं से आपको क्या हो जाएगा फिर आपका जो है जाएगा बोमेंस कैप्सूल में, फिल्टर होकर के बोमेंस कैप्सूल में जाएगा, देन फर्दर इट इज टू दैट ऑफ पीसीटी। तो ये भी आप समझ सकते हो इस डायग्राम से, आपको ये क्लियर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ेंगे नेट फिल्ट्रेशन रेट या नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है, GFR पढ़ेंगे, GFF पढ़ेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, इनके बारे में डिटेल डिस्कशन वी विल टेक हेयर। सो यहाँ पे NFP क्या है वो देखते हैं। चलो अब हम लोग क्या देखेंगे कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, देखो इसमें आप देखें कि तीन लेयर काम कर रहा है, अब इनके द्वारा प्रेशर जो होगा अगेंस्ट दैट ऑफ फिल्ट्रेशन एंड टू द फेवर ऑफ फिल्ट्रेशन, तो दो तरह के प्रेशर हो सकते हैं, राइट। अभी आपको मैं दिखाते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा ये बात नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है। सो ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग इस पर बात करेंगे अच्छे से, ठीक है। ये हमने क्या लिया, ये हमारा ग्लोमेरुलस हो गया, ठीक है, ये हमारा ग्लोमेरुलस हो गया और ये हमारा जो है बोमेंस कैप्सूल हो गया, यहाँ पर ये हो गया हमारा बोमेंस कैप्सूल। अब देखो ये जैसे कि आप जानते हो कि एफरेंट आपका बहुत ज्यादा डायमीटर में होता है एज कम्पेयर टू इफरेंट, है ना। तो इफरेंट का जब वहां से निकल रहा होगा आपको और यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में आ रहा होगा, तो बताओ अगर किसी भी पाइप में अगर आप पानी अधिक ला रहे हो और छोड़ कम रहे हो, तो जाहिर सी बात है प्रेशर बिल्ड होगा।
and this pressure is called glomerular filtration pressure. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर जो कि आसपास होता है 55 mmHg के. कितना होता है 55 mmHg के, ठीक है. अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास जो ब्लड है, ब्लड का भी अपना जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर जो क्या करेगा, अपोज करेगा इसको, ठीक है, फिल्ट्रेट नहीं होने दे रहा होगा. तो ये तो एक पॉजिटिव प्रेशर है जो मदद कर रहा है फिल्ट्रेशन के लिए, ये पॉजिटिव प्रेशर हो गया. अब नेगेटिव प्रेशर लाइक कि आपके पास ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा. ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू अबाउट होता है 30 mmHg, ठीक है, 30 mmHg. तो ये हो गया आपको नेगेटिव वैल्यू. ये कितना हो गया, नेगेटिव वैल्यू हो गया, ये नेगेटिव वैल्यू हो गया. डन, बात समझ में आ गई. अब ये जो है आपको यहाँ पर कैप्सूल का जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा होगा जो कि नेगेटिव होगा. इसको हम लोग बोलेंगे कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. क्या बोलेंगे, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. एक मिनट जरा मैं देख लेता हूँ कॉल आ रहा है क्या. अरे बाबा, ठीक है. तो ये आपको क्या हो जाएगा, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. ये भी नेगेटिव हो जाएगा. कितना होता है इसका वैल्यू, अबाउट 15 mmHg होता है, 15 mmHg. तो आपका जो है नेट अगर निकालोगे कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान आपको नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना लग रहा होगा, तो आप क्या करोगे, जी एफ पी माइनस, आप नेगेटिव प्रेशर को माइनस करोगे बी सी ओ पी. यहाँ देखो ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो ये आपको माइनस चल जाएगा, आपका यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है. ये माइनस ओवरऑल एक्चुअली क्या है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस ही आएगा. अब यहाँ 55 माइनस किसको करोगे, 30 प्लस 15 को माइनस करोगे, कितना हो गया 35 माइनस 45. तो नेट आपका जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा 10 mmHg. जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो कितना है बालक, तो यहाँ पे आप कहोगे सर नेट आपका कितना हो जाएगा, 10 mmHg हो जाएगा. बोलो क्लियर है एकदम. तो इतने प्रेशर का जो है साथ में आपको जो है सपोर्ट मिल रहा है. अगर हम नेट की बात करें तो इतना का आपको क्या मिल रहा है, फेवर में है, ठीक है. तो यही चीज है, आप देखो यहाँ पे आगे पढ़ लो, ध्यान से समझना, एकदम क्लियर हो जाएगा. सो दिस डिफरेंस इन द डायमीटर क्रिएट्स अ प्रेशर, और इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है, दैट फैसिलिटेट्स द प्रेशर. यानी ये बात हो रहा है 55 mmHg वाली बात हो रही है, ठीक है. द ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली दैट दिस मेम्ब्रेन दैट ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट दैट प्रोटीन्स पास इन टू द वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है. आप इसको इसलिए कह रहे हो, इट इज कंसिडर्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसीलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं. ब्लड इज फिल्टर्ड थ्रू द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस ड्राइवन बाय ब्लड प्रेशर एंड द फिल्ट्रेट पास थ्रू द वुमेन्स कैप्सूल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लूप ऑफ हेनली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट. द ब्लड पासिस फ्रॉम द एफरेंट आर्ट्रियोल टू द ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्ट्रियोल से ग्लोमेरुलस में गया, इफरेंट आर्ट्रियोल, फिर आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज वासा रेक्टा, इस तरह से इफरेंट आर्ट्रियोल की तरफ चला गया. तो ब्लड का अगर आपको पूछेगा कि रूट क्या है, तो ब्लड का रूट आप क्या कहोगे, सबसे पहले तो एफरेंट आर्ट्रियोल, फिर आपका ग्लोमेरुलस, ठीक है, फिर आपको इफरेंट आर्ट्रियोल, फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, फिर वासा रेक्टा. बात समझ में आ गई, चलो. तो इसी की बात हम लोग यहाँ पे, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर GFR आपको बहुत अच्छे से समझना है, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. दिस इज द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट, एक मिनट में कितना फिल्ट्रेट बना रहा है. यानी देखो ये आपका जो यहाँ पे ग्लोमेरुलस था, ग्लोमेरुलस से ब्लड आपको यहाँ से जब पार हुआ था तो सारा का सारा पार्ट तो यहाँ नहीं आ गया था वुमेन्स कैप्सूल में, तो कितना पार्ट आया था भाई, मैंने आपको बोला है कितना पार्ट आता है पर मिनट. अगर हम बात करें तो जो आपको एवरेज है पर मिनट अबाउट इतना ब्लड आपको जो होता है किडनी से आपका पम्प्ड होता है, ठीक है. यहाँ ध्यान दीजिएगा अबाउट क्या लिखा है, 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड. ये ब्लड का अमाउंट है. अगर हम प्लाज्मा का अमाउंट यहाँ बात करें तो प्लाज्मा अबाउट हो जाएगा लगभग 625 या 50 कह सकते हो, इतना ml के आसपास. यानी 55% निकाल लो, 55% निकाल लो इसका, 1100 and 1200 ml का इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट. उतना ब्लड जो होता है वो फिल्टर होता है किडनी का पर मिनट, जो कि रफली कितना है हमारा, 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय द ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन द 1 मिनट, जो कि 1/5 है किसका,
वन फिफ्थ है दैट ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल। ठीक है, अगर हम बात करें पर डे का, तो हमारा जो पर डे का वैल्यू है वो 180 लीटर है। तो ये कहाँ से आया पर डे इतना लीटर ऑफ ब्लड जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट हम लोग बोल रहे हैं, तो ये कैसे आता है? तो लगभग 125 ml हमारा एक मिनट में होता है। तो आप मिनट को तुरंत क्या करो, आवर में कर लो, तो इंटू 60 करोगे तो आपका एक घंटे में निकल जाएगा। आप दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 लीटर आपको आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप निकाल लेना। तो 125 ml तो एक मिनट में, और एक दिन में अगर हम बात करें तो 180 लीटर। तो सवाल अगर क्वेश्चन आता है कि GFR का वैल्यू बताइए, और क्वेश्चन मिनट में पूछा है, तो आप कहोगे 125 मिनट। एंड अगर आपको पूछ दिया है कि पर डे कितना होगा, तो 180 लीटर बोल दोगे। ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ ब्लड पूछ दिया अगर, तो बोलोगे 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड पर मिनट। प्लाज्मा पूछ दिया तो 625 ml आसपास ये आपका वैल्यू रहेगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये आपको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हो गया। ठीक है, अब आते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ब्लड यहाँ से आपको जो यहाँ जा रहा है, ब्लड जो जा रहा है, ब्लड का आपको प्लाज्मा में यहाँ जो फॉर्म हुआ, प्लाज्मा जो अंदर आया कितना आया, प्लाज्मा लगभग कितना आया आपका, अभी हम लोग पीछे बात किए प्लाज्मा हमारा लगभग 625 आया, लेकिन फिल्ट्रेट कितना बन रहा है, फिल्ट्रेट पर मिनट का वैल्यू क्या है आपका, पर मिनट का वैल्यू आपने कहा 125 ml है सर। तो इसी का हम लोग रेशियो जब ले लेते हैं ना, 625 आपको रखना है और 125, तो 125 है ना, 125 into 5 अगर करोगे तो बाला कितना आएगा, 525 आसपास आ जाएंगे। ठीक है, आ जाएंगे कि नहीं, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा लगभग 1/5 का अप्रॉक्स में, अगर हम इसको परसेंटेज में लिखें तो 1/5 × 100 लगभग 20% जो होता है हमारा प्लाज्मा का, कितना परसेंट, 20% जो है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है। तो ये आपको कहलाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, जो कि आएगा वैल्यू अबाउट 1/5। ठीक है, डन, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा सा समझते चलेंगे और कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं रेगुलेशन ऑफ GFR। तो रेगुलेट कैसे होता है GFR का वैल्यू, GFR का वैल्यू रेगुलेट कैसे होगा? सो किडनी का वैल्यू अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो इंडिकेटिव जो उसका कैसा फंक्शनिंग हो रहा है वो GFR आपको बता देगा, GFR आपको बता देगा। तो हम GFR को रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म्स को यहाँ पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट किडनी हैव देयर बिल्ट इन मैकेनिज्म, अपने में बिल्ट रहता है इसका बहुत से मैकेनिज्म, सभी हम लोग एग्जाम्पल 1/1 देखेंगे। ठीक है, रास सिस्टम देखेंगे हम लोग, ठीक है, ADH सिस्टम देखेंगे, फिर आपका हम लोगों को ANF सिस्टम भी पढ़ना है, तो ये सब कुछ हम लोग अभी यहाँ डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, यट वन सच एफिशियंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाई जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। तो ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है, ध्यान से सुनना, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है, देखो मैं बता दूँ आपको, वेट मैं आपको एक स्क्रीन ले लेता हूँ, फिर वहाँ समझाता हूँ जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस व्हाट इज दैट, ये चीज़ें आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं डायग्राम के फॉर्म में आपको यहाँ समझाऊंगा। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस देखो, ये आपको जो हो गया बोमेंस कैप्सूल हो गया, ये आपका बोमेंस कैप्सूल हो गया, ये आपको PCT हो गया, एंड ये आपका लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, उसके बाद लूप ऑफ हेनले आपका DCT फॉर्म, यहाँ DCT बन गया, एंड दिस विल बी दी अगेन कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, जैसे ही आपको यहाँ से मान लो एक और आपका जो है ज्वाइनिंग हो रहा है किसी कलेक्टिंग डक्ट, किसी एक कलेक्टिंग डक्ट में तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स खुलते हैं, तो यहाँ से एक और आपका ज्वाइन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल और नॉट। तो यहाँ से अगर हम पॉसिबल देखें, तो आपको ऐसा हो सकता है दैट कि आप यहाँ पे जो DCT देख रहे हो, इस DCT के सामने काफ़ी क्लोज में यहाँ पर आपको जो है आपका बोमेंस कैप्सूल आ जाएगा, बोमेंस कैप्सूल आ जाएगा, बहुत ही क्लोज में कभी कभी क्या होता है बोमेंस कैप्सूल आ जाता है इस DCT के क्लोज में। तो इसको हम लोग जूम आउट करते हैं, ये ले लेते हैं हम लोग DCT और ये ले लेते हैं हम लोग बोमेंस कैप्सूल का पर्टिकुलर रीजन, ये हम लोग बोमेंस कैप्सूल का पर्टिकुलर रीजन ले रहे हैं। तो DCT में आपको क्या मिलता है, एक सेल मिलता है मैक्यूला डेंसा, DCT में एक सेल मिलता है मैक्यूला डेंसा, ये पर्टिकुलर सेल के बारे में ध्यान देना, दिस इज कॉल्ड एज मैक्यूला डेंसा। कहाँ मिलेगा ये मैक्यूला डेंसा, प्रेजेंट एट, बताओ जल्दी से, सवाल अगर आ गया कि मैक्यूला डेंसा आपका कहाँ होगा, ठीक है, तो आपका हो गया DCT पे,
डीसीटी, ठीक है ये समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है, बातें समझ में आ रही है। और एक सेल होता है जिसको आप कहोगे जेजी सेल, जेजी सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। अच्छा ये जक्स्टा का मीनिंग क्या होता है, जक्स्टा का मीनिंग होता है नियर, जक्स्टा का क्या मीनिंग होता है नियर और क्लोज। अब वर्ड को समझो, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस मतलब क्या, ग्लोमेरुलस के ये पोर्शन हमने यहाँ पे क्या दिखाया है, ये पोर्शन क्या है ग्लोमेरुलस के क्लोज में, दैट इज कॉल्ड जक्स्टा ग्लोमेरुलर। और जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस में आपका ये दोनों इंक्लूड हो गया तो आप इसको कहोगे जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, यानी मैकुला डेंसा और जेजी सेल दोनों मिला दिए जाए तो आप क्या कहोगे उसको, आप कहोगे जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, क्या कहोगे जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। डन बच्चा, यहां तक कोई दिक्कत जल्दी बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है? ओके डन, चीजें एकदम क्लियर है। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस के बारे में मैंने आपको क्लियर यहां पे समझा दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यही चीज यहां लिखा हुआ है कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस इज अ स्पेशल, देखो यहां वर्ड टू वर्ड समझना है, इट इज अ स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन इन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। यही तो बात मैंने आपको बताया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल का स्पेशल रीजन होता है, सेंसिटिव रीजन होता है, एंड द एफरेंट आर्ट्रियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टेक्ट, है ना, एफरेंट आर्ट्रियोल में भी पर्टिकुलरली आपका क्या होता है, आपका लोकेशन होता है स्पेशलाइज टिश्यूज का, एफरेंट आर्ट्रियोल में भी होता है, एफरेंट आर्ट्रियोल में भी होता है, ठीक है। ये जो आप जेजी सेल्स देख रहे थे वो एफरेंट आर्ट्रियोल का ही पोर्शन था। अगर हम बात करें तो जेजी सेल्स आपको कहाँ हो जाएगा, देखो एक बार मैं फिर आपको यहाँ डिपिक्ट करता हूँ डायग्राम, ध्यान दीजिएगा, रेड पेन ले लेते हैं, ठीक है। ये आपको हो गया मैक्यूला डेंसा, ठीक है, मैं डायग्राम एक बार इसको जो है रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ध्यान दीजिए। ये जो आपको मैं सेल्स दिखा रहा हूँ वो आपको, ये जो सेल्स है ये हो गया मैक्यूला डेंसा, तो डीसीटी में हो गया मैक्यूला डेंसा। और यहीं पे आप जो है क्लोज में क्या देख रहे हो, ये आपको क्लोज में यहाँ पे आप वोमेंस कैप्सूल देख रहे थे कि नहीं, ये ऐसे आप वोमेंस कैप्सूल देख रहे हो, वोमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस, ये सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऐसे ऐसे, है ना, अब क्लियर हो जाएगा डायग्राम, देखो अब विजुअलाइज कर पा रहे हो। तो ये ग्लोमेरुलस हो गया, ये वोमेंस कैप्सूल हो गया, ये आपको डीसीटी का पोर्शन हो गया, बात समझ में आ गई, अब यहाँ देख लो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है ना, एफरेंट आर्ट्रियोल और ये इफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल के ऊपर ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट होता है जेजी सेल्स, यहाँ पे ऐसे जेजी सेल्स होते, ठीक है, यहाँ पे ऐसे जेजी सेल्स होते, बात समझ में आ गया। तो ये जेजी सेल एक्चुअली क्या करेगा, दैट विल टू रिलीज रेनिन, क्या करेगा ये रेनिन। अच्छा ये रेनिन का आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग आर ई एन है, क्या है, कितना एन है, एक एन है, और डबल एन वाले कहाँ पढ़ते हो आप, डबल एन वाले आप पढ़ते हैं डाइजेशन, ठीक है, वो अलग है। तो फॉल जैसे ही होगा जी एफ आर तो वो एक्टिवेट हो जा कर देगा किसको, जेजी सेल को, और जेजी सेल क्या रिलीज कर देगा, रेनिन, एंड विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, जो ब्लड फ्लो क्या कर देगा, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करेगा, जिससे कि वापिस से जी एफ आर अपने नॉर्मल पोजिशन, नॉर्मल जो वैल्यू था उस पर आ जाएगा। तो ये आपको पूरा क्लियर होगा विद दैट ऑफ डायग्राम, विद दैट ऑफ कॉन्सेप्ट, बिल्कुल क्लियर है। चलो अब आते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट प्रोसेस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया, अब री एब्जॉर्प्शन पे आओ। तो री एब्जॉर्प्शन में हम लोग देखेंगे कि जो कंपैरिजन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड दैट इज 180 लीटर पर डे, इतना लीटर ऑफ ब्लड हम लोग का, इतना लीटर हमारा जो है फिल्ट्रेट बन रहा है अगर, तो उसमें से हम लोग जानते हैं कि यूरिन तो इतना हम लोग का 180 लीटर तो पास नहीं होता है, इट इज अबाउट 1.5 लीटर अ डे, तो लगभग हम कह सकते हैं 99% फिर क्या हो गया, फिल्ट्रेट कहाँ जाएगा। तो इतना सारे जो फिल्ट्रेट आपके बन रहे हैं, 180 लीटर को हमें पर डे क्या करना है, रिड्यूस करके 1.5 लीटर तक लाना है, तो उसमें से मैक्सिमम चीज़ों को हमें क्या करना होगा, रीअब्सॉर्ब, एंड दिस 99% कर लो तो 99% केस में हम क्या कर रहे हैं, रीअब्सॉर्प्शन कर रहे हैं, ठीक है, 99% ऑफ द फिल्ट्रेट क्या हो रहा है, रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है। द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म आइदर एक्टिव और पैसिव टाइप ऑफ मैकेनिज्म। देखो रीअब्सॉर्प्शन कैन बी एक्टिव कैन बी पैसिव, इस चीज का ध्यान देना, बट सिक्रीशन हमेशा आपको एक्टिव मिलेगा, ऑलवेज सिक्रीशन क्या मिलेगा, ऑलवेज आपको एक्टिव मिलेगा, अभी आगे देखेंगे आपको बताएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो मैंने रेड कलर से जो है ब्लड वेसल्स दिखा दिया, मान लो ये रेड कलर से मैंने क्या दिखा दिया, ब्लड वेसल्स, और ये ग्रीन कलर से मैं एक्चुअली किसी और कलर से देख लेते हैं क्या मिलता है, ब्लैक। चलो ब्लैक कलर से हम क्या दिखा दे रहे हैं आपको, लूप ऑफ हेनले, ये मान लो लूप ऑफ हेनले। अब इस चीज को समझना, ये रीअब्सॉर्प्शन है, रीअब्सॉर्प्शन मतलब वापिस से आपको ये जो है ब्लड अपने में खींच लेगा चीजों को, वापिस से अपने में ब्लड जो है क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो ये आपको बाय द फॉल्ट की एक्टिव भी हो सकता है एंड इट मे बी पॉसिव, इट मे बी पैसिव ऑल्सो। सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम एक्सेट्रा इन द फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब एक्टिवली। तो देखो यहाँ याद रखना, एक्टिव में आपको कौन कौन से एग्जाम्पल आ गए, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, ये आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं रीअब्सॉर्प्शन में। एंड कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट हो गए, दैट इज लाइक यूरिया, दैट विल बी पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्या हो जाएगा उसका, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो अकर्स पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन, द ट्यूबुलर सेल्स सिक्रीट सब सब्सटेंसेस लाइक एच प्लस, के प्लस एंड अमोनिया। तो ये सिक्रीट क्या क्या हो रहा है, तो सिक्रीट आपको एच प्लस हो रहा है, सिक्रीट के पोटासियम हो रहा है, अमोनिया हो रहा है। रीअब्सॉर्ब क्या क्या हो रहा है चीजें, ग्लूकोज हो रहा है, अमीनो एसिड हो रहा है, सोडियम हो रहा है, बात समझ में आ गई। तो सिक्रीट क्या क्या हो रहा है, रीअब्सॉर्ब क्या हो रहा है वो समझना है आपको। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन, इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड बेस का बैलेंस। तो बच्चा ये ट्यूबुलर सिक्रीशन हम लोग क्यों करते हैं, अगर सिक्रीशन की हम बात करें तो सिक्रीशन में क्या होगा, सिक्रीशन आप कैसे दिखाओगे, फिर से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ब्लड वेसल मान लो इधर ही बना लेते हैं, ये मैंने आपको ब्लड वेसल यहाँ बना लिया, मान लो रेड कलर से मैंने ब्लड वेसल बना लिया, और ये आपको मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ कि सिक्रीशन किसको बोलते हैं, सिक्रीशन इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिक्रीशन। अच्छा सिक्रीशन दिखाना था ना, तो ये एरो होगा, ये उल्टा आपका हो गया पहला वाला, ये एरो हो जाएगा सिक्रीशन, ठीक है। सिक्रीशन में आप क्या करोगे, इसका यूजफुलनेस क्या है, आप आयनिक बैलेंस को मेंटेन करते हो, आप क्या कर रहे हो, पीएच को मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, पीएच को उसके थ्रू मेंटेन करो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, पीएच को मेंटेन कर रहे हो आप, दैट इज रीअब्सॉर्प्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या है, कि आपको जो है यूरिन को आप जो है फिल्टर आउट करा रहे हो, वो हो गया। उसके बाद रीअब्सॉर्प्शन में क्या कर रहे हो आप, उसमें से जो आपको यूजफुल चीजें हैं आप वापस उसे इंटेक कर लिए, ब्लड में भेज दिए। सिक्रीशन में क्या कर रहे हो आप, सिक्रीशन में कुछ आयंस आपने वापस से आयनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, एसिडिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपने क्या किया, सिक्रीट किया, दिस वाज द थिंग। अब आ जाते हैं हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि कौन सा रीजन में आपका मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे सवाल आता है कि मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन कहाँ होता है, तो रीअब्सॉर्प्शन मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट का जो होगा 70-80% डाटा एनसीईआरटी का लिखा हुआ है, इलेक्ट्रो लाइट और वाटर, वो हो जाएगा पीसीटी में, कहाँ पे, पीसीटी में। ये बना होता है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथिलियम का, यही चीज है, इस वजह से इतना ज्यादा, इतना मतलब जो आपका इतना ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है 70-80%, वो क्यों हो रहा है, रीजन क्या है, वहां पे टिश्यू कौन सा है, तो सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथिलियम की वजह से। ऑफ पीसीटी इंक्रीजेस द सर्फेस एरिया ऑफ रीअब्सॉर्प्शन, इसी वजह से। अगर हम लूप ऑफ हेनले की बात करें तो रीअब्सॉर्प्शन इस सेगमेंट में बहुत कम होता है, मिनिमम टू मिनिमम आप कह लो 5% से भी कम आसपास, है ना, बहुत कम होता है। मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दिस रीजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इट। तो जो आपका, ध्यान दीजिएगा, काउंटर करंट जब मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तो वहां पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेडुलरी इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है उसका आपको ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहां पर, लगभग आप जानते होंगे 400 ऐसे आता है यहां से, तो 300 ऊपर मिली ऑस्मोल, ठीक है, आप यहाँ 400 फिर 600 फिर 800 और देखते हो 1000 फिर, है ना, 1200। तो ये जो आप मेडुलरी इंटरस्टिशियल का जो अपना ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको मेंटेन करने में हेनलेज लूप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, हेनलेज लूप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपको मैं अभी बताऊंगा आगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तब। तो डिसेंडिंग लिप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर एंड ऑल्सो इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बालक, देखो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये दो चीजें हैं। अब ये परमिएबल किसके लिए है और इम्परमिएबल किसके लिए है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरे इमेज के पीछे ये छुप जा रहा होगा, तो ये आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। देखो ये थोड़ा याद रखना सब लोग, यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा बनता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले
डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, परमिएबल किसके लिए है, इम्परमिएबल किसके लिए, परमिएबल किसके लिए है और इम्परमिएबल किसके लिए, ठीक है। एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू आयंस, इम्परमिएबल टू वाटर, अपोजिट कर दो, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल टू आयंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार क्वेश्चन देके कंफ्यूज किया जाता है एंड यू गाइज शुड नॉट गेट कन्फ्यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए आपको मैंने यहाँ पे एक बढ़िया से समझा दिया, क्लियर कर दिया सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाउट नहीं होना चाहिए, किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। तो असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले डेट इज कॉल्ड इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली या पैसिवली, वो डिपेंड करता है ना भाई, तो एक्टिवली या पैसिवली हो सकता है। Therefore, as the concentrated filtrate pass upward, it will get diluted. देखो जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये डायल्यूट होता चला जाएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा यहाँ देख रहे हो आपका कॉन्सेंट्रेटेड होते जा रहा है, ठीक है। ये आपको डायल्यूट क्यों होता है, ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सब कुछ बनाया हुआ बहुत तरीके से है भाई, सब कुछ बनाया हुआ बहुत तरीके से है, ऐसे वैसे कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत ही शानदार ढंग से भगवान ने क्रिएट किया है सब कुछ, देखो समझना। आखिर क्यों असेंडिंग लूप ऑफ हेनले को आयंस के लिए आपको जो है परमिएबल बना दिया, मान लो हमारे पास ये मान लो लूप ऑफ हेनले, हम लोग दिखाते हैं आपको ऐसे, ठीक है, लूप ऑफ हेनले मैंने आपको यहाँ दिखाया, ठीक है, इसमें मोटा पतला मत देखना, अभी फिलहाल मैं ऐसे रफ में बता रहा हूँ। ये आपको हो गया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये आपको हो गया असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। मेडुलरी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमारा ऐसे होता है 400, 600, डाटा आपको दिया हुआ 800, 1000, ठीक है, 1200। तो देखो अगर हमें यहाँ नीचे आते रहना है, नीचे आते आते क्या करना है, हमें ऑस्मोलैरिटी बढ़ानी है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ानी है मतलब वाटर हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तभी तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगा, वाटर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से रीअब्जॉर्ब होगा, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर जाना है आपको वैसे वैसे आपकी ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होगी, ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होगी तो आप इलेक्ट्रोलाइट को बाहर करोगे कि नहीं करोगे, देखो रटने की भी आवश्यकता नहीं है, इवन आई एम गिविंग यू ईच एंड एवरी थिंग विद अ रीजन, विथ ईच एंड एवरी थिंग विद अ रीजन। तो इलेक्ट्रोलाइट बाहर जाएगा, होना तो यही चाहिए था क्योंकि हमें ये जो है मेंटेन करके रखना है, ऑस्मो रेगुलेशन करना है, बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए भगवान ने कहा बहुत अच्छे, चलो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले को आप बना दो इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल, इम्परमिएबल टू वाटर कर दो, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले को आप कर दो परमिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या आयन। चीजें एकदम घुस रही है दिमाग में, फिट हो रही है, कोई भी जरा भी बात एकदम रटने वाली नहीं है कि बस रट रहे रटू तोते टाइप के, इजी है, आप समझोगे चीजों को तो अपने आप में सब कुछ रीजन के साथ होता है, नथिंग इज विदाउट एनी काइंड ऑफ रीजन, गॉड हैज क्रिएटेड इट विद अ ग्रेट ब्यूटी गाइज, गॉड हैज क्रिएटेड दिस थिंग्स विद अ ग्रेट ब्यूटी। तो इस चीजों को समझना है आपको, चीजों को समझना है, तो क्लियर हो गया। अब आते हैं डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, दो चीजों को हम लोग क्लियर यहां कर लेंगे। तो डीसीटी जो होता है वहां पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा होता है रीअब्जॉर्प्शन वहां, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन सोडियम का एंड वाटर का, सोडियम का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कौन कराएगा, एल्डोस्टेरोन, वाटर का कौन कराएगा, वैसोप्रेसिन या एडीएच, यही लिख देते हैं, ये आपको कौन कराएगा, एल्डोस्टेरोन, ठीक है, इसको आप वैसोप्रेसिन भी बोलते हो, ये सारी चीज हम लोग को डिटेल में देखना है, ठीक है, जब आपको हार्मोन पढ़ाएंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे इट टेक्स प्लेस, राइट, यहाँ लिखा हुआ टेक्स प्लेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोनेट आयन एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन, कभी कभी सिक्रीट भी होगा यहाँ पे, सोडियम एंड पोटासियम भी सिक्रीट हो सकता है, अमोनिया भी सिक्रीट हो सकता है, पीएच को जब मेंटेन करना होगा, वो सिक्रीशन आपका किससे रिलेटेड है, सिक्रीशन रिलेटेड आपके पीएच का मेंटेनेंस के लिए, सिक्रीशन रिलेटेड है आपके ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगला आता है कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ से भी कंडीशनल टाइप ऑफ रीअब्जॉर्प्शन होता है लेकिन बहुत कम, बहुत ही कम, रेयर केस में। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब्ड, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब होता है जिससे आपका यूरिन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट बना सकते हैं उसको। इट प्लेज अ रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ एच प्लस एंड के प्लस। तो सेलेक्टिव सिक्रीशन जब भी होगा एच प्लस के प्लस का, तो उसका मकसद यही होगा कि पीएच को मेंटेन किया जा सके, आयनिक बैलेंस को मेंटेन किया जा सके, बनाया जा सके, ठीक है। अब इस डायग्राम को समझना, इस डायग्राम में आपको सब कुछ सिक्रीशन रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे दिखा दिया गया है। तो ये जो चीजें आप बाहर की तरफ एरो पुट होता हुआ दिख रहे हो, बाहर की तरफ एरोपुट होता दिख रहा है, वो रीअब्जॉर्प्शन है, ठीक है। और अंदर की तरफ जो आपको, जैसे ऐसे मैं समझा देता हूँ, मान लो ये, मान लो आपका किस तरह का ट्यूब्यूल है, तो बाहर की तरफ जो एरो हो रहा है, रेड कलर में जो एरो दिखा रहा हूँ, वो रीअब्जॉर्प्शन है,
एंड जो ब्लैक कलर से मैं एरो आपको दिखा रहा हूँ ये अंदर की तरफ जो जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज सिक्रीशन, दैट इज कॉल्ड एज सिक्रीशन। बोलो डन, कोई दिक्कत? आप फिगर में आप विजुअलाइज करके देखो अलग अलग रीजन में क्या क्या आपको रिलीज आउट हो रहा है, क्या क्या आपका जो है सेक्रीट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे आपको रीअब्जॉर्ब हो रहा है HCO3, NaCl, न्यूट्रिएंट, वाटर, K+, NH3, H+। ये आपको क्या हो रहा है, NH3 और H+ क्या हो रहा है भाई, ये सिक्रीट हो रहा है। तो ये आपको कौन सा रीजन हो गया, ये PCT रीजन की हम बात कर रहे हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड रीजन, जहाँ पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसलिए आप देख रहे हो बहुत सारे चीज वहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो रहा है। फिर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, क्या बोले थे आपको, यहाँ पे आपको क्या होता है, ये परमिएबल होता है वाटर के लिए, वाटर बाहर आ रहा है। यहाँ पे असेंडिंग लूप लिम्ब ऑफ हेनले, देखो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले में आप क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो यहाँ पे, आयंस का आपको जो है NaCl या इलेक्ट्रोलाइट जिसको बोलो वो आपको परमिएबल है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ध्यान दो कि यूरिया, यूरिया आपको देखो कलेक्टिंग डक्ट आपको क्या कर रहा है, रिलीज भी कर रहा है अगर जब हमको जरूरत पड़ेगा ऑस्मोलैरिटी के हिसाब से भाई, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक्सक्रीट भी कर रहे हो, ठीक है, दैट इज सिक्रीट भी कर रहे हो आप। तो यूरिया देखो दोनों ही एरो यहाँ पॉसिबल है, दोनों ही एरो यूरिया के लिए पॉसिबल है। तो डिपेंडिंग ऑन ऑस्मोलैरिटी रिक्वायरमेंट जैसा हमारा होगा, चीजें क्लियर है। DCT में कंडीशनल आपको पता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। H2O आपको जो होगा ADH के, NaCl एल्डोस्टेरॉन के, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ फिगर में बहुत अच्छे से NCERT ने समझा दिया है। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट हमारा भाई कैसे मैं आपका कंसंट्रेट बनाएंगे उसको, कैसे आपका वाटर का उसमें जो है मैकेनिज्म को समझेंगे अच्छे से। देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, यहाँ पे आप हेनलेज लूप और वासा रेक्टा के बारे में समझोगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म इसी को बोलते हैं, हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा। देखो बच्चा इस चीज को ध्यान देना, आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझा देता हूँ, थोड़ा सा एक बार विजुअलाइज क्रिएट करते हैं फिर चीजों को आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। अभी मैं क्लियर कर दूंगा आपको, चीजों को बहुत इजीली आप समझ जाओगे। देखो ये हमारा डिसेंडिंग लूप लिम्ब ऑफ हेनले, ठीक है, ये आपको असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, ये जो मैंने बनाया येलो कलर से बनाया वो आपको क्या है, असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ। साथ में आपको यहाँ पे ये चीजें समझना है कि आपको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज वासा रेक्टा भी यहीं पे रन आउट हो रहा होगा, ऐसे रेड कलर से मैंने दिखा दिया, मैं ये आपको मैंने रेड कलर से क्या दिखा दिया है, वासा रेक्टा। अब ये देखो एक चीज मैंने आपको यहाँ पे क्या दिखा दिया, ये आपको लूप ऑफ हेनले है येलो कलर से, ठीक है, और रेड कलर से क्या है बालक, रेड कलर से आपको वासा रेक्टा में दिखा रहा हूं। चीजों को समझना, अब हमारा मेडुलरी जो ऑस्मोलैरिटी है वो कितना है, इधर आपका ऑस्मोलैरिटी क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, है ना, बैलेंस होना चाहिए लगभग 400 से हम यहाँ शुरू करेंगे तो 600, 800, ठीक है, 1000 एंड 1200, ये आपको मेंटेन करके लेके चलना है। इसके लिए आप क्या कर रहे हो, जैसे जैसे यहाँ आपका फिल्ट्रेट नीचे गिर रहा होगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वाटर क्या कर रहा होगा, वाटर यहाँ से क्या हो रहा होगा, रीअब्जॉर्ब हो रहा होगा, वाटर क्या हो रहा होगा, रीअब्जॉर्ब हो रहा होगा। जैसे जैसे असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले में ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा होगा, यहाँ पे आपको क्या होता है बताओ, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले किसके लिए परमिएबल है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, NaCl के लिए, NaCl यहाँ से आपको रीअब्जॉर्ब हो रहा होगा, NaCl, बात समझ में आ रही है, NaCl आपको रीअब्जॉर्ब हो रहा होगा। अब देखो बच्चा अगर यहाँ पे वाटर आप यहाँ से निकाल रहे हो, इस वाटर को क्या यहीं पे छोड़ दिया जाएगा, इसको भी तो कोई ले जाने वाला होना चाहिए, तो जो वाटर आप यहाँ रिलीज आउट कर रहे हो उसको वासा रेक्टा जो है ब्लड के थ्रू अपने आप में ऊपर की तरफ लेके चला जा रहा है, और यहाँ पे NaCl जो है वो नीचे की तरफ आके यहाँ से ऐसे पहुंच जा रहा है। तो एक एरो को जरा मैच करके देखो, इस दोनों के लिए अगर हम एरो यहाँ बनाएं तो एक का डायरेक्शन ऊपर की तरफ इधर वासा रेक्टा वाला और लूप ऑफ हेनले वाला नीचे है, यहाँ का एरो अगर इस पोर्शन का एरो बनाए तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले का एरो ऐसे ऊपर है और वासा रेक्टा का एरो नीचे है। ये जो डायरेक्शन में आप डिफरेंस देख रहे हो ना अपोजिट, इसी को हम लोग बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, इसी को हम लोग बोलते हैं काउंटर करंट। काउंटर करंट क्यों, क्योंकि अपोजिट में करंट बह रहा है, करंट मतलब क्या होता है, बहाव, और ये काउंटर मतलब अपोजिट, तो अपोजिट में जो बहाव तय हुआ जो बन रहा है दैट इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म। चीजें क्लियर है, अब यहां पढ़ के देखो आपको समझ में आ जाएगा, अब यहां पढ़ के देखो डन हो जाएगा आपका, पूरा क्लियर हो जाएगा।
ये चीजें भाई अभी आपको पूरा चमक जाएगा। देखो द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिंब ऑफ हेनलेज इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म्स द काउंटर करंट। यही चीज काउंटर करंट कराता है। एंड द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिंब ऑफ वासा रेक्टा इज ऑल्सो इन काउंटर करंट पैटर्न। वासा रेक्टा में भी आपको दिखाया है दोनों का पोर्शन पर्टिकुलर जो रीजन था वो अपोजिट होता है। द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा, हेनलेज लूप और वासा रेक्टा का जो प्रॉक्सिमिटी होता है एज वेल एज काउंटर करंट इन देम, उनके बीच में काउंटर करंट बन रहा था, दैट विल बी हेल्पिंग इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। जैसे अंदर अंदर जा रहे थे तो इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आप देख रहे थे दैट विल गोज टू इंक्रीज एंड इंक्रीज एंड इंक्रीज और 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक हो गया था, है कि नहीं। ये आप मेंटेन कैसे कर रहे थे, बाय द हेल्प ऑफ लूप लिंब आपका जो था दैट इज हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा के मदद से आप कर रहे थे। एंड इसमें जो मेन रोल प्ले किया वो NaCl और कुछ हद तक यूरिया भी इसमें रोल प्ले करता है। और ऐसे करते करते हम क्या करते हैं, ऑस्मोलैरिटी इतना बढ़ा लेते हैं और इतना अच्छे से आपका कॉन्सेंट्रेट हो जाता है ब्लड की, हम कहते हैं कि आपका फिल्ट्रेट जो है इतने अच्छे से आपका हो जाता है कॉन्सेंट्रेट कि नियरली आप कह सकते हो कि नियरली फोर टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। इनिशियल जितना फिल्ट्रेट बन रहा था उसके कितना गुना आपने फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट कर दिया, 4 times आपने क्या कर दिया उसको कॉन्सेंट्रेट कर दिया। इज इट डन बच्चा लोग। तो ये आपको हो गया काउंटर करंट मैकेनिज्म, बोलो एकदम डिटेल से पूरा हो गया है। NCERT में देखो दिखा रखा है, बट NCERT में क्या रखा है कि वासा रेक्टा को और आपका लिंब जो बता रखा है वो अलग अलग दे दिया है। ऐसे आप इसको क्या करोगे उठा के यहाँ पे फिट कर देना तो आपको अलग अलग समझ में नहीं आएगा, तो साथ में रखोगे समझ में आ जाएगा। मतलब क्या है कि आप इसको यहाँ पे ऐसे फिट करके समझना, वासा रेक्टा को यहाँ फिट कर देना, यहीं पे रहता है वासा रेक्टा, और तब समझ में एरो अच्छा से आएगा कि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, ये तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एरो, ठीक है। ऐसे तो फिलहाल NCERT ने इजी करने के लिए ऐसे अलग अलग कर दिया है। अब यहाँ पे वैल्यू को देखो बच्चा, वैल्यू को देखना, यहाँ 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर ये ऊपर की तरफ पोर्शन में हो गया आउटर मेडुला में। इनर मेडुला में आप देखो 300 से 600 हो गया, फिर 900 हो गया, लगभग 1200 तक जा रहा है ना, फिर 1200 से यहाँ से घटना शुरू हुआ 1000, 800, 600, 400, ऐसे 300, बात समझ आ रही है। तो ये एक तरह से हमारा क्या होना चाहिए, मेडुलरी इंटरस्टिशियम का जो आपका ऑस्मोलैरिटी है वो आपको मेंटेन करना है। ये आपको मेंटेन करने का जो एश्योरिटी है वो कौन दे रहा है, आपका हेनलेज लूप और वासा रेक्टा, साथ में ये अपना काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू एश्योर करता है कि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे। अब आते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो इट विल बी डन बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग हाइपोथैलेमस जेजी सेल्स हार्ट, हाइपोथैलेमस JGSL जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस एंड हार्ट। सो चेंज इन द ब्लड वॉल्यूम या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम आयनिक कॉन्सेंट्रेशन एक्टिवेट्स द ऑस्मोरेसेप्टर्स। पहला हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी पीछे रेनिन वाला, अभी और डिस्कस करेंगे उसके बारे में, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग स्टार्ट करेंगे ADH से, वैसोप्रेशन का। क्या होता है कि जैसे हमारा बॉडी फ्लूइड लेवल डिक्रीज करना शुरू होता है तो हमारा ऑस्मोरिसेप्टर जो होता है दैट स्टिमुलेट्स द हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस क्या करेगा फिर रिलीज करेगा आपको ADH। ADH कौन सा पार्ट में होता है भाई, पिट्यूटरी के कौन से पार्ट से वो रिलीज आउट होता है बताओ, पोस्टेरियर पिट्यूटरी से, है कि नहीं। बनता आपको कहाँ है, हाइपोथैलेमस में बनता, कहाँ है हाइपोथैलेमस में, बात समझ में आ गया। तो ये आपका रिलीज किया ADH, ADH प्रिवेंट द डायूरेसिस मतलब लॉस ऑफ वाटर को क्या करेगा ये प्रिवेंट करेगा। भाई पानी का लेवल जैसे ही हमारा शरीर में घटना शुरू होता है ADH अपना लेवल बढ़ाना शुरू होता है, और ADH का लेवल अगर बढ़ेगा तो हमें क्या होगा लॉस, वो पानी का रोक देता है, लॉस ऑफ वाटर क्या कर देता है वो रोक देता है, दैट फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम DCT। याद करो DCT में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन जब बोला था तो बताए थे कि ADH के रेस्पॉन्स में ये काम करेगा। एन इंक्रीज जैसे ही होगा ब्लड वॉल्यूम में विल स्विच ऑफ दैट रिसेप्टर्स ऑस्मोरिसेप्टर्स एंड सप्रेसेस द ADH रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक मैकेनिज्म। यहाँ फीडबैक टाइप ऑफ मैकेनिज्म देखने मिल रहा है आपको, जैसे ही फ्लूड आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है ADH सिक्रीट होना बंद हो जाता है, अनबंद हो जाता है, फिर आपका सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो ADH कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल रिजल्टिंग इन इंक्रीज ऑफ द BP। क्या है ये वासोकंस्ट्रिक्टर, वासोकंस्ट्रिक्टर है ये। ADH क्या कर रहा है बालक, ADH आपका जो ब्लड वेसल है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है तो बीपी क्या हो रहा है बढ़ा रहा है। बीपी जैसे बढ़ा रहा है तो दिस इंक्रीज दैट ऑफ GFR, ये BP बढ़ रहा है इसका मतलब GFR भी बढ़ रहा है, बात समझ में आ गया।
बोलो समझ में आ रहा है सब कुछ? एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखो, ध्यान दो यहां पे। कॉफी, टी, अल्कोहलिक बेवरेजेज आर फैमिलियर डायूरेटिक्स, मतलब ये यूरिन वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, आपने देखा होगा है ना, ये यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। कॉफी, टी, एल्कोहल्स भी, एंड कैफीन इन दिस कॉफी और टी वर्क्स एज प्रमोटिंग वासोडायलेशन। वासोडायलेशन है तो वासोडायलेशन एक नेफ्रॉन में कर दिया जाए तो जिससे क्या हो जाएगा, दैट विल इंक्रीजेज द GFR, दैट विल इंक्रीजेज द GFR, एंड दिस अल्कोहल विल ऑल्सो इंक्रीज द GFR बाय इनिबिटिंग दैट ऑफ ADH। ADH को ये इनिबिट करता है, और जैसे ADH को इनिबिट करेगा तो वहाँ वाटर का क्या होगा, कंजर्वेशन नहीं हो पाएगा, लेस वाटर विल बी रिकवर्ड, ठीक है, लेस वाटर रिकवर होगा तो हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपका यूरिन वहां वॉल्यूम में सिक्रिट होगा, ठीक है, एक्सक्रीट आउट होगा। चीजें समझ में आ रही है? और अच्छे से देखो, यहाँ पे आपको मैं रास सिस्टम यहाँ समझाने जा रहा हूँ, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम आपको यहाँ पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रास सिस्टम मतलब हो गया रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देयर इज ए स्पेसिफिक सेंसिटिव रीजन कॉल JG सेल्स या JGA यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ये बता चुके हैं पूरा डिटेल्स आपको है ना, मैक्यूलर डेंस और JG सेल्स के बारे में। दैट इज फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशंस ऑफ DCT एंड एफरेंट आर्ट्रियोल, ये तो ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल की वजह से JG सेल और DCT की वजह से मैक्यूलर डेंस। ये आपको क्या करता है, JG एपरेटस विल रेगुलेट द GFR, कैसे रेगुलेट करेगा इस फ्लो चार्ट में बहुत अच्छे से समझाया गया, ध्यान दो। JGA यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस एंड रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, अगर जैसे ही फॉल हुआ आपका, मान लो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या GFR में फॉल जैसे ही दिखेगा, तुरंत JG सेल एक्टिवेट होगा, रेनिन सिक्रेट करने लग जाएगा, और क्या करेगा, रेनिन का क्या काम है, रेनिन विल जस्ट एक्टिवेट एंजियोटेंसिन, जो ब्लड में हमारा प्रेजेंट है एंजियोटेंसिन जेन के फॉर्म में, इनएक्टिव के फॉर्म में, उसे एक्टिवेट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में, और ये एंजियोटेंसिन 1 फिर बदल जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में, जो कि एक पावरफुल वासोकंस्ट्रिक्टर है, एक पावरफुल वासोकंस्ट्रिक्टर है, तो जिससे क्या होगा, GFR जो ब्लड प्रेशर आपका घटा था वो इंक्रीज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एंड दिस विल एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑल्सो साइमल्टेनियसली। एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 विल एक्टिवेट एड्रिनल कॉर्टेक्स और वहां से रिलीज करवाएगा एल्डोस्टेरोन को, एल्डोस्टेरोन को वहां से रिलीज आउट करवाएगा, और ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, आपका रीअब्जॉर्प्शन क्या करेगा, सोडियम का करेगा, वाटर का करेगा, DCT से, DCT से ये आपको क्या करने लग जाएगा, सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब करने लगेगा, जिससे कि आप देखें अभी जस्ट पीछे भी आपको क्या हो रहा था, रीअब्जॉर्प्शन जैसे ही हो रहा था DCT से तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, GFR बढ़ रहा था, तो यहाँ पे जैसे ही ये फॉल हुआ था आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो गया, तो ये पूरा मैकेनिज्म क्या हो रहा है, एक तरह से काउंटर पार्ट एक तरह का, ठीक है, क्या कर रहा है, एक दूसरे को काउंटर पार्ट कर रहा है। अगर जैसे ही फॉल हुआ GFR, जैसे ही फॉल हुआ ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ये अपना भाई JG सेल्स एकदम जाग जाएगा, रेनिन को सिक्रेट करेगा, रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में, फिर एंजियोटेंसिन 1 विल गेट कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 2 एंड दैट विल एक्टिवेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज दैट ऑफ एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन विल बी कॉजिंग दैट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर फ्रॉम DCT एंड दिस विल साइमल्टेनियसली लीड्स टू दैट इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर एंड GFR। आर यू क्लियर गाइज? इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से आप फ्लो चार्ट से अच्छे से समझ सकते हो। अब आ जाते हैं रेगुलेशन ऑफ, रेगुलेशन बाय ANF, ठीक है, आर्ट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, आर्ट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, यहाँ पे आपका जो है रिसेप्टर ANF विल चेक ऑन रेनिन सिस्टम, जो अभी पीछे आपने पढ़ा रेनिन सिस्टम को चेक करेगा, मतलब रेनिन सिस्टम जिस तरह से काम कर रहा था उसका जस्ट अपोजिट। रेनिन सिस्टम कब एक्टिवेट हुआ था, जब GFR गिरा था, और ये ANF कब एक्टिवेट होगा, जब ये GFR बढ़ जाएगा, तो दैट इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द आर्ट्रिया ऑफ द हार्ट कॉजेज द रिलीज ऑफ ANF। जैसे ही आर्ट्रिया में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ANF आपका जो है वो वहां से रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है, ये वासोडायलेशन क्रिएट करता है, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, घटेगा, आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा, घटेगा। रास सिस्टम क्या कर रहा था, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा था, ANF सिस्टम क्या करता है, ब्लड प्रेशर घटा देता है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ यूरिन, आगे देखो, एनालिसिस ऑफ यूरिन इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, बिल्कुल सही है भाई, हम लोग यूरिन का जांच करते हैं, देखते होंगे आप, देयर इज यूरिन टेस्ट ऑलवेज डॉक्टर प्रिस्क्राइब दैट, एंड फॉर द पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज यू कैन जस्ट डायग्नोज दोज डिजीजेज फ्रॉम द यूरिन एनालिसिस।
लाइक ग्लाइकोस्यूरिया का मतलब क्या होता है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। कीटोन यूरिया का मतलब क्या हो गया, कीटोन बॉडीज का होना यूरिन में। और ये क्या दर्शाता है, ये टिपिकल बीमारी को दर्शाता है, डायबिटीज मेलाइटस को दर्शाता है। दिस इज द एक्चुअली इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। अब हमारा मिक्चुरेशन प्रोसेस पर समझेंगे बात। यूरिन हमारा बन गया, यूरिन आप कब कहोगे, यूरिन कहाँ से आपको बनना शुरू, लास्ट जो आपका बन रहा है कलेक्टिंग डक्ट से जो पर्टिकुलर आपका बाहर हुआ उसको आप यूरिन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, यूरिन। एंड यूरिन फॉर्म्स गेट स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर जब आपका खुलेगा कि नहीं खुलेगा वो डिपेंड करता है उसके स्फिंक्टर पे। स्फिंक्टर यहाँ दो होते हैं, कितने स्फिंक्टर होते हैं, दो स्फिंक्टर होते हैं, एक आपका हो गया इंटरनल स्फिंक्टर, एक हो गया एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर आपका जो होता है वो आपका इनवॉलेंट्री होता है, हमारे वो कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन एक्सटर्नल जो होता है ना बाहर का स्फिंक्टर वो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है। तो दो स्फिंक्टर होंगे, दो स्फिंक्टर होंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, जैसे यूरिनरी ब्लैडर आपका जो है फिल हुआ, टिल अ वॉलेंट्री सिग्नल इज गिवन बाय द सीएनएस, सीएनएस के द्वारा वॉलेंट्री सिग्नल जाता है कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर। और ब्लैडर स्मूथ मसल का ब्लैडर जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, जिससे क्या होगा, रिलीज होगा यूरिन का, क्या होगा, रिलीज ऑफ यूरिन। भाई आपका जो स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर है दैट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड स्फिंक्टर हो जाएगा रिलैक्स, स्फिंक्टर जैसे रिलैक्स हुआ आपका यूरिन आराम से बाहर आ जाएगा। सो ये सिग्नल जा रहा है दैट इज बाय दैट सीएनएस, बाय दैट सीएनएस। समझ में आ गया, क्लियर है, चीजें एकदम क्लियर जा रही है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, डन है। अब ये देखो, ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कॉजेज इट्स स्ट्रेचिंग, जैसे जैसे यूरिनरी ब्लैडर भरेगा स्ट्रेच होगा, एज दैट ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन इट्स वॉल, उसके वॉल पे स्ट्रेच रिसेप्टर से वो इम्पल्स भेजेगा सीएनएस को, और सीएनएस विल पास ऑन द मोटर मैसेजेस, मोटर मैसेजेस दैट विल बी पास टू दैट ऑफ सीएनएस एंड इट कॉज दैट ऑफ स्मूथ मसल, क्या करेगा वहां कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लैडर का, एंड रिलैक्सेशन होगा किसका, स्फिंक्टर का, स्फिंक्टर क्या होगा, रिलैक्सेशन, जिससे क्या होगा, मिक्चुरेशन, और इसी को हम लोग रिलीज ऑफ यूरिन कहते हैं। मिक्चुरेशन एक्चुअली क्या है, रिलीज ऑफ यूरिन है। सो द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग मिक्चुरेशन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, इसी को रिफ्लेक्स भी बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोल रहे हो। इज इट क्लियर बच्चा लोग, बहुत ही ईजी है, कोई एकदम से रॉकेट साइंस है नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा, डन। अब यहाँ बात कर लेते हैं कुछ डाटा का, कि एट एक एडल्ट में एन एडल्ट कैन एक्सक्रीट आउट अबाउट 1.2-1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन, ठीक है। यूरिया कितना होता है उसमें, तो लगभग 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे हमारा जो है बॉडी एक्सक्रीट करता है। यूरिन का अगर हम कलर देखें तो लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड, स्लाइटली एसिडिक होता है, पीएच 6 होता है एंड कलर, और साथ साथ उसमें क्या होता है, ऑर्डर भी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर भी होता है, ठीक है, जिससे कि आपका अलग अलग कंडीशंस में आपको यूरिन का कलर भी चेंज हो जाता है। आप देखते हैं जॉन्डिस वगैरह में भी आप देखेंगे इक्टेरस टाइप ऑफ कलर, एंड ऑर्डर भी इवन आपको जो है चेंज होता रहता है। सो इट कैन बी डिपेंडिंग ऑन दी कैरेक्टर, इट कैन बी कंडीशनल एक्चुअली, ठीक है, ये कंडीशनल है। एनालिसिस ऑफ यूरिन विल हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड फंक्शनिंग ऑफ किडनी, ये हमने पढ़ लिया, ग्लाइकोस्यूरिया एंड कीटोन यूरिया, डायबिटीज मेलाइटिस बता चुके हैं आप। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स, कुछ और भी ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशंस में एक्चुअली प्ले रोल कर, रोल प्ले कर रहे हैं ना, दैट इज लंग्स। लंग्स क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है CO2, लगभग 18 लीटर पर डे CO2 रिलीज कर रहा है, इवन मॉइस्चर के फॉर्म में वाटर भी। लीवर, लीवर विल एक्सक्रीट बाइल कंटेनिंग डाइट ऑफ बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन, ड्रग्स, मोस्ट ऑफ देम पास थ्रू दैट ऑफ डाइजेस्टिव वेस्ट। स्किन भी आपका यहाँ पे एक्सक्रीशन में रोल प्ले कर रहा है। स्वेट, यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड जो प्रेजेंट है, दैट स्वेट कंटेन वाटर ऑल्सो, NaCl इन स्मॉल अमाउंट, यूरिया, लैक्टिक एसिड। प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट क्या है, दैट इज कूलिंग इफेक्ट। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है स्वेट का, जो इवापोरेट हुआ जिस सरफेस से वहां का हीट वो ले लेता है तो वो कूलिंग इफेक्ट देता है। सेबेसियस ग्लैंड विल एलिमिनेट सब्सटेंसेस लाइक स्टेरॉइल, हाइड्रोकार्बन, वैक्सेस, ये आपको सेबेसियस ग्लैंड का। सीबम विल प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन, है ना। सलाइवा ऑल्सो एलिमिनेट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो ये अदर ऑर्गन्स का आपको मैंने बताया कि कुछ और भी ऑर्गन्स होते हैं किडनी के अलावा, ठीक है, जो कि आपको एक्सक्रीशन में रोल प्ले करेगा। कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर ले हम लोग। सो डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम लाइक यूरेमिया, देखो ध्यान देना, यूरेमिया मतलब क्या हो गया, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, ठीक है, बात समझ में आ गई। यूरेमिया
जिससे इसका मतलब क्या है कि अगर यूरिया आपको ब्लड में आने लग गया तो इट इज एक्चुअली इंडिकेटिव ऑफ किडनी फेलुअर, इट इज इंडिकेटिव ऑफ किडनी फेलुअर। एक और डिजीज है रीनल कैलकुली, रीनल कैलकुली का मतलब हो गया कि इनसॉल्युबल मास बन जाना, ऑक्सलेट्स वगैरह का इनसॉल्युबल मास बन जाएगा, स्टोन फॉर्मेशन आप इसको बोलते होंगे, आप बहुत सुने होंगे स्टोन, किडनी स्टोन, तो ये आपका जो है किडनी के अंदर बन जाएगा, डेट इज बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ मास जो कि इनसॉल्युबल होता है, तो उसको आप रीनल कैलकुली कहते हैं। ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, जब भी ये आइटिस वर्ड आएगा इसका मतलब इन्फ्लामेशन होता है, तो आइटिस यानी ग्लोमेरुलाई का इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई। हीमोडायलिसिस अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, हीमोडायलिसिस क्या होता है, जिस पेशेंट में आपका किडनी एक्चुअली फेल हो जाता है उसमें हम यूरिया को बाहर कर रहे होते हैं बाय द मशीन, है ना, सपोर्ट करते हैं उनको मशीन के साथ, दैट इन पेशेंट विद यूरेमिया यूरिया इज रिमूव्ड बाय हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस को हम डिटेल में अगर हम बात करें तो काफी फिर अंदर घुसना पड़ेगा, दैट इज द डिफरेंट थिंग। अगर हम यहाँ पे इसको चीजों को समझिए, एनसीईआरटी में आपका इतना डिटेल नहीं दिया हुआ, काफी जगह हीमोडायलिसिस को बहुत कंटेंट लिख दिया जाता है बट इट इज नॉट इन मच डिटेल, राइट। तो हीमोडायलिसिस क्या है बच्चा, बस इतना जान लो कि आपको जो है यूरिया रिमूव करना होगा अगर किसी पेशेंट में पर्टिकुलरली किडनी फेलियर हो जाए, तो उस कंडीशन में हम हीमोडायलिसिस करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अल्टीमेट मेथड, अगर हम एक्यूट रीनल फेलियर हो गया है तो हम किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो हम फंक्शनिंग किडनी लेते हैं डोनर से एंड इट विल ट्रांसप्लांट कि अगर, लेकिन होना क्या चाहिए, मैचिंग होना जरूरी है। इट इज बेटर टू रिसीव किडनी फ्रॉम द क्लोज रिलेटिव टू मिनिमाइज द चांस ऑफ रिजेक्शन, जिसको आप बोलते हो रिजेक्शन हो जाएगा अगर हम दूसरे मिसमैच टाइप ऑफ ऑर्गेन अगर दे दें, तो याद रखना वो आपको क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे इस चीजों को हमें ध्यान देना होगा, मिनिमाइज करना होगा चांस को, अगर किडनी का फेलियर चांस आता है तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के समय ये ध्यान देना जरूरी है कि मैचिंग कराना बहुत जरूरी होता है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ डिटेल डिस्कशन, वो सब तो हम करते रहेंगे, दैट विल बी इन द डिटेल सेक्शन। तो अभी हम यहाँ एनुरिया के बारे में बात करें, एनुरिया मतलब कंप्लीट एब्सेंस ऑफ यूरिन, जो कि प्रोडक्शन ऑफ 50 ml और उससे भी कम अगर यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उसे कहेंगे एनुरिया के अंदर, एनुरिया के अंदर उसको डाल देंगे। बात समझ में आ गई, ये क्या आ गया, बोमेंस कैप्सूल यहाँ पर क्यों डाल दिया भाई, ये गलत है, इसको आप हटाओ, ठीक है। ये डायूरेटिक पे आ जाओ, ये आपको ये रेलिवेंट टॉपिक है, यहाँ पे कहाँ से आगे जाएगा। डायूरेटिक, डायूरेटिक मतलब कंपाउंड डैट इंक्रीजेज यूरिन आउटपुट लीडिंग टू दैट डिक्रीज्ड वाटर कंजप्शन। डायूरेटिक जैसे कॉफी अल्कोहल वगैरह एग्जांपल दिया था आपका मैंने, ठीक है। ग्लाइकोशूरिया, ग्लाइकोशूरिया मतलब क्या हो गया, यूरिन में आपको आ जाएगा ग्लूकोज, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ठीक है, जो क्या रिलेटिवली आपको दिखाएगा, दैट विल बी इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ये भी आपको यहाँ पे ऐसा कोई भी काम इसका नहीं है, लूपा फैमिली, ये भी गलत है, ऐसा इसका रोल नहीं है, सब पढ़ चुके हो आप पीछे, है ना। यूरोक्रोम क्या होता है, दैट इज द हीम का आपको डिराइव्ड ये प्रोटीन है जो क्या करेगा, येलो कलर ऑफ दैट यूरिन देता है। जब आरबीसी डिस्ट्रक्शन मैंने पूरा प्रोसेस समझाया था तो वहां बताया था आपको कि हीम का ऐसा कुछ पिगमेंट होता है जो कि यूरोक्रोम कहलाएगा, दैट विल गिव्स द येलो कलर टू दैट ऑफ यूरिन। रीनल कॉलम, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कॉर्पस सेल्स, ये सब बता दिया है आपको। इनकॉन्टिनेंसी मतलब लॉस ऑफ एबिलिटी टू कंट्रोल मिक्चुरेशन, मतलब समझ रहे हो ना, आपके कंट्रोल में ही नहीं है ऐसा, तो बच्चों में ही ज्यादातर देखा जाता है इनकॉन्टिनेंसी, ठीक है, इनकॉन्टिनेंसी हो गया ये। तो गाइज हमारा यहाँ तक एक्सक्रीशन चैप्टर रहा, एक्सक्रीशन कैसा लगा आपको जल्दी से कमेंट में बताइए। जो जो मेजर टॉपिक्स थे उसमें मैंने खूब सारा टाइम दिया है आपको समझाने की कोशिश, पूरा रहा मेरा, एंड होप गाइज आपको पूरा चीजें सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। कैसा लगा सेशन को जरूर एक बार फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिख करके, ठीक है। और आपको यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन में मैंने काफ़ी जोर दिया है, यूरिन फॉर्मेशन समझाया है, ठीक है। काउंटर करंट मैकेनिज्म को कोशिश किया है बहुत अच्छे से समझाने का, यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी अब, ठीक है, अब कोई डाउट नहीं रहा होगा मन में, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम का जो एप्लीकेशन है वहाँ पर जा करके हमारे चैनल से जुड़ जाना है, वहाँ पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। मार्क्सअप लर्निंग ऐप के साथ आप जुड़ जाइए, ठीक है, वहाँ पे टेलीग्राम में। प्ले स्टोर से आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, आप इंस्टाग्राम में मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है susheel_kumarmishra, आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मैसेज करना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, बहुत ही मजा आया। अगले सेशन में हम लोग लेंगे लोकोमोशन के बारे में, लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में, सो इसको कंटिन्यू करेंगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। चलिए।
सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू दिस सेशन कम्प्लीट बायोलॉजी इन 10 डेज। तो आज हम लोग उस सेगमेंट में बात करेंगे चैप्टर नंबर 20, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट पर हम लोग बात करेंगे, उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रहे, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड नोट्स। मार्क्सअप लर्निंग ऐप करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस पर जरूर ज्वाइन हो जाइए फॉर ऑल द रेगुलर अपडेट्स एंड नोट्स बच्चा, ठीक है। अब एक बात और मैं आपको यहाँ बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, फ्लो ऑफ चैप्टर क्या रहेगा हमारा। तो मेनली अगर इस चैप्टर पे हम देखें तो फोकस हमारा मसल पे रहेगा और बोन पे रहेगा और ज्वाइंट्स पे। तो मसल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बोन पे हम लोग डिस्कशन लेंगे और उसके बाद ज्वाइंट पे हम लोग डिस्कशन लेंगे। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल रहेगा, ये पूरा टॉपिक हमारा ओवरऑल रहेगा। कुछ डिसऑर्डर्स वगैरह हैं तो वो सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। एक बात बता दें, हम लोग कवर कहाँ से करेंगे, हम लोग कवर करेंगे एकदम ही प्रिसाइज नोट्स है, बहुत ही बढ़िया नोट्स है, वहाँ से हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का ही पूरा एकदम जिस्ट हम लोग यहाँ पर लेंगे, ठीक है। कुछ भी एडिशनल चीज़ों को हम लोग, बकवास चीज़ों को यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। चलो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डील कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मूवमेंट क्या होता है ह्यूमन बॉडी में। देर इज मेनी टाइप्स, राइट, बहुत सारे टाइप्स हैं। प्राइमरीली आपको यहाँ पे जो एनसीईआरटी में गिवन है वो हो गया अमीबॉइड, सिलियरी, मस्क्यूलर, ठीक है। तो ये आपका मेनली तीन तरह से आप देख सकते हो। आपका ये अमीबॉइड मूवमेंट क्या होता है, जैसे कि अमीबा में, नाम से सुन रहा अमीबॉइड मतलब अमीबा की तरह, अमीबा में स्यूडोपोडिया था, याद होगा अमीबा में क्या था, स्यूडोपोडिया था कि नहीं था। इसी स्यूडोपोडिया के जैसा ही मूवमेंट अगर शो करने वाला हो बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, कोई सेल अगर मूव करे तो हम उसे बोलेंगे अमीबॉइड मूवमेंट टाइप ऑफ, है ना। तो यहाँ पे आप मैक्रोफेज का एग्जांपल देखो, मैक्रोफेज हो गया, ल्यूकोसाइट्स हो गए, साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स हो गए, तो इन सब में आपको अमीबॉइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टाइप इज सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट में बाय द हेल्प ऑफ सिलिया, सिलिया के मदद से करेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। यहाँ पे देखो, सिलियरी मूवमेंट ऑफ ट्रेकिया विल हेल्प टू रिमूव दैट ऑफ डस्ट पार्टिकल, यानी जो डस्ट पार्टिकल अगर हमारा जो है हवा के साथ चला जा रहा होता है तो उसे रिमूव आउट करने में सिलियरी मूवमेंट हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, सिलियरी मूवमेंट हो रहा होता है। बाय द हेल्प ऑफ मसल्स वी कॉल इट एज मस्कुलर मूवमेंट, जो काफी प्रोमिनेंट है ना, यूजुअल आप देखते हैं तो मसल्स का मूवमेंट हम लोग कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ लिम्स हो गया। देर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स, आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। मस्कुलर मूवमेंट तो बहुत ही कॉमन है कि नहीं। तो ये आपके टाइप्स ऑफ मूवमेंट हो गए एनसीईआरटी में जो लिखा। चलो बच्चा, लो अब आते हैं हम लोग ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो मसल है वो मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। हमारा मसल कैसा होता है, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। टिश्यूज पढ़ाते समय आपको बताए थे, है ना, कि सब आपका जो मसल्स होता है मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज में होती है, मतलब ये खिंच सकता है, ये क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, ठीक है, इलास्टिक नेचर का ये होता है, एक्साइटेबिलिटी भी इसके अंदर होती है, ठीक है बच्चा। मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर विदाउट कॉन्शियस थॉट, ठीक है, एंड इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल। हमारे सोच, जो सोचने की क्षमता है वहां तक हमारा जो कंट्रोल है वो कंट्रोल किसी किसी मूवमेंट पे नहीं भी होता है। जैसे आप इनवॉलेंट्री मूवमेंट देखते हो, जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट देखते हो, पेरिस्टलाइसिस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल देखते हो, तो वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, इट इज़ नॉट अंडर आवर विल। क्यों, क्योंकि अगर उसको हम कंट्रोल में रख लें या उसको अगर किसी तरह का स्टॉपिंग हो जाए कंडीशन, दैट विल बी वेरी मच हार्मफुल, मे लीड्स टू डेथ। तो ये चीज़ें हैं कि कुछ आपका मूवमेंट जो है हमारे कंट्रोल के बिना होता है, यानी विदाउट आवर कॉन्शियस थॉट होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, तो मसल इज ऑफ थ्री टाइप्स। हमारा जो मसल है कितने तरह का होता है, तीन टाइप का होता है। पहला हो गया स्ट्रिएटेड, जिसको आप वॉलेंट्री भी बोलते हो, दूसरा हो गया नॉन स्ट्रिएटेड, जिसको आप विसरल बोलते हो या स्मूथ मसल बोलते हो, तीसरा हो गया कार्डियक मसल, जिसको आप हार्ट मसल बोलते हो। अब यहाँ पे देखना कि ये आपको जो होता है इसमें डिफरेंस बिटवीन आपको पूरा डिस्कस करेंगे, जिससे कि फुल्ली आप जो है इसके बारे में समझ सकोगे। तो स्ट्रिएटेड मसल मतलब हो गया कि उसमें स्ट्रिएशन प्रेजेंट है, स्ट्रिएशन प्रेजेंट है, मार्किंग प्रेजेंट है, ठीक है, ये हो गया स्ट्रिएटेड मसल। नॉन स्ट्रिएटेड का मतलब यहाँ पे आपका स्ट्रिएशंस बिल्कुल क्या है, एब्सेंट है। कार्डियक मसल में आपको स्ट्रिएशन देखने मिलेगा। तो बच्चा स्ट्रिएशन के आधार पर अगर हम देखें तो कार्डियक में स्ट्रिएशन है, स्ट्रिएटेड में स्ट्रिएशन है, बस आपको स्मूथ में क्या है, स्ट्रिएशंस नहीं होता है। अब हम बात करें वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एंड आपको इसके बारे में, तो देखो यहाँ पे स्ट्रिएटेड मसल इज वॉलेंट्री, नॉन स्ट्रिएटेड अगेन यू नो दैट इट इज इनवॉलेंट्री, एंड कार्डियक अगेन आप क्या हो जाएगा, इनवॉलेंट्री हो जाएगा।
अटैचमेंट की बात करें तो कहाँ लोकेशन है उसकी बात करें तो अटैचमेंट इसका स्केलेटल मसल के साथ पाया जाता है, स्ट्रेटेड का मेनली आपको है ना, एंड नॉन स्ट्रेटेड का विसरल ऑर्गन्स में आप देखोगे, ये आपके हार्ट के वॉल में कार्डियक मसल हो गया, कार्डियक मसल हार्ट के वॉल में। अब आते हैं इसका ब्लड सप्लाई, तो रिच ब्लड सप्लाई, स्ट्रेटेड मसल हैव रिच ब्लड सप्लाई, नॉन स्ट्रेटेड मसल विल हैव पुअर ब्लड सप्लाई एंड कार्डियक मसल विल अगेन हैव रिच ब्लड सप्लाई, है ना। फैटिगनेस की बात करें मतलब क्या होगा, दैट विल बी प्रोलॉन्ग्स प्रोलॉन्ग एक्टिविटी, मतलब लंबे टाइम तक अगर आप वर्क कर रहे हो तो क्या वो मसल गेट फैटिग और नॉट, मसल विल बिकम फैटिग इन स्ट्रेटेड कंडीशन, स्ट्रेटेड का आपका जो मसल है उस कंडीशन में जो है मसल बहुत ही इजिली बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक आप इसके साथ वर्क नहीं कर सकते, इट विल बिकम फैटिग, है ना। एंड नॉन स्ट्रेटेड मसल में आप क्या हो जाएगा, नॉन फैटिग टाइप ऑफ बिहेवियर देखने मिलेगा, बिकॉज अगर ये रुक गया ये थक गया तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए नॉन फैटिग है ये। एंड कार्डियक मसल इज ऑल्सो नॉन फैटिग, मतलब इसे भी रुक नहीं सकते, इसके वर्क को भी हम यहाँ पे रोक नहीं सकते। स्ट्रेटेड मसल्स की अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ मल्टी न्यूक्लिएट प्रेजेंट होता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होता है, एंड नॉन स्ट्रेटेड में आपको यूनि न्यूक्लिएट होगा, यहाँ पे भी यूनि न्यूक्लिएट होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे कि मल्टी न्यूक्लिएट आपको कहाँ मिलेगा, स्ट्रेटेड में मिल जाएगा, स्ट्रेटेड वॉलेंट्री मसल्स में। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो प्रेजेंस इज मोर हेयर, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है इन स्ट्रेटेड मसल, नॉन स्ट्रेटेड में कम होगा, एंड आपको अगेन कार्डियक में भी ज़्यादा होगा। तो कुछ क्वेश्चंस इसमें से पूछ लिए जाते हैं, लाइक आपको बोल दिया जाएगा कि मल्टी न्यूक्लिएट टाइप ऑफ मसल, और ऑप्शन दे दिया जाए आपको, ऑप्शन ऐसे दे दिया जाए स्केलेटल मसल, ठीक है, स्मूथ मसल, एंड ऑप्शन सी कार्डियक मसल, या ऑप्शन डी आपको बोल दिया जाए नन ऑफ दी अबव। तो बच्चा आपको ये थोड़ा ध्यान देना होगा ये चीज़, इसलिए आपको मैंने याद करवा दिया अभी, मल्टी न्यूक्लियर टाइप ऑफ मसल जो होता है वो आपको स्केलेटल मसल होता है, ठीक है, जिसको आप वॉलेंट्री बोलो स्ट्रिएटेड बोलो, राइट बच्चा लोग। तो ये आपको तीनों तरह से मैंने आपको डिफरेंस करा दिया तीनों तरह के मसल में। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिएटेड या स्केलेटल मसल, हमें यहाँ पे पढ़ना है इसके बारे में डिटेल से। तो स्केलेटल मसल इज जनरली मेड अप ऑफ मसल बंडल, जिसको आप फेसिकल्स बोलते हो, और ये आपको आपस में कनेक्टेड होते हैं विद दैट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स, जिसको आप फेशिया बोल रहे हो। तो फेसिकल्स आपको देखो, मसल्स में आपको क्या हो गया, मसल्स में मसल्स बंडल हो गए, मसल्स में क्या हो गए, मसल बंडल्स, बहुत सारे मसल बंडल से बने होते हैं, जिसको आपने क्या नाम दिया अभी, फेसिकल्स नाम दिया। एंड हर फेसिकल्स जो होता है वो आपको बाइंड होता है विद दैट ऑफ मसल फाइबर, देखो नीचे लिखा भी हुआ, ईच फेसिकल कंटेन्स नंबर ऑफ मसल फाइबर्स, यहाँ पे बहुत सारे मसल फाइबर्स भी होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको मसल फाइबर्स, तो मसल फाइबर्स आपका बहुत सारा होगा, राइट। एंड मसल फाइबर आर लाइंड बाई प्लाज्मा, और ये मसल फाइबर जो होता है ये आपको लाइंड होता है किससे, आप जानते हो सेल किससे लाइंड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे उसको, यहाँ पे हम लोग सार्कोलेमा बोलेंगे, दैट इज द सेम थिंग, सार्कोलेमा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है साइटोप्लाज्म के जगह क्या हो जाएगा, इट इज सार्कोप्लाज्म, यहाँ हम लोग सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। बस यहाँ पे टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना, और कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग यहाँ बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। तो वर्ड टू वर्ड सेम आपको क्या करना है, बस रिप्लेस कर देना है वर्ड सार्को से, ठीक है, सार्को से रिप्लेस कर देना। अब यहाँ पे हम लोग को जो है कुछ स्ट्रक्चर्स दिखा रखे हैं, दैट स्ट्रक्चर इज पर्टिकुलरली ऑफ सार्कोमियर, ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चा, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये आपको विजुअलाइज जो स्ट्रक्चर कराया जा रहा है यहाँ पे, ये सार्कोमियर का स्ट्रक्चर। सार्कोमियर क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मसल का, ठीक है, आपका ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन लेंगे अभी, डोंट वरी। अब आगे देखो, जो आपको यहाँ पर पीछे मसल फाइबर्स देखे थे, तो ईच मसल मायोफाइब्रिल एज अल्टरनेट डार्क, देखो अल्टरनेट डार्क और लाइट स्ट्रिएशन, अल्टरनेट लाइट और डार्क स्ट्रिएशन देखने मिलेगा, मतलब एक बार लाइट यहाँ पे देखो, एक बार लाइट बैंड एक बार डार्क बैंड आपको यहाँ देखने मिलेगा, दिन मिल रहा है, ये आपको क्या हो गया लाइट बैंड हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर क्या हो गया, ये डार्क बैंड हो गया। तो इस तरह से ही आपको कंसिक्वेंट आपको मिलता चला जाएगा, लाइट डार्क ऐसे, ठीक है, हर मायोफाइब्रिल का ये कहानी है, हर मायोफाइब्रिल की ये कहानी है, ठीक है। सो दिस इज ड्यू टू टू फाइबरस कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, दो प्रोटीन के वजह से हो रहा है, हमने क्या कहा आपको डार्क और लाइट मिलता चला जाएगा, ठीक है,
डार्क को आप ए बैंड बोलते हो, ए मतलब हो गया एन आइसोट्रॉपिक बैंड, ए का मतलब क्या हो गया एन आइसोट्रॉपिक बैंड। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा, सब कुछ एकदम से आपको याद हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाता है लाइट बैंड, लाइट बैंड को क्या बोलते हैं बालक आई बैंड। अब किसी को मान लो ये नहीं पता चलता, याद नहीं रहता मान लो, तो आपको क्या करना है सेकेंड लेटर को देखना है, सेकेंड लेटर ऑफ लाइट इज आई, तो इसलिए आप यहाँ पे आई बैंड बोल दो। यहाँ पे क्या है सेकेंड लेटर ए, तो ए को आप डार्क बैंड बोल सकते हो, ठीक है। ए बैंड इज ऑल्सो नोन एज डार्क बैंड। अब ये समझ आ गया, इतना हो गया। अब ये होता इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं, एक थिन एक्टिन फिलामेंट और थिक मायोसिन फिलामेंट। ये जो लाइट है उसमें आपको होता है थिन एक्टिन फिलामेंट, थिन एक्टिन फिलामेंट, और ये जो आपको डार्क बैंड है उसमें होता है आपको थिक मायोसिन फिलामेंट। ठीक है बालक, ये समझ आ गया। तो आई बैंड देखो लिखा हुआ है, आई बैंड कंटेन्स एक्टिन, ए बैंड्स कंटेन एक्टिन एंड मायोसिन दोनों, यानी ए बैंड में आपको एक्टिन मिलेगा मायोसिन दोनों मिलेगा, बट मेनली आपको क्या मिलेगा मायोसिन मिलेगा, वहां आपको एक्टिन ही मिल सकता है, हेयर इट कैन बी एक्टिन ऑल्सो। ठीक है, दे आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर, आपस में कैसे होते हैं अरेंज, पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, आई विल शो यू इन द फिगर, डोंट वरी। ए बैंड बियर्स लाइटर मिडिल रीजन कॉल एच बैंड। ए बैंड जो होता है ना, ए बैंड में एक रीजन होता है, जैसे ए बैंड तो आप क्या कह रहे हो, ए बैंड को आप डार्क बैंड बोल रहे हो, बट उस डार्क बैंड में भी एक पर्टिकुलर हल्का लाइट रीजन होता है जिसको आप एच बैंड बोलते हो, जिसमें आप क्या बोलते हो एच बैंड, फॉर्म्ड ओनली ऑफ मायोसिन। क्या होगा उसमें आप पर्टिकुलरली क्या देखोगे, मायोसिन ही देखते हो, सिर्फ मायोसिन। ए थिन डार्क लाइन जिसको हम लोग एम लाइन बोलेंगे, दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ एच जोन, इस एच जोन के सेंटर से आपको क्या जाएगा एक एम लाइन जाएगा, एम लाइन, वो सब कुछ आपको मैं यहाँ दिखाऊंगा, सो डोंट वरी, राइट। एक जेड लाइन होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेम्ब्रेन ऑफ क्राउजी, मेम्ब्रेन ऑफ क्राउजी, दिस इज अ डार्क लाइन प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ आई बैंड। जो आई बैंड होता है उसके सेंटर में, ठीक सेंटर में ये जेड लाइन होता है, राइट। एंड रीजन बिटवीन द टू जेड लाइन इज कॉल्ड एज सार्कोमियर, इसी सार्कोमियर को हम लोग बात कर रहे थे, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे डिटेल से। दिस इज एक्चुअली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, तो यहाँ से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन के आता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कौन सा है, तो पहले तो सार्कोमियर बोलेंगे, और सार्कोमियर के बारे में एक बार और क्वेश्चन कभी कभी आया हुआ है कि आपका इसको हम लोग डिफाइन किस रीजन से किस रीजन के बीच में करते हैं, तो सार्कोमियर इज डिफाइंड बिटवीन द टू सक्सेसिव जेड लाइन्स, दैट इज दैट ऑफ पर्टिकुलर रीजन, टू सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो रीजन है उसे हम सार्कोमियर बोलते हैं। तो चलिए एक फिगर से आपको हम क्लियर कट इसको समझा देते हैं, सब कुछ विजुअलाइज कर देते हैं, सो डोंट वरी, इस फिगर से आपको यहाँ पे अभी सब कुछ विजुअलाइज हो जाएगा, ठीक है। इस फिगर से आपको अभी सब कुछ विजुअलाइज हो जाएगा, ये मैंने बना दिया जेड लाइन, ठीक है, दिस इज जेड लाइन, ठीक है। अब जेड लाइन हो गया हमारा, अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं आई बैंड, क्या बनाएंगे बच्चा आई बैंड, आई बैंड जानते हो, जेड लाइन क्या करता है आई बैंड को इक्वली डिवाइड करता है, यही तो बोला गया था पीछे, ये हमने बना दिया आई बैंड। रेड कलर से मैंने जो बनाया वो क्या बनाया बच्चा आई बैंड, आप इसका दूसरा नाम बताओ लाइट बैंड हो गया है ना, और आप इसको क्या बोल सकते हो एक्टिन फिलामेंट का बना हुआ होता है ये। अब आ जाओ यहाँ पे हम लोग बनाते हैं ए बैंड, ये पर्टिकुलर रीजन जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है, ये पर्टिकुलर रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड ए बैंड, पूरा पर्टिकुलर रीजन क्या कहला रहा है ए बैंड कहला रहा है। अब सुनना ध्यान से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अभी सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये पर्टिकुलर रीजन आपका जो आपका सिर्फ और सिर्फ किससे बना हुआ है मायोसिन से, तो ये एच जोन हो गया, और एच जोन को जो बीच में आपको कट कर रहा होगा दैट इज कॉल्ड एम 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 लाइन, दैट इज कॉल्ड एम लाइन। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया सबकी, नहीं पूरा पिक्चर क्लियर होगा। तो इसमें आप देखो कुछ रीजन, अगर हम सार्कोमियर का फॉर्मूला यहाँ से आपसे हम पूछ दें, बताओ बच्चा कि सार्कोमियर में क्या क्या रीजन आता है, सार्कोमियर में ये पर्टिकुलर जो आप देख रहे हो रेड वाला, रेड का क्या रीजन है, रेड का हाफ आ रहा है ना, पूरा तो नहीं आ रहा, इट इज हाफ, सो हाफ बोलोगे आई बैंड आया, पूरा एक ए बैंड पूरा आ रहा है, पूरा ए बैंड आ रहा,
और इधर से भी एक आपको हाफ आ रहा है, हाफ आई बैंड, दोनों तरफ से हाफ आई बैंड प्लस एक पूरा ए बैंड, ये आपको कहलाता है सार्कोमियर यूनिट। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला भी थोड़ा सा दिमाग में रखना कि सार्कोमियर यूनिट आप किसको बोलते हो, इट इज हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड। इज इट क्लियर बच्चा लोग, बोलो समझ आया कि नहीं आया, डन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से हम लोग आगे आते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, मतलब हम लोग एक्टिन और मायोसिन के बारे में बात करेंगे कि उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा समझेंगे। ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टू फिलामेंटस एक्टिन, ठीक है, हर एक्टिन फिलामेंट, कितने फिलामेंटस एक्टिन जिसको एफ एक्टिन हम लोग बोलते हैं, उसका दो पर्टिकुलर एफ एक्टिन का बना होता है, विच फॉर्म डबल हेलिक्स, क्या बनाएगा ये, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाएगा। एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक, देखो एफ एक्टिन से बना हुआ आपको क्या है, एक्टिन किससे बना हुआ है, एक्टिन आपको बना हुआ है किससे, एफ एक्टिन से, और एफ एक्टिन खुद में पॉलीमर है किसका, ग्लोबुलर एक्टिन का, ग्लोबुलर एक्टिन का, ये चीज समझ में आनी चाहिए, कंफ्यूज नहीं करना। एक्टिन कंटेन्स टू अदर प्रोटीन्स लाइक ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ये दोनों आपको किसमें प्रेजेंट होता है, दो प्रोटीन है, एक्टिन का ये पार्ट है, किसका पार्ट है बच्चा, इट इज एक्टिन का पार्ट, राइट। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, व्हाट इज द यूनिट्स एंड व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट, बट हम लोग ऊपर से हम लोग समझेंगे बातों को, एकदम विजुअलाइज करेंगे विद दैट ऑफ एस्पेक्ट ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अलावा और भी कुछ चीजें अगर एक्स्ट्रा जानती है तो वी विल बी डीलिंग, बट ये कोशिश होगा कि एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स को कवर कर लें। तो एक्टिन आपका दो अदर प्रोटीन से बना हुआ है, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ये तो आपको पता है। नेक्स्ट इज की टू फिलामेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन का जो दो फिलामेंट है दैट रन्स अलोंग द ग्रुप्स ऑफ एफ एक्टिन डबल हेलिक्स, एफ एक्टिन का जो डबल हेलिक्स है उसके आपका ग्रुप्स के बीच में ये रन होता है, ग्रुप्स के बीच में ये रन होता है। एंड ट्रोपोनिन दैट इज हैविंग थ्री सब यूनिट्स इज सीन एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन ट्रोपोमायोसिन, तो ट्रोपोमायोसिन के ही ऊपर ये आपको रेगुलर इंटरवल्स में पाया जाएगा, और ये ट्रोपोनिन जो होता है ना, दिस ट्रोपोनिन हैज थ्री सब यूनिट्स, दिस इज हैविंग थ्री सब यूनिट्स इन द रेस्टिंग स्टेज, अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, एक सब यूनिट ट्रोपोनिन का होता है जिसमें आपका कैल्शियम वाला देखेंगे आप, तो वो क्या होगा कि वो मास्क करके रखता है, दैट इज विल मास्क द बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन, दैट विल मास्क द बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट, ऑन द एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर बाइंडिंग साइट होता है मायोसिन का, मायोसिन का बाइंडिंग साइट होता है, उसको ये मास्क करके रखता है, उसको ये क्या करता है, मास्क करके रखता है। तो मैं आपको पिक्चर से अभी समझा दूंगा, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, पिक्चर से आपको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। चलिए एक ब्लैक स्क्रीन हम लोग ले लेते हैं, फिर यहाँ पे आपको मैं डायग्राम से समझा देता हूँ, यहाँ पे आप चीज़ों को क्लियरली समझ पाओगे। अभी फिलहाल हम लोग बना रहे हैं एक्टिन फिलामेंट का फिगर, एक्टिन फिलामेंट का फिगर बना रहे हैं, ठीक है। देखो ये आपका जो पर्टिकुलर हम लोग स्ट्रक्चर ऐसे बना रहे हैं, ये एनसीईआरटी की डायग्राम है, एनसीईआरटी की डायग्राम है, डायग्राम अपनी उतनी अच्छी नहीं है भाई, तो थोड़ा आप क्या कर लेना, मैनेज कर लेना, कोशिश तो है बट इट विल बी नॉट मच अप्रोप्रिएट, उम्मीद करते हैं कि आपको बस विजुअलाइज करा पाऊंगा मैं। ये आपको हेलिक्स के फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, हेलिक्स के फॉर्म में ये आपको प्रेजेंट है, ठीक है, हेलिक्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट है, बोलो समझ आ गया। अब ये पर्टिकुलर जो मैंने दिखाया वो क्या दिखाया, ये एक्चुअली क्या है, ये एफ एक्टिन है, जो अभी हमने बोला ना एफ एक्टिन का बना होता है, और ये एफ एक्टिन का पर्टिकुलर ग्लोबुलर एक्टिन बोल सकते हो, ठीक है, रीजन आपको ग्लोबुलर एक्टिन का, इसके ऊपर में इसके ग्रुप्स के बीच में प्रेजेंट होगा, इसको हम लोग रेड कलर से दिखा देते हैं, इसके ग्रुप्स के बीच में प्रेजेंट होगा ट्रोपोमायोसिन, ऐसे मान लो ये ट्रोपोमायोसिन दिखा दें, ये जो रेड कलर से मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, ये आपको ट्रोपोमायोसिन हो गया, ये रेड कलर से जो दिखाया हूँ ये आपका ट्रोपोमायोसिन हो गया, ये आपको ट्रोपोमायोसिन हो गया, ठीक है, और इसके ऊपर पे, इसके ऊपर पे क्या होगा, ट्रोपोनिन होगा, इसके ऊपर में ट्रोपोनिन, यहाँ पे कहीं कहीं भी ये आपको यहाँ पे ट्रोपोनिन दिख रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रोपोनिन, ये आपको क्या हो गया, ट्रोपोनिन हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, बालक ट्रोपोनिन हो गया।
समझ आ गया, एक्टिन फिलामेंट क्लियर हो जाएगा, अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। ट्रोपोनिन हो गया, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर ही आपका क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर ही आपको मायोसिन का जो है बाइंडिंग साइट होता है। मायोसिन का क्या होता है, बाइंडिंग साइट होता है। सो ये मायोसिन का जो बाइंडिंग साइट है, दिस मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है, दिस मायोसिन बाइंडिंग साइट विल बी मास्क बाय ट्रोपोनिन। ये क्वेश्चन आ जाता है कि रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, अभी आगे आप लोग पढ़ोगे ना स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, तो वहां पे आपको ये चीजें समझ में और अच्छे से आ जाएगी कि रेस्टिंग स्टेट में, इन द रेस्टिंग स्टेट द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन जो मास्क करके रख रहा है द बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। इसके बारे में वहां एप्लीकेशन होगा अभी आने वाले टाइम में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, आगे बढ़ जाते हैं, मायोसिन के बारे में समझते हैं। तो देखो लिखा है कि ईच मायोसिन फिलामेंट बच्चा इज अ पॉलीमर ऑफ मेनी मोनोमेरिक प्रोटीन, ठीक है। हर मायोसिन फिलामेंट क्या होता है, बहुत सारे मोनोमेरिक टाइप ऑफ प्रोटीन का बना होता है, इसको आप बोलते हो मीरोमायोसिन। क्या बोलोगे इसको, मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन में देर आर जनरली टू पार्ट्स, दैट इज एक आपका हो गया हैवी मीरोमायोसिन जिसको हम लोग HMM बोलते हैं या क्रॉस आर्म बोलते हैं, दैट इज क्रॉस आर्म, और एक हो गया लाइट मीरोमायोसिन जिसको आप LMM बोलोगे, ठीक है, LMM बोलोगे। तो लाइट मीरोमायोसिन एंड हैवी मीरोमायोसिन, ये दो आपका पर्टिकुलर इसका रीजन होता है इसके सब यूनिट का। तो मीरोमायोसिन को अगर हम लोग यहाँ पिक्चर देखें तो NCERT का पिक्चर के हिसाब से अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें, सो इट विल बी NCERT का पिक्चर में देखो, एकदम सांप की तरह बनाया हुआ है भाई, एकदम जो है सांप की तरह बनाया हुआ है। यहाँ पे देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, क्या भाई बनने लग गया क्या मुझसे, हो गया। ये आप देख सकते हो, ये आपको हेड रीजन होता है, दिस इज हेड रीजन, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस आर्म, ये आपको आर्म हो गया, दिस इज क्रॉस आर्म, ठीक है बच्चा। मैं फिगर एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, एक बार विजुअलाइज आपको करा देता हूँ। ये आपको फिगर देखो, बी नंबर फिगर देखो NCERT का, एक बार देख लो फिगर, NCERT का खोल के भी देख लो, तो आपको वहां से और अच्छे से दिख पाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप एक्टिन बाइंडिंग साइट से देख सकते हो, दिस इज एक्टिन बाइंडिंग साइट, यही प्रेजेंट होता है उसके हेड पे, एक्टिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट, और पीछे जो हम लोग टेल रीजन है, इसको टेल रीजन को हम लोग बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन, और आपका जो ग्लोमेरुलर हेड है और शॉर्ट आर्म, हेड और शॉर्ट आर्म को हम लोग ले लें तो इसको हम लोग कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, हैवी मीरोमायोसिन, ठीक है। आगे का पोर्शन हैवी है, हैवी मीरोमायोसिन, और पीछे का पोर्शन लाइट वाला पोर्शन क्या है, लाइट मीरोमायोसिन। अब आते हैं कि ग्लोबुलर हेड में देखो लिखा हुआ है, द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव ATPase एंजाइम एंड हैज बाइंडिंग साइट फॉर ATP आल्सो, यहाँ पे आपको ATP बाइंडिंग साइट्स भी मिल जाएगा, ATP बाइंडिंग साइट्स भी यहाँ पे मिलता है, इसलिए आपको यहाँ लिखा हुआ है कि दैट इज आपका जो ग्लोबुलर हेड है उस पर आपको मिल जाएगा बाइंडिंग साइट्स फॉर ATP। अब आते हैं कि मायोसिन प्रोटीन इज मोर कॉन्ट्रेक्टाइल देन एक्टिन, दैट इज वेरी यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन का, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चा, लिखा हुआ है क्या कि मायोसिन प्रोटीन जो होता है वो ज्यादा कॉन्ट्रेक्टाइल होता है एज कम्पेयर टू एक्टिन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब आते हैं मसल कॉन्ट्रेक्शन कैसे होगा, वट विल बी द मैकेनिज्म बिहाइंड इट, लेट्स डील विद दिस, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलते हैं। चलो इसको आराम से समझना, बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ओवर मायोसिन, मतलब जैसे कि अभी आपने फिगर देखा था तो ये आपको एक्टिन रीजन था, ठीक है, और ये आपको क्या था, मायोसिन पोर्शन। अगर हम बोले एक्टिन जो होता है ना वो आपको स्लाइड करता है मायोसिन को, ठीक है, एक्टिन जो होता है वो स्लाइड करता है मायोसिन के ऊपर, ठीक है, मायोसिन आपको स्लाइड करने नहीं जा रहा है, एक्टिन विल स्लाइड, स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ओवर मायोसिन, कैसे कैसे होगा, दैट इज स्टेप वाइज यहाँ पे समझाया हुआ है। अभी आपको फिगर भी क्लियर था, ATPase का बाइंडिंग साइट कहाँ पे था ये बताऊँ, ATP का बाइंडिंग साइट आपको मायोसिन में था, ये चीज़ याद रखना बस, उससे ज़्यादा और कुछ भी यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ आप काम आएगा। देखो एन इम्पल्स फ्रॉम CNS रीच द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जैसे ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी मोटर इंड प्लेट पर पहुंचा, तो मोटर इंड प्लेट पर पहुंचने के बाद मसल के कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल आ गया,
ठीक है, तो मायोसिन हेड, यहाँ वन नंबर देखो, मायोसिन हेड स्प्लिट दी एटीपी एंड बिकम रीओरिएंटेड एंड एनर्जाइज्ड। जब तक एटीपी यहाँ बाइंड है, जब तक एटीपी यहाँ बाइंड है तब तक तो ठीक है, बट जैसे ही क्या होगा, एटीपी को तोड़ेगा, एटीपी टूटेगा और एटीपी टूट करके एडीपी प्लस फॉस्फेट बनेगा, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर मायोसिन जो आपका हेड है वो आपको वहां से हट जाएगा, वहां से क्या हो जाएगा हट जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना, मायोसिन हेड बाइंड्स टू एक्टिन फॉर्मिंग द क्रॉस ब्रिज, और ये फिर क्या हुआ, एक्टिन के साथ अपना क्रॉस ब्रिज बना लिया, तो उसमें क्या हो गया, एक आपने एटीपी का यूज कर लिया, क्रॉस ब्रिज बना लिया। अब उसके बाद क्या होता है कि मायोसिन हेड रोटेट्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर, है ना, अब सार्कोमियर का सेंटर को रोटेट कर देगा वो, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्शंस के हिसाब से, तो कॉन्ट्रैक्शन साइकिल ऐसे ही कंटिन्यू होता चला जाता है अगर आपको एटीपी प्रेजेंट है तो, एटीपी प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। एंड एज द मायोसिन हेड बाइंड्स द एटीपी, जब एटीपी के साथ ये बाइंड करेगा द क्रॉस ब्रिज विल डिटैच फ्रॉम एक्टिन, यानी अगर एटीपी के साथ बाइंड, देखो मायोसिन को अगर हम लोग एटीपी के साथ बाइंड करके रखें, एटीपी के साथ अगर बाइंड करके रखें तब वो एक्टिन को छोड़ देगा, तब वो क्या करेगा एक्टिन को क्या कर देगा डिटैच कर देगा, लेकिन अगर एटीपी टूट गया उसका, अगर एटीपी टूट गया तो उसको एक्टिन चाहिए, फिर एक्टिन के साथ क्रॉस ब्रिज बना लेता है, बात समझ में आ गई, इतना ही चीज है और कुछ नहीं है। तो जैसे ही क्रॉस ब्रिज बना, तो क्रॉस ब्रिज अगर मान लो ये बन गया, मान लेते हैं ये आपका मायोसिन है और ये आपको एक्टिन है, इसके बीच क्रॉस ब्रिज बन गया, तो फिर ये आपको स्लाइडिंग मूवमेंट शुरू हो जाएगा, ऐसे ये जा करके स्लाइडिंग मूवमेंट, बात समझ में आ रही है, इस तरह से स्लाइडिंग मूवमेंट देखने मिलता है, दैट इज मसल कॉन्ट्रैक्शंस का ये पूरा साइकिल के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में समझाने की कोशिश की जा रही है कि सीएनएस से आपका सिग्नल आया मोटर न्यूरॉन तक, मसल फाइबर आपका जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वहां न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आपको रिलीज हुआ एंड दैट विल बाइंड टू ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन पे बाइंड हुआ तो ट्रोपोनिन अपना जो है पोजिशन जो कि मास्क करके रखा था, वो मास्क एक्टिव साइट जो है वो आपको हट जाएगा, ठीक है, वो आपको एक्सपोज हो जाएगा रीजन, वो रीजन आपको क्या हो जाएगा एक्सपोज हो जाएगा, एंड एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन वेयर मायोसिन हेड्स गेट अटैच, और फिर ये जो आपको एक्टिन साइट पे मायोसिन का जो अटैचमेंट साइट था वो आपको कहाँ पे जो था वो एक्सपोज हो गया ट्रोपोनिन के हटने से, तो आराम से जा करके वहां पर मायोसिन क्या हो सकता है अटैच हो सकता है। क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रिज जो बनता है, क्रॉस ब्रिजिंग दैट विल अकर बाय द हेल्प ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, तो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा ही, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पुलिंग ऑफ द एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द ए बैंड, ए बैंड के सेंटर की तरफ ये पुल्ड होता है, पुल्ड होता है, एंड इनवर्ड पुलिंग ऑफ जेड लाइन, ये जेड लाइन अंदर की तरफ पुलिंग होता है, जिससे क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सार्कोमियर, ये जो सार्कोमियर मैंने आपको बनाया था इस सार्कोमियर का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन होगा कि नहीं, ये स्पेस अब उतना ही नहीं रह जाएगा बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, दिस बिटवीन दैट टू जेड लाइन विल गेट कॉन्ट्रैक्टेड। एंड रिलैक्सेशन की बात करें तो क्रॉस ब्रिज फिर ब्रेक डाउन होता है एक्टिन मायोसिन के बीच में, अब ब्रेक डाउन कब होगा जब एटीपी का आपको एटीपी से बाइंड कर जाएगा मायोसिन का हेड, है ना, कैल्शियम आयन विल पम्प्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर, नहीं ये जस्ट अपोजिट है जिसका, जैसे कॉन्ट्रैक्शन में जो प्रोसेस हुआ जस्ट अपोजिट है, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड आउट ऑफ द ए बैंड, ए बैंड से जो एक्टिन फिलामेंट ऊपर आया था वो स्लाइड बैक हो जाएगा, एंड दिस लेंथ ऑफ आई बैंड विल इंक्रीज, लेंथ क्या हो जाएगा आई बैंड का इंक्रीज हो जाएगा, आई बैंड आप क्या हो जाएगा लेंथ उसका इंक्रीज हो जाएगा, डन बच्चा, मसल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, ये कहानी है पूरा, समझ आ गया, कोई दिक्कत, चलो अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि लैक्टिक एसिड क्या करता है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट कर जाता है, आप पढ़े होंगे एनएरोबिक टाइप ऑफ, अगर हमारा रेस्पिरेशन चल रहा होता है तो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन हो जाता है, ये कब होता है जब हमारा काफ़ी तेज एक्सरसाइज हो रहा होता है, स्टर्नस एक्सरसाइज हो रहा होता है, इस कंडीशन में हमारे लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट कर जाते हैं, दिस कॉजेज मसल फैटिक, दिस कॉजेज मसल फैटिक, ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा चीज़ है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, दैट विल एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये आपको फंक्शन करता है स्टोर एंड स्टोरेज एंड रिलीज एरिया ऑफ, रिलीज एरिया फॉर कैल्शियम, दिस विल बी हेल्पफुल इन रिलीज एरिया फॉर कैल्शियम, कैल्शियम आयंस का यहाँ पे एक तरह से रिलीज एरिया कह सकते हो। ये स्प्रेन क्या होता है, यू नो स्प्रेन आप देखते होंगे प्लेयर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा दौड़ते भागते अचानक से उनके पैर में काफ़ी तेज सा है ना दर्द शुरू हो जाता है, दैट इज इंजरीज दैट इन्वर्स द स्ट्रेच्ड या टॉर्न लिगामेंट, आपका स्प्रेन्स जो होता है वो लिगामेंट से रिलेटेड है, दैट इज टुवर्ड्स द लिगामेंट। और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन आपका जो होता है वो आपको टेंडन से रिलेटेड है,
तो याद कैसे रखोगे, एस टी आपको एस टी टी आर है ना, एस टी में आप टेंडन बोल दो, एस पी आप जस्ट उसके अपोजिट, आप देखो टेंडन को याद रखो तो लिगामेंट को अपोजिट करके याद रख लो, स्प्रेन और स्ट्रेन में आपको अगर याद नहीं होता है तो स्प्रेन इज लिगामेंट, स्ट्रेन इज टेंडन, तो ये आपको इंजरी होगा अगर लिगामेंट में या लिगामेंट खिंच गया तो उस कंडीशन में स्प्रेन हो सकता है। स्ट्रेन कब होता है, जब टेंडन के अटैचमेंट में इंजरी हो, मसल के अटैचमेंट में इंजरी हो, उस कंडीशन में आप स्ट्रेन बोलते हो। अब आते हैं मसल फाइबर दो तरह से होते हैं, दैट इज रेड मसल फाइबर, व्हाइट मसल फाइबर। तो बच्चा रेड मसल फाइबर हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरोबिक मसल, एंड व्हाइट मसल फाइबर जो होता है वो आप लोग को कलर क्यों होता है रेड और व्हाइट वो समझना है। तो रेड आपको जनरली इस वजह से रेड है बिकॉज दिस इज देयर हाई अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन। जैसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मायोग्लोबिन अमाउंट ज़्यादा होगा इस कंडीशन में हमारा कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे व्हाइट कलर क्या होता है, व्हाइट कलर इसलिए होता है क्योंकि ये लेस अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन इसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें ज़्यादा होता है, इसमें कम माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यहाँ पे एरोबिक टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म जनरली आपको देखने मिलेगा रेड मसल में, ठीक है, और यहाँ पर आपको एनएरोबिक देखने मिल सकता है, एनएरोबिक टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है बच्चा। तो रेड मसल आपको क्या होता है, देयर इज स्लो एंड सस्टेंड कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी स्लो होते हैं, एंड हियर इट इज फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, तेज होता है, जल्दी होता है बट कुछ ही क्षण के लिए होता है, फॉर शॉर्ट टाइम। यहाँ पे आप सस्टेंड कॉन्ट्रैक्शन देखते हो, लंबे टाइम तक के लिए कॉन्ट्रैक्शन देखते हो रेड मसल। तो इन सब चीज़ों को एकदम से आपको पिक्चर क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग स्केलेटल मसल्स के बारे में चर्चा लेंगे, स्केलेटल सिस्टम के बारे में चर्चा लेंगे, ठीक है। मसल्स हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, अब थोड़ा हम लोग क्या करते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डील विद दैट स्केलेटल मसल। ओके, सो वी विल बी डिस्कसिंग हियर ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी ने समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारी जो 206 बोन है उनमें से हम इसको डिवाइड करते हैं विद दैट ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। चलिए इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से अभी। सो आप लोगों को ये चार्ट की तरह हम लोग विजुअलाइज कर देंगे, चार्ट के फॉर्म में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देयर इज अ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 206 बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस, देयर विल बी एक्सियल रीजन, अपेंडिकुलर रीजन, एक्सियल रीजन एंड अपेंडिकुलर रीजन। अब यहाँ पे देखो चार्ट में पूरा समझ में आ जाएगा। एक्सियल रीजन में हमारे पास टोटल 80 बोन्स है, कितने बोन्स है बच्चा, 80 बोन्स। स्कल में आपके पास है 29 बोन्स, इस 29 बोन्स में कौन कौन से बोन आ गए, 29 जो स्कल के बोन्स है ना उसमें कौन कौन से बोन आ गए, कौन कौन से बोन आ गए बच्चा, स्कल में आपका आ जाएगा एक तो आपको क्रैनियम, 8 हो गए क्रैनियम, 8 हो गए क्रैनियम, अच्छा ये चीज तो यहाँ पे आपको दर्ज ही है, ठीक है, तो क्रैनियम 8 हो गए, फेशियल हो गए 14, और आपको हायोर्ड बोन एक अलग सा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको किसी किसी में स्कल में भी रखा जाता है, किसी में नहीं भी रखा जाता है, बट यहाँ पे हम रिप्रेजेंट इसको स्कल के ही अंदर करेंगे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो हायोर्ड बोन आपका जो हो गया वो उसका सिंगल एक ही होता है, दैट इज हायोर्ड बोन हो गया, एंड उसके बाद ईयर ऑसिकल्स, ठीक है, यहाँ पे आपको 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, तो इट इज 3 × 2 दैट इज 6, मैलियस इनकेस एंड स्टेपस, ये आपको आपको जो है मिल जाएगा। तो ये आपको 6 और इधर हो गया 14, यानी कि हो गया 20, 28, 29, यस, तो स्कल बोन इज 29। मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की थी बट यहाँ पिक्चर एकदम क्लियर है भैया, लिखा हुआ है, फिर कोई डाउट ही नहीं है, तो फिर कोई डाउट ही नहीं है अपने आप में, है ना। अब आ जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम इज 26 वर्टिब्री, क्लियरली इसको हम लोग शायद डिटेल में भी आगे मिलेगा वर्टिब्रल कॉलम को, सो डोंट वरी, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ वहाँ मिल जाएगा आपको। स्टर्नम आपका हो गया एक सिंगल बोन हो गया, एंड आपका रिब्स जो हो गया वो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, ये हो गया इतना कंप्लीट। ये आपका हो गया एक्सियल, एक्सियल मतलब कि बीच का हिस्सा, ठीक है, जो पर्टिकुलर बीच का हिस्सा होता है, अपेंडिकुलर मतलब उसका उसके साइड वाला हिस्सा। अपेंडिकुलर में आपका हमारा 4 लिम्स आ जाएगा, 2 4 लिम्स हो गया, 30 प्लस 30 60 ऊपर हो गया, और नीचे 30 प्लस 30 हाइंड लिम्स में 60 हो गया, तो ऐसे 120 तो यहीं पे हो गया। और आपका फिर पेक्टोरल गर्डल्स 4 बोन का बना हुआ, और पेल्विक गर्डल्स आपके 2 बोन के बने हुए। पेक्टोरल गर्डल्स कितने बोन के बने हुए हैं, 4 बोन्स, एंड पेल्विक गर्डल आपके 2 बोन, ठीक है वहां पर, राइट। तो ये आपका ओवरव्यू, यहाँ पे 206 बोन का ओवरव्यू तो मिल ही गया आपको, है ना। यहाँ पे एक तो आपको एक्सियल में 80 बोन्स हो गए, अपेंडिकुलर में 126, तो 126 प्लस 80 दैट इज 206 का आपको बोन का पूरा एस्टिमेट यहाँ पे आपको मिल जा रहा है।
अब सवाल उठता है कि सर हमें क्या क्रैनियल बोन एंड फेशियल बोन्स के सारे नाम याद करने होंगे? नाम याद मत करो, बस एक चीज याद कर लो, क्रैनियल बोन्स में आपको पैराइटल और टेम्पोरल ये दोनों पेयर्ड होते हैं, इनके अलावा बाकी सब क्या है अनपेयर्ड है, देखो सिंगल है बाकी सब, तो पैराइटल एंड टेम्पोरल के अलावा बाकी सब क्या है अनपेयर्ड है। और फेशियल बोन्स में ये याद कर लो कि आपका मैंडिबल एंड वोमर के अलावा जितने हैं सब क्या है पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, ठीक है, बस इतनी सा ही आपको बात याद रखना, बाकी नाम वगैरह तो आपको पूरा याद करना ही पड़ेगा जब आप जाओगे एनाटॉमी पढ़ोगे फर्स्ट ईयर MBBS में, तो वहाँ पे आपको एकदम याद ही करना पड़ेगा, वहाँ पे और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा आपके सामने, ठीक है। तो ये सब कुछ अभी फिलहाल ध्यान देना कि पेयर्ड आपका जो है क्रैनियल बोन में केवल दो है, इट इज पेराइटल एंड टेम्पोरल, और फेशियल बोन में आपको क्या अनपेयर्ड कौन सा है, मैंडिबल एंड वोमर, बाकी सब क्या है पेयर्ड, बस इतना याद रखो और कुछ नहीं। अब आते हैं वर्टिब्रल कॉलम, जिसको आपको मैंने बोला था डिटेल से अभी समझाएंगे आपको। तो वर्टिब्रल कॉलम आपको होता है फॉर्म्ड ऑफ 26 वर्टिब्री, जिसमें कि आपको सर्वाइकल कॉलम जो सर्वाइकल वर्टिब्री है वो 7 हो गया, थोरैकिक हो गया 12 है ना, लंबर हो गया आपके 5, सैक्रल आपका जो है फ्यूज्ड होता है 5 बोन का, एंड कॉक्सिजियल जो होता है दैट इज अगेन फ्यूज्ड है ना, वो भी फ्यूज्ड होता है 4 बोन के अबाउट, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो ये आपको हो गया वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम जिसमें आपको फ्यूज्ड जो है वो 2 वर्टिब्री है, एक तो आपका सैक्रल हो गया और एक ऑक्सीजियल हो गया, ठीक है, लंबर आपके 5 हो गए नंबर में। स्कल आर्टिकुलेट्स विद द फर्स्ट वर्टिब्री, पूछा जाता है ये क्वेश्चन आता है फर्स्ट वर्टिब्री का नाम बताइए, तो क्या बोलिएगा आप, एटलस, एटलस जो होता है पहला वर्टिब्री है जिसके साथ स्कल जो है वो आर्टिकुलेट कर रहा है, एंड विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल, हम लोग डाइकोंडाइलिक होते हैं, मैमल्स आर डाइकोंडाइल, सो हियर इट इज 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं जिसके साथ ये स्कल जो हमारा आर्टिकुलेट कर रहा होता है, ठीक है। वर्टिब्री हैज अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन, क्यों होगा सेंट्रल हॉलो पोर्शन बच्चा, क्योंकि जिसके अंदर से आपको क्या जाना होगा, इसके अंदर से आपको स्पाइनल कॉर्ड्स पास आउट होंगे, इसके अंदर से क्या पास आउट होंगे, स्पाइनल कॉर्ड्स पास आउट होंगे, इसलिए वहां पर बीच में जो है आप स्पेस देखेंगे, बीच में क्या देखेंगे स्पेस, अगर मेरे पास अभी बोन्स होता तो मैं आपको जरूर दिखाता, क्योंकि देयर इज ऑल टाइप्स ऑफ बोन अवेलेबल टू मी राइट, मैं अभी फिलहाल आपको मैं अवेलेबल नहीं करा सकता, बट मैं कोशिश करूंगा एक डिटेल स्ट्रक्चर्स वाइज आपको समझा करके बोन दिखाते हुए क्लास लेने का, तो इट विल बी सून, आई विल बी डूइंग इट सून, बट अभी फिलहाल मेरे पास बोन अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको जरूर ये न्यूरल कैनाल दिखाता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री कितना होता है, सर्वाइकल वर्टिब्री कितना होगा 7, तो ये आपको ऑलमोस्ट सभी मैमल्स से मिलेंगे, बहुत ही डिस्टिंग्विशिव कैरेक्टर्स है ये, ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होता है। अब आते हैं स्टर्नम के बारे में या ब्रेस्ट बोन के बारे में, दैट इज द फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरेक्स, वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरेक्स के बीच में स्टर्नम प्रेजेंट होता है, जिसके साथ आप देखते थे रिब्स आपका अटैच होता था, जिसके साथ रिब्स अटैच होता था, जिसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। अब आते हैं रिब्स में, यहाँ से क्वेश्चन उठता है भैया, ये फ्लोटिंग रिब्स और फॉल्स रिब पे बहुत क्वेश्चन उठता है, तो ध्यान से सुनना यहाँ से, ठीक है। 12 पेयर्स होते हैं इसमें, इसमें कि आपको फर्स्ट 7 जो होता है, फर्स्ट 7 वो ट्रू रिब्स होता है। अच्छा, इसको ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं, ट्रू रिब्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि आगे की तरफ से भी आपको ये कनेक्टेड होता है ना, एंड पीछे की तरफ से भी आपको क्या है ये कनेक्टेड है, इसलिए आपका ये क्या कहलाता है, आगे की तरफ स्टर्नम से कनेक्टेड होगा, आगे की तरफ स्टर्नम से कनेक्टेड होगा, और पीछे की तरफ आपका जो है वर्टिब्री से कनेक्टेड है, दोनों साइड इसको कनेक्शन अगर मिल जा रहा है तो हम इसको ट्रू रिब्स बोलते हैं, और अदरवाइज केवल यहाँ पे आप पीछे से कनेक्टेड हो और आगे से आप किसी एक अपने खुद रिब से कनेक्टेड हो मान लो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे फॉल्स रिब, फॉल्स रिब। और ऐसे भी नहीं कोई किया हुआ है, सीधा क्या कर रखा है, केवल कनेक्शन नहीं है उसका, वेंट्रली कोई कनेक्शन नहीं है, नो कनेक्शन विद द स्टर्नम और अदर रिब्स, आगे की तरफ से किसी के साथ कनेक्शन ही नहीं है, तो उसको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो कनेक्शन हमारा डिपेंड करता है, इसलिए ट्रू रिब्स और आप जो देख रहे हो फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स, ये एक्चुअली डिपेंड ऑन कनेक्शन। पहला 7 जो होता है दैट इज अटैच टू द थोरैकिक वर्टिब्री है ना, एंड वेंट्रली कनेक्टेड टू द स्टर्नम, तो ये आपको हो गया आगे की तरफ स्टर्नम से कनेक्टेड और पीछे की तरफ थोरैक वर्टिब्री से कनेक्टेड, थोरैकिक वर्टिब्री से, तो ये हो गया आपको ट्रू रिब्स, और ये स्टर्नम से कनेक्टेड है विद दैट हेल्प ऑफ हायलिन कार्टिलेज, और एक होता है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल मतलब क्या हो गया, वर्टिब्री से जुड़ा होगा और आगे की तरफ रिब्स से जुड़ा होगा, ठीक है, रिब्स से अटैच होगा, तो दे डू नॉट गेट आर्टिकुलेट्स विद दैट ऑफ स्टर्नम, ये ज्वाइंट होता है विद दैट ऑफ 7th रिब्स विद दैट ऑफ हायलिन कार्टिलेज,
इसलिए यहाँ पे वर्ड कॉन्ड्रल यूज हुआ। देखो नाम में समझना, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल मतलब वर्टिब्री और कॉन्ड्रल मतलब हो गया कार्टिलेज से जुड़ना। तो आगे की तरफ आपको कार्टिलेज से, हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से, सेवेंथ रिब से जुड़ करके सब लटका हुआ है, और पीछे की तरफ आपको वर्टिब्रे से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे इसको बोल रहे हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। ये आपको नंबर में आप देखो तो सेवन तक तो आपको ट्रू रिब्स था, अब एट नाइन टेन आपको क्या हो जाता है, वो आपको फॉल्स रिब्स हो जाता है। एट नाइन टेन आपका होता है फॉल्स रिब्स, ये याद रखना। फ्लोटिंग रिब्स क्या होता है, आखिर के दो जो होते हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। इलेवन एंड ट्वेल्व आपका क्या होता है, ये कि दे आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, ना है वेंट्रली ये कनेक्टेड ही नहीं होता एट ऑल, ठीक है, नो कनेक्शन, यानी स्टर्नम से भी नहीं या दूसरे रिब से भी नहीं कनेक्टेड होते हैं। सो ईच रिब हैज टू आर्टिकुलेशन सर्फेस ऑन इट्स डॉर्सल एंड, एंड हेंस इट इज कॉल्ड बायसिफेली। एंड इसके डॉर्सल एंड पे आप जानते हो कि रिब्स जो होता है हमारा, रिब्स अगर देखे होंगे आप तो पर्टिकुलरली उसके डॉर्सल एंड पे, ना डॉर्सल एंड पे आपको क्या मिलेगा, दो आर्टिकुलेशन मिल जाएंगे, आर्टिकुलेटिंग सरफेस मिल जाएगा, राइट। एंड दिस इज कॉल्ड एज बायसेफेलिक टाइप ऑफ रिब्स, दिस इज कॉल्ड एज बायसेफेलिक टाइप ऑफ रिब्स। तो बस अभी आपके क्वेश्चन क्या आने वाले हैं नीट में, आपको नीट में सवाल ये पूछेगा रिब्स आपका क्या है, कैसे है, कितने हैं, यानी कि ट्रू रिब्स क्या है, फॉल्स रिब्स क्या है, फ्लोटिंग रिब्स क्या है, क्यों बोलते हैं फॉल्स रिब्स, क्यों बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, बस इतने अगर जानते हो बात तो एकदम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, अपेंडिकुलर टाइप ऑफ स्केलेटल सिस्टम देखते हैं, जिसमें आपको क्या आता है, 126 बोन आता है, 126 बोन आता है। पहले तो चार आपके लिम्स हो गए, चार लिम्स में 30 30 30 30 हो गया 120 यहीं पे, है ना। तो ये अपेंडिकुलर का सबसे जो मेजर पोर्शन आपका है वो क्या हो जाएगा, आपका लिम्स हो जाएगा, लिम्स हो जाएगा, ठीक है। देखो बोन्स ऑफ फोर लिम्स 30 into 2, यानी हमारे दो हाथों में 60 हो गए, जिसमें इंक्लूड्स क्या हो जाएगा, ह्यूमरस रीजन, रेडियस एंड अल्ना, ये पर्टिकुलरली क्या हो गया हमारा, ये ह्यूमरस हो गया, ये आपको क्या हो गया, इस तरफ आप देखो अंगूठे की तरफ आपका ये पोर्शन रेडियस हो गया, इस तरफ आपका अल्ना हो गया, दोनों यहीं पर प्रेजेंट है। एंड कार्पेल यहाँ पर रिस्ट बोन इसको बोलते हैं, मेटा कार्पेल पाम बोन हो गया, फैलेंजेस हो गया, ठीक है, डिगिट्स आप इसको बोलो, क्या बोलोगे इसको, डिगिट्स। तो ये आपको इंक्लूड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे बोन्स हो गए। आप हाइंड लिम्स में आ जाओ, हाइंड लिम्स में आप जानते हो कि फीमर होता है, थाई बोन जिसको बोलते हैं, पैटेला हो गया, कैप नी कैप आपको बोला जाएगा उसको, टिबिया एंड फिबुला हो गया, फिर टार्सल हो गया, मेटा टार्सल, जैसे यहाँ कार्पेल मेटा कार्पेल था ना, मेटा कार्पेल कार्पेल, उसी तरह यहाँ पे क्या हो गया, टार्सल एंड मेटा टार्सल हो गया, ठीक है, टार्सल एंड मेटा टार्सल। अब गर्डल्स भी आपको अपेंडिकुलर स्केलेटन्स का पार्ट होता है, गर्डल्स भी क्या होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन्स का पार्ट होता है। तो पेक्टोरल गर्डल में आपको देखो यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल आपको क्या हो जाएगा, 2 into 2 दोनों साइड में आपको मिलेगा, 2 into 2 यानी 4 हो गया। इसमें आपको क्लेविकल्स आ जाएंगे, दो क्लेविकल आ जाएंगे, दो स्कैपुला आ जाएंगे, दो क्लेविकल और दो स्कैपुला आ जाएंगे। स्कैपुला क्या होता है, स्कैपुला ये रीजन में प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे पीछे प्रेजेंट है, दैट इज स्कैपुला इज द लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होता है, दैट इज सिचुएटेड डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स। कहाँ से कहाँ तक इसका पोर्शन है, तो 2 to 7th रिब्स इसका, इस याद रखना लोकेशन, 2 to 7th रिब्स, 2 to 7th रिब्स। स्कैपुला दैट इज कॉल्ड सोल्जर ब्लेड हैज स्लाइटली एलिवेटेड रिज, दैट इज हैविंग स्लाइटली एलिवेटेड रिज, आप इसको रिज को स्पाइन बोल सकते हो, दैट विच प्रोटेक्ट्स विच प्रोजेक्ट्स एज अ फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस क्रोमियन, जिसको आप क्या बोलते हो, क्रोमियन प्रोसेस बोलते हो, क्रोमियन प्रोसेस बोलते हो, ठीक है। इसके क्रोमियन प्रोसेस के जस्ट नीचे आपको क्या होता है, ग्लिनोइड कैविटी होता है, जिससे क्या आर्टिकुलेट होगा हमारा, ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेटेड है, दैट बिलो दैट ऑफ एक्रोमियन, बिलो दैट ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस देर इज अ ग्लिनोइड कैविटी, देर इज अ ग्लिनोइड कैविटी, जिस कैविटी के साथ जाके फिक्स हो जाएगा हमारा ह्यूमरस का हेड, ह्यूमरस का हेड, ठीक है। और इस एक्रोमियन प्रोसेस के साथ कौन जाकर के आर्टिकुलेट होगा, दैट विल बी क्लेविकल या कॉलर बोन, जो क्लेविकल और कॉलर बोन है हमारा, ये कॉलर बोन जाकर के एक्रोमियन प्रोसेस से जाके आर्टिकुलेट होगा, और आपका ग्लिनोइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट कौन होगा, आपको हेड ऑफ ह्यूमरस, चीजें क्लियर है, हेड ऑफ ह्यूमरस आपको कहाँ पे, ग्लिनोइड कैविटी से, एक्रोमियन प्रोसेस से आपको जाके आर्टिकुलेट होगा क्लेविकल या कॉलर बोन। अब यहाँ पे सवाल उठता है, क्या सर यहाँ पे आप छोड़ दिए सारे नंबर को, मुझे याद नहीं करवाए, तो देखो नंबर वगैरह आपके क्वेश्चन जनरली नहीं बनते हैं, बट अगर आपको थोड़ा अगर दिमाग में रखना हो तो बस आप ये याद रखिए, कार्पेल आपका 8 होता है इधर, और इधर आपका जो होता है टार्सल, टार्सल इधर 7 होता है, बस इतना ही याद रखो। मेटा कार्पेल दोनों जगह 5 मिलेगा, मेटा टार्सल दोनों में देखो 5 ही है। फेरेंजेस का डिगिट्स भी आपको दोनों में 14 है, ह्यूमरस 1 होगा, ये तो सबको पता होगा, यहाँ पे एक लिम्ब में हम बात कर रहे हैं, राइट। आपका ह्यूमरस 1 हो गया, रेडियस 1 हो गया, अल्ना 1 हो गया, कार्पेल आपका यहाँ पे
कार्पेल 8 हो गया, ये याद रखना आप। बस इसी तरह से इधर थाई बोन आपका 1 हो गया, पेटेला 1 हो गया, टिबिया फिबुला 1-1 होगा, बाकी और कुछ तो टफ है नहीं। बस कार्पेल का नंबर आप देखो ऊपर में 8 याद रखना, नीचे में आप टार्सल का नंबर 7 याद रखना, और कुछ भी टफ यहाँ नहीं है। आइए अब पेल्विक गर्डल को थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। लोअर बॉटम एरिया में, लोअर एब्डोमेन में आपको मिल जाएगा ये। इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू कॉक्सल बोन, टू कॉक्सल बोन का बना होता है, फ्यूज होता है, फ्यूजन यहाँ पे आपको होता है, तीन बोन का फ्यूजन होता है, इलियम इशियम एंड प्यूबिस, इलियम इशियम एंड प्यूबिस का आपको यहाँ फ्यूजन होता है। तो अगर हम बात करें तो ये नंबर में आपको कितना मिलेगा, 2 नंबर में ऐसे 2 ही मिलेंगे, 2 कॉक्सल बोन बोलते हैं, ठीक है। ये फ्यूजन हो रहे हैं तीन बोन का, इलियम इशियम एंड प्यूबिस। एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ इलियम एंड इशियम एंड प्यूबिस इज अ कैविटी कॉल्ड एसिटाबुलम, इसको क्या बोलेंगे, कैविटी बोलते हैं, दैट कैविटी इज एसिटाबुलम, और उस कैविटी से ही जाकर के अटैच होने वाला है आपको थाई बोन यानी फीमर। थाई बोन जो है इसी एसिटाबुलम से आपको अटैच होगा। द टू हाफ ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली टू फॉर्म अ प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। जो आपका दो हाफ है पेल्विक गर्डल का, तो पेल्विक गर्डल का दो हाफ है वो कहाँ मीट कर रहा है, दैट विल फॉर्म्स पेल्विक सिम्फाइसिस एंड कंटेनिंग फाइबरस कार्टिलेज। तो इस प्यूबिक सिम्फाइसिस के बारे में आपने रिप्रोडक्शन में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में समझा होगा। प्यूबिक सिम्फाइसिस गेट इनलार्ज्ड इन केस ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन, ठीक है। ये इनलार्ज हो जाता है ड्यूरिंग द पार्चुलेशन, दैट इज द प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो बच्चा लोग यहाँ तक आपका पेल्विक गर्डल कंप्लीट होता है। आइए ज्वाइंट्स के बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ज्वाइंट्स मेनली क्या होता है, दैट विल बी कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बोन्स, है ना, या फिर आप कह सकते हो बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, है ना, मूवमेंट के हिसाब से हम बात करें तो 3 तरह के ज्वाइंट्स होंगे। दैट विल नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं अलाउड है, दैट इज फाइबरस ज्वाइंट। जिसमें कि आपका मूवमेंट अलाउ तो है, दैट परमिट लिमिटेड मूवमेंट, लिमिटेड मूवमेंट अगर अलाउड है, दैट इज कॉल्ड कार्टिलेजनस ज्वाइंट। और जिसमें आपको मूवमेंट बहुत ईजिली होता है, आपका फ्लूइड होता है फील्ड, साइनोवियल फ्लूइड अगर फील्ड होता है, तो दैट ज्वाइंट इज कॉल्ड साइनोवियल ज्वाइंट। इट विल हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, चीजें क्लियर है। बिल्कुल मूवमेंट नहीं होगा तो फाइबरस ज्वाइंट, लिमिटेड मूवमेंट होगा, ठीक है, आपका कार्टिलेजनस ज्वाइंट। एंड अगर साइनोवियल ज्वाइंट की बात करें तो उसमें क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड फील्ड होता है एंड मूवमेंट एकदम पूरा फ्रीली हो जाता है उसमें। समझ आ गया। बोन्स आर फ्यूज्ड एंड टू एंड वाया डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फाइबरस ज्वाइंट में एकदम एंड टू एंड ज्वाइंट होता है बोन्स, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज के मदद से, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के मदद से बोन्स यहाँ पे ज्वाइंट होते हैं टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेजनस ज्वाइंट में बोन्स कैसे ज्वाइंट होंगे बच्चा, विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। यहाँ पर आप देखो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका सूचर्स है, स्कल बोन है, वो आपको फाइबरस ज्वाइंट के अंदर आ गया। क्या आप अपने स्कल बोन्स को किसी भी प्रकार का मूवमेंट दे सकते हो क्या, नो ना, तो ये फाइबरस ज्वाइंट में आ गया। कार्टिलेजनस ज्वाइंट में आ जाता है आपको ज्वाइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री, तो वर्टिब्री का जो आपका ज्वाइंट है उसमें भी आपका क्या होगा, कार्टिलेजनस ज्वाइंट आएगा, बिकॉज आप उसमें परमिटेड अमाउंट ऑफ मूवमेंट कर सकते हो, परमिटेड अमाउंट ऑफ मूवमेंट। हाँ, योगा वगैरह करने वाले लोगों का जो है मूवमेंट थोड़ा और इन्हांस हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, बट गाइज दैट इज द अदर थिंग, ठीक है। तो आपके लिमिटेड मूवमेंट होते हैं। साइनोवियल ज्वाइंट में भी हम लोग और भी टाइप्स इसका पढ़ेंगे साइनोवियल ज्वाइंट का, तो जैसे नी ज्वाइंट, पाइवेट ज्वाइंट सब इसके अंदर आते हैं, राइट। सो नी ज्वाइंट कहाँ होता है, पाइवेट ज्वाइंट कहाँ होता है, ये सारे क्वेश्चन आपको जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिलहाल तो आप याद रख लो कि फाइबरस ज्वाइंट का लोकेशन क्या है, कार्टिलेजनस ज्वाइंट का लोकेशन क्या है। फाइबरस ज्वाइंट का मैंने आपको बता दिया स्कल में हो गया, कार्टिलेजनस ज्वाइंट का हो गया वर्टिब्री में, दैट इज एडजेसेंट वर्टिब्री, बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री। अब आते हैं टाइप्स ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट्स। देखो टाइप्स ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट्स में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट आपका शोल्डर ज्वाइंट में है और हिप ज्वाइंट में, शोल्डर ज्वाइंट में हो गया और हिप ज्वाइंट में हो गया। हाइन ज्वाइंट कहाँ पे होता है, हाइन ज्वाइंट आपको नी ज्वाइंट हो गया, ठीक है, नी ज्वाइंट हो गया, एल्बो ज्वाइंट हो गया। तो ये जो एल्बो ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट है, वो क्या हो जाएगा, हाइंज ज्वाइंट, दिस इज हाइंज ज्वाइंट। पाइवेट ज्वाइंट क्या हो गया, दैट इज द ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्री के बीच का जो आपका ज्वाइंट है, दैट इज पाइवेट ज्वाइंट, एटलस और एक्सिस के बीच में। ग्लाइडिंग ज्वाइंट के बारे में आप जानते हो, दैट इज ज्वाइंट बिटवीन कार्पल्स, तो कार्पल्स होता है, दैट इज कॉल्ड कार्पल्स के बीच में आप देखोगे ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग ज्वाइंट ऐसे मूवमेंट आपको मिलता है। सैडल ज्वाइंट कहाँ होता है, दैट इज ऑन थम्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, दैट इज सैडल ज्वाइंट, थम्स, ठीक है, ऐसे। तो बच्चा लोग आप इसको याद कैसे करोगे, तो देखो ध्यान देना, एक हो गया बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, एक हो गया हाइन ज्वाइंट, एक हो गया पाइवेट ज्वाइंट, एक हो गया ग्लाइडिंग ज्वाइंट, एक हो गया सैडल ज्वाइंट, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे थोड़ा आप क्या करो, इसको निमोनिक्स बनाने का कोशिश करो अपने से, ठीक है। मेरा निमोनिक्स बहुत फनी है, मैं आपके साथ ये अपना निमोनिक्स में शेयर नहीं कर सकता,
सो आप बॉल एंड सॉकेट में क्या करोगे, शोल्डर एंड हिप ज्वाइंट यहाँ लिखोगे, शोल्डर एंड हिप ज्वाइंट, और हाइन ज्वाइंट में क्या लिखोगे, नी एंड एल्बो ज्वाइंट, नी एंड एल्बो ज्वाइंट, पाइवेट ज्वाइंट में क्या लिखोगे, एटलस एंड एक्सिस, एटलस एंड एक्सिस, ग्लाइडिंग ज्वाइंट में क्या लिखोगे, कार्पेल्स के बीच में होता है, एंड सैडल ज्वाइंट में क्या लिखोगे, मेटा कार्पेल एंड कार्पेल ऑफ, कार्पेल एंड मेटा कार्पेल ऑफ थंब, ऐसा कुछ आप क्या करना बनाना होगा। ओके ऐसे आपको याद भी हो चुका है, डन, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि मान लो नी ज्वाइंट बोलेंगे तो हाइन ज्वाइंट ही है, साफ साफ दिख रहा है। हाइंज में तो क्या होता है, दरवाजे की तरह जैसे खोलते हो दरवाजा, वो तो हाइन ज्वाइंट ही है ना। तो अब इसमें आपको यहाँ बॉल एंड सॉकेट तो नहीं दिख रहा है ना, तो पूरा फुल मूवमेंट आपको बॉल एंड सॉकेट तो नहीं, क्लियर हो गया। आइए कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ लेते हैं रिलेटेड टू दैट ऑफ मसल एंड स्केलेटल सिस्टम। अब इसमें क्या है भाई, मिस्थेनिया ग्रेविस टाइप ऑफ डिजीज के बारे में पूछा जाता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये, एकदम डायरेक्ट पिक्ड अप होता है क्वेश्चन। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज मिस्थेनिया ग्रेविस विच विल अफेक्ट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, और ये क्या करेगा, लीड टू फटीग एंड वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। मस्कुलर डिस्ट्रॉपी क्या है, इट इज टाइप ऑफ ए जेनेटिक डिसऑर्डर। मस्कुलर डिस्ट्रॉपी यहाँ क्या हो गया, जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। इट इज प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉपी अपीयर ड्यू टू जेनेटिक डेफिशिएंसी इन द मसल प्रोटीन। डिस्ट्रॉपिन प्रोटीन का जो है वो डेफिशियंसी हो जाता है, ये रीजन है इसका। देर इज नो क्योर फॉर दिस मस्कुलर डिस्ट्रॉपी बट मेडिकेशन एंड थेरेपी कैन स्लो द कोर्स ऑफ दिस डिजीज। तो ऐसा डिजीज है जिसका आपका पूरा क्योर तो नहीं पॉसिबल है, बस मेडिकेशन एंड थेरेपी से हम इस डिजीज का क्या कर सकते हैं, थोड़ा समय इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, टाइम इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, दैट इज द थिंग। टिटनी के बारे में क्वेश्चन आ चुका है नीट में, आप जो पढ़े होंगे। तो टिटनी मैंने आपको पीवाईक्यू में कराया कि दैट इज रैपिड स्पाज्म इन द मसल। तो मसल में जब रैपिड स्पाज्म आता है ड्यू टू लो कैल्शियम इन द ब्लड बॉडी फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड टिटनी। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन टिटनी आपका। ठीक है, अर्थराइटिस यानी अर्थराइटिस, अर्थरो का मतलब क्या ज्वाइंट, और आइटिस का मतलब क्या इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट इज कॉल्ड अर्थराइटिस। ऑस्टियोपोरोसिस दैट इज द वोमेन रिलेटेड टाइप ऑफ डिजीज, एज रिलेटेड टाइप ऑफ डिजीज। इसमें क्या होता है भैया, इसमें आपका बोन मास काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, एंड देयर इज चांस ऑफ इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर्स आर देयर। ये असल में रीजन इसका जो क्या है, बेसिक रीजन है कि इसका एस्ट्रोजन लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज होना इज द मेन रीजन, दैट इज डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। गाउटी अर्थराइटिस जिसको आप कहते हो, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जाकर के ज्वाइंट में आपको क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा एकदम दर्द सा एहसास होता है ज्वाइंट्स में, दैट इज कॉल्ड गाउटी अर्थराइटिस। चीज़ें क्लियर है बच्चा? ओके सो ये सारे चीज़ें उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको कहाँ से आ गया, अलग सा टॉपिक है, इरेलीवेंट से यहाँ पे अभी गलती से आ चुका है। तो ये गाउटी अर्थराइटिस डन, क्लियर हो गया। अब ये हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन भी देख लेंगे। तो इस चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट का पीवाईक्यूज लगा लेना मेरा, आपको समझ में आ जाएगा और भी चैप्टर कौन से क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी के तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर ही दिए हैं, एनसीईआरटी हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर हो गया बच्चा लोग। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस, टिल देन टेक केयर एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड यू कैन मैसेज मी एज वेल देयर इन इंस्टाग्राम, दैट इज सुशील _ कुमार मिश्रा के नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम में मिल जाऊँगा बच्चा लोग। सो बी कनेक्टेड एंड थैंक्स ऑल फॉर दिस टाइप ऑफ लेक्चर, सपोर्ट गाइज बाय लाइकिंग दिस पर्टिकुलर सेशन एंड डू fruitful comment in the comment box. Thank you so much.